हेलो, एक सेकंड रुक। नहीं, ये डिले में क्यों आ रही है? तुझे डिले में नहीं आ रही इधर आवाज? ठीक है। अच्छा, नहीं पता, नहीं मुझे पता, तेरी स्ट्रीम में मैं भी डिले देख रहे।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक। कल बहुत से लोगों की यहाँ पर दरख्वास्त थी कि सेसर को वहाँ पर वापस लाया जाए कास्टिंग के अंदर, और आज आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश के ऊपर सेसर प्लेस वापस जरूर आ चुके हैं कास्टिंग के अंदर एक दफा फिर से। और तमाम लोगों को जो लोग भी चैनल के ऊपर आ रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों का वेलकम यहाँ पे चैनल के ऊपर। मेक श्योर कर देना जो लोग नए आ रहे हो, अगर अभी तक लाइव नहीं किया हुआ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर अब तक चैनल के ऊपर आ गए हो तो ये सब रसूमात तो अदा करनी लाजमी है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने टूर्नामेंट की बात करते चले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल बिट अपोलॉजी फ्रॉम माय साइड के मैं क्वालिफायर्स कास्ट नहीं कर पा रहा, बिकॉज डेफिनेटली जॉब और बहुत सी और चीज़ें भी देखनी होती हैं। सो फिलहाल के लिए आज पहले मैच के अंदर आपसे मेरा साथ जरूर रहेगा, तब तक के लिए थोड़ी सी बात करते चले। मल्टी गेमर्स ई स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1, आज क्वालिफायर्स ग्रुप ए का डे 2 खेला जाएगा आप लोगों के सामने, जिसके अंदर आपको मेरी आवाज के साथ लुत्फानंदोज होने का मौका जरूर मिलेगा तमाम के तमाम मैचेस के साथ। सो थोड़ी सी हम अपने स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे, जिस तरीके से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, होस्टेड बाय सेसर प्लेज, मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स इटसेल्फ द होस्ट। और वहीं पर हमारे पहले स्पॉन्सर निकल कर आते हैं ऑल द वे फ्रॉम बहरेन, प्रोनूब इज लाइव। So, ProNoob is live, thank you so much for sponsoring the event. और उन्हीं के शाना बशाना हमारे पास यहाँ पर दूसरे स्पॉन्सर हमारे रहते हैं, जो कि SIR जट साहब रहते हैं। सो थैंक यू सो मच जट साहब फॉर स्पॉन्सरिंग द इवेंट। आप लोग ही यही वो स्पॉन्सर हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा इवेंट यहाँ पर जो है पॉसिबल हो पाता है। सो थोड़ी देर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कल के पॉइंट्स भी आ जाएंगे और मैच भी हम बहुत जल्द लाइव होता हुआ देखेंगे जरूर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि थोड़ी देर के अंदर सबसे पहले तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आज के मैचेस किस मैदान पे खेले जाएंगे, कैसे खेले जाएंगे। सो सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे डे शेड्यूल की, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला मैच इरेंगल के ऊपर, खासा कन्वेंशनल मैप रहता है। पहले मैप को हम यहाँ पे देखेंगे इरेंगल का जो मैप जरूर रहता है, दूसरा मैप यहाँ पर मिरामार का रहेगा हमारे पास, तीसरा सैनोग, चौथा दोबारा से मिरामार। सो कहीं ना कहीं वो टीम्स जो कि मिरामार को स्ट्रेटजाइज करती हैं ज्यादा, जो कि रिजिस पे खेलना पसंद करती हैं, अपनी स्ट्रेटजी को खासा इवॉल्व करके मैचेस खेलना पसंद करती हैं, उनके लिए खासा अच्छा मौका जरूर रहेगा। क्योंकि एक और चीज जो कि हमें MGRL के अंदर देखने को मिल रही है, दैट इज द PMPL पॉइंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किल पॉइंट्स है कि जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, और किल पॉइंट्स के ऊपर कौन कौन सी टीम्स ने फोकस किया है ये भी अभी हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ जरूर जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो टू द पॉइंट्स टेबल। देयर वी गो, सबसे ऊपर यहाँ पे वीके एलीट्स कल के दिन दो चिकन डिनर के साथ 50 पॉइंट्स की लीड के साथ टेबल की टॉप के ऊपर दिखाई दे रही है। उन्हीं के बिल्कुल साथ यहाँ पे VRX Esports ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, एक इंटरनेशनल टीम जो कि हमारे पास यहाँ पर आती है, #2 यहाँ पर अपने लिए लेकर जरूर जाते हैं। थर्ड के ऊपर टीम XRS विद 31 पॉइंट्स, नॉट ऑफिशियल विद 27, वाइल्ड टाइगर्स विद 26, DSP officials उनके बिल्कुल साथ 26, then 22 के ऊपर YTF and ESR KN के official 18 पॉइंट लेने में कामयाब, SIR Disasters हमारे पास यहाँ पे 16 पॉइंट्स लेने में कामयाब, Rex official की बात की जाए, देसी officials और NSMN officials तीनों 15-15 पॉइंट्स के साथ एक दूसरे के साथ यहाँ पर मौजूद जरूर रहेंगे। लेकिन वो लोग जो कि ये पॉइंट टेबल देख रहे हैं, ये चीज याद जरूर रखिएगा कि अगले मैच के अंदर, अगले राउंड के अंदर यहाँ से सिर्फ 8 टीमें होंगी जो क्वालिफाई कर पाएंगी। सो बाकी की जो 10 टीमें हैं वो क्या करेंगी? बाकी की 10 टीमों को एक दफा फिर से मौका दिया जरूर जाएगा, लेकिन इस इवेंट के अंदर नहीं, उनको मौका दिया जाएगा अपनी स्ट्रेटजीज को एक दफा रिवाइज करने का, अपने गेम प्ले को एक दफा रिवाइज करने का, थोड़ी और प्रैक्टिस करने का, और इंशाल्लाह हमारा जो अगला सीजन रहेगा MGRL सीजन 2 का, उसके अंदर ये टीम्स आपको वापस से क्या पता #1 का स्पॉट भी लेके जाते हुए दिखाई दें। सो फिलहाल के लिए अगर बात करते रहे तो कौन कौन सी टीम्स हमारे सामने आज खेलती हुई दिखेंगी, सो मेरी प्रोडक्शन से दरख्वास्त जरूर रहेगी। और इसी के साथ प्रोडक्शन हमारी यहाँ पर हमारे सामने लेकर आती है स्लॉट लिस्ट, जिसके अंदर वाइल्ड टाइगर्स, YTF Esports, VK Elites, देसी ऑफिशियल, टैग मोबाइल, KNK ऑफिशियल्स, कट थ्रोट्स, DSP ऑफिशियल्स, VRX Esports, Rex ऑफिशियल्स, नॉट ऑफिशियल्स, RE Elites, NSMN ऑफिशियल, फोर राइवल्स, ESR ऑफिशियल्स, SIR Disaster, टीम XRS एंड ब्लैक ऑफिशियल्स। लेकिन अगर इस ग्राफिक की ही बात करें जो इस टाइम पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, सो आई बिलीव सो टीम से ज्यादा यहाँ पर अगर कोई है जिसकी बात करना बनती है तो वो हमारे स्पॉन्सर जरूर रहेंगे, जिसके अंदर ProNoob is live और SIR जट हमारे पास मौजूद जरूर रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी जिन लोगों की मदद से ये इवेंट पॉसिबल हो पाया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर MGE Sports की बात करूंगा, मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स की, CSGO के अंदर ऑपरेट करते थे, PUBG मोबाइल के सिनेरियो के अंदर अपना पहला कदम डालते हैं, पहले कदम के साथ ही क्या बेहतरीन एक इवेंट हमारी आंखों के सामने लेकर आया जाता है इनकी जानिब से। अगेन
देन हमारे पास अगर प्रोडक्शन टीम की बात की जाए, हमारे पास हमारी ग्राफिक्स टीम की बात की जाए, और क्या ये बेहतरीन यहाँ पे तस्वीर दिखाई जाती है मेरी। थैंक यू सो मच प्रोडक्शन, इतना मुझे यहाँ पर जो है आप लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है। थैंक यू सो मच, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोडक्शन से ज़्यादा, मैनेजमेंट से ज़्यादा मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग स्ट्रीम के ऊपर कल यहाँ पर चाह रहे थे कि सेसअप प्लेस को एक दफ़ा दोबारा से इन एक्शन देखा जाए, सेसअप की कास्टिंग को यहाँ पर देखा जाए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सेसअप प्लेस हाजिर है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, उन लोगों को स्पेशली जो कि स्ट्रीम के ऊपर हमारे साथ बनते हैं, जो कि स्ट्रीम के ऊपर आके इवेंट को प्रमोट करते हैं, जो मैनेजमेंट की, जो प्रोडक्शन की, जो सारी की सारी उनकी जो मेहनत होती है, वो मेहनत रंग तभी लाती है कि जिस टाइम पर आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस इन्वॉल्व होती है। सो to the whole Sesar fam, to the whole Pakistani emulator community, आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन उससे ज़्यादा शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, और स्पॉन्सर्स से ज़्यादा मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स का, कि जिनकी वजह से यहाँ पर जो इवेंट है वो पॉसिबल ज़रूर हो पाता है। सो थोड़ी देर के अंदर अपने मैच के ऊपर भी जाएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर तमाम की तमाम टीम से करना, कल के लिए मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर आगे बताया ज़रूर था, इवन हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि देयर वर सम इशूज़ गोइंग ऑन, जिसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ थी, कुछ टेक्निकल इशूज़ हमारे सामने आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं। सो एक चीज मैं जरूर तमाम लोगों से यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इम्यूलेटर कम्युनिटी के अंदर इस तरह की प्रोडक्शन के साथ कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकअप, इतना बड़ा इवेंट हमारे सामने लेकर आती है। सो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फ्रूटफुल ज़रूर दिखाई देती हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कम्युनिटी। तो इस तरह के इवेंट्स आते रहें, इस तरह की प्रोडक्शन आती रहे, मुझे बार बार मौका मिलता रहे आप लोगों के सामने यहाँ पर हाजिर होने का, हर दफ़ा एक नए इवेंट के साथ, एक नए जोश वलवले के साथ, एक नए जज्बे के साथ, तो क्या ही मज़ा आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी MG Esports को सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट दिखाई जाए। जो जो लोग भी इस टाइम पे चैट के अंदर बैठे हुए, मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त जरूर रहेगी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का, मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स के, को एंड ज्वाइन द डिस्कॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाई जाए इन तमाम लोगों को। अगर आप लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे सुपर चैट लिंक्स मिल जाएंगे, डोनेशन लिंक्स मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो, नन अदर देन द सेसर प्लेस। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जो जो लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जो है बनते हैं। सो बाकी जहाँ पर एक और चीज जरूर रहेगी कि मुझे इंतजार रहेगा, वो पहला मैच जो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, कितनी देर के अंदर वो मैच स्टार्ट होता है, टाइम हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि टाइम हो चुका है, और यकीनन कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स होंगे वो मैच के अंदर जा भी जरूर चुके होंगे। बस सिर्फ इंतजार इस बात का है कि मैनेजमेंट एक दफा चेक कर ले कहीं पर कोई डिले इश्यूज, कहीं पर कोई पिंग इश्यूज, क्योंकि पर्सनली मैं ये बात बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि मैनेजमेंट टीम्स को ऊपर रखे अपने टोटल जो उनकी मैनेजमेंट स्टफ होता है उससे। अगर टीम्स को इश्यूज आ रहे हैं तो मैचेस री भी होते हैं, री होस्ट भी किए जाते हैं मैचेस, सारी की सारी चीज़ें की जरूर जाती हैं सिर्फ और सिर्फ इस जो है कम्युनिटी के लिए, कि लोगों को एक बेहतरीन मैच, एक बेहतरीन टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले। और इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स का। सी एस गो कम्युनिटी से आते हैं, स्टेप इन किया जाता है इनकी जानब से पाकिस्तानी इम्यूलेटर कम्युनिटी के अंदर, और क्या बेहतरीन इवेंट इनकी जानब से लेकर आया जाता है। उन्हीं के साथ साथ जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी वजह से ये इवेंट एक्चुअली में पॉसिबल हुआ जाता है, प्रोनूम इज लाइव, SIR जट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जिन जिन लोगों की वजह से ये इवेंट जो है यहाँ पर पॉसिबल होता है। सो थोड़ी देर के अंदर हम जाएंगे अपने मैच की जानिब, लेकिन तब तक के लिए थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा था कि कल के मैचेस के अंदर खासा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया जाता है तमाम की तमाम टीम्स की जानिब से, जिसके अंदर एक टीम जिसके ऊपर मेरी नजर रहेगी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, VRX Esports, एंड हैश टू पहले ही दिन इनकी जानिब से जो है वो ग्रैब कर लिया जाता है। सो ग्रैबिंग the second spot on the leaderboard on the very first day is not an easy thing, but wahin par agar baat ki jaye to countdown hamari aankhon ke samne aati hai, the match is live, ladies and gentlemen, put your hands together for the first match of the day 2 qualifiers group A. Aur agar plain path ki baat ki jaye to no rip noise se hokar George Pool City ke area ke andar yahan pe कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। ज़्यादातर टीम्स को अपने ड्रॉप लोकेशन के ऊपर जाने में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए वो टीम्स जो कि स्टालबर एरिया के अंदर, यसना या पोलियाना के एरिया के अंदर, कमिश्की के एरिया के अंदर जाना पसंद करती है, उनको कहीं ना कहीं एक मुश्किल का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। बट फॉर द टाइम बींग चीज़ें खासी बेहतरीन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से ये मैच अपने एग्रेशन को किक स्टार्ट करता है, ये एग्रेशन स्टार्ट होके कहाँ पर ख़त्म होता है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी ज़रूर रहती हैं। सो थोड़ी देर के अंदर हम देखेंगे हमारी फाइट्स किस तरीके से यहाँ पर जो है बन।
लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो मिलिट्री के आइलैंड के ऊपर टीम्स की जानिब से अपना जो है वो रास्ता नापा जाता है। वहीं पर अगर आगे की बात की जाए तो मिल्टा पावर, मिल्टा टीम्स अपने अपने ड्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट्स लिए जाएँ, किस तरीके से अब यहाँ पर टीम्स लेती हैं। अगर पहली ही टीम की हमारे सामने बात की जाए, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली टीम यहाँ पे पहला प्लेयर हमारी आंखों के सामने ज़रूर आ जाते हैं, लूट को प्रेफरेंस दी जाती है डेफिनेटली स्टार्टिंग के अंदर। अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम यहाँ पे कोशिश करती हैं कि लूट को स्टार्टिंग के देखें, लेकिन वहीं पर कुछ रोटेशनल फाइट्स भी हमें देखने को मिलेंगी ज़रूर। किस तरीके से यहाँ पर टीम होती ज़रूर है, किस तरीके से खेलती हैं, लूट को किस तरीके से किया जाता है, लेकिन वहीं पर पहली टीम हमारे सामने आती है, क्लोज रोटेशन यहाँ पर दिखाई देती हैं, हो सकता है एक अच्छी फाइट भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। और क्या ही वो समा होता है कि जब पहले ही मिनट से वो एग्रेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर क्लोज से कूप से रोटेट जरूर कर लिया जाता है। फिलहाल के लिए टीम्स अपने अपनी लूट को जरूर प्रेफरेंस देती है, लेकिन अभी तक वो पहला ब्लड, वो पहला किल, वो पहला एग्रेशन किसी भी टीम की जानिब स्टार्ट नहीं किया जाता। जानते हैं क्वालिफिकेशन के लिए एक आखिरी मौका है इनके पास, उस आखिरी मौके को कभी भी इनकी जानिब से छोड़ा नहीं जाता। तो फिलहाल के लिए मैं एक चीज जरूर देखना चाहूंगा कि किस तरीके से टीम्स कहां कहां से रोटेट करके जा रही हैं, और वहीं पर कुछ रोटेशंस यहां पे देती हैं, कुछ शॉट्स इनके ऊपर दागी जरूर जाती हैं। देखना ये है कि कहां से शॉट्स दागी जा रही हैं, हर तरफ यहां पे फाइट्स का समा ज़रूर बनता है, लेकिन वो पहला किल, वो पहला ब्लड, मैं अभी तक ताक में हूँ कि कब वो पहला किल यहाँ पर लिया जाता है। सो फिलहाल के लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें यहाँ पर रेंडरिंग इश्यूज जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए टीम हमारी आंखों के सामने वापस जरूर आ चुकी है। एक अच्छी फाइट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जरूर सकती है, और मुझे इंतजार है कि कब वो पहला खून यहाँ पर, वो पहला ब्लड ड्रॉ किया जाता है इन टीम्स की जानिब से। लेकिन मैं ये भी ज़रूर देखना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर टीम्स जो है कहाँ कहाँ पर फाइट ज़रूर ले रही हैं, कॉज हमें बहुत सी फाइट्स यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगी। फिलहाल के लिए स्टार्टिंग है मैच की, टीम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आती हैं, और वहीं पर हमारे सामने मैप लाया जाता है। अगर हम टीम्स की बात करें तो टीम्स हमारे बिल्कुल आंखों के सामने यहाँ पर मौजूद ज़रूर रहती हैं। किस तरीके से यहाँ पर टीम्स करती हैं, क्या किया जाता है इन तमाम लोगों की जानिब से, ये चीज़ भी हम देखेंगे ज़रूर। लेकिन फिलहाल के लिए इंतज़ार रहेगा वो पहली फाइट जो हमारी आंखों के सामने आती है। यहाँ नाज़रीन, यहाँ पर एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहिए अपने होस्ट ऐसे प्लेस को, क्योंकि यहाँ पर हम पानी पी के एक दफ़ा दोबारा से हाजिर ज़रूर हो चुके। पूरा दिन रोज़े के बावजूद यहाँ पर प्यासा रहा जाता है, सुन्नत को यहाँ पर अदा ज़रूर किया जाता है, जो फ़र्ज़ है रोज़ा उसको यहाँ पर अदा किया जाता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आके जितना बोलना पड़ता है तो एक गिलास पानी तो हमारी जानिब से भी बनता ज़रूर। लेकिन वहीं पर अगर वाइल्ड की बात की जाए, सो वाइल्ड लीज़ा हमारी आंखों के सामने ऑन फुट रोटेशन की जाती है, कहीं ना कहीं अपने ड्रॉप के ऊपर पहुंचने में नाकामयाब ज़रूर होते हैं, लेकिन गाड़ियां भी नहीं ढूंढ पाते, सो ऑन फुट रोटेशन को फिलहाल के लिए प्रेफरेंस ज़रूर दी जाती है। सो अब आगे यहां पर किस तरीके से वो फाइट हमारे सामने आती है, किस तरीके से टीम, लेकिन एक चीज़ मैं यहां पर देख ज़रूर रहा हूं कि टीम्स की जानिब से खासा संभल के खेला जा रहा है, लेकिन वहीं पर जर्की के एरिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक फ़ाइट ज़रूर लेके निकलती है, और थोड़ी देर के अंदर हम उस जानिब जाएंगे भी ज़रूर। लेकिन फिलहाल के लिए टीम्स किस तरीके से कहते हैं, रेक्स हीरो हमारी आंखों के सामने मौजूद रहे, थोड़ी देर पहले हमने इनको देखा जरूर था कि कहीं ना कहीं रेक्स के जो प्लेयर्स हैं वो किल फीड के अंदर यहाँ पे नुमाया होते हैं, लेकिन अलास दे वर ऑन द राइट साइड, यहाँ पर मरते हुए जरूर दिखाई देते। फिलहाल के लिए टू मैन स्टैंडिंग स्क्वाड रहेगा जरूर इनके बिल्कुल सामने। अगर बात की जाए तो प्लेयर को लोन एचपी जरूर किया जाता है, इनके सामने बॉस के यहाँ पर कुछ प्लेयर्स मौजूद जरूर रहते हैं। तो किस तरीके से टीम को, किस तरीके से यहाँ पर फाइट अपने इख्तिताम को पहुँचती है, ये भी देखना ज़रूर ज़रूरी है। अगर हुज़ैफ़ा की बात की जाए, हुज़ैफ़ा की जानिब से एक अच्छा एंगल होल्ड किया जाता है, वहीं पर मिसम भी अपने पास एक अच्छा एंगल होल्ड करके बैठे हुए ज़रूर हैं। सो रेक्स के लिए खासी यहाँ पर मुश्किल होती है, क्योंकि वो एक और प्लेयर स्टार जो था उनको भी अभी तक के लिए गिराया जाता है। लास्ट मैन स्टैंडिंग इज हीरो, हीरो की जानिब से किस तरीके से यहाँ पर 1v4 की सिचुएशन को डील किया जाता है, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हीरो आपको यहाँ पर अपनी टीम के लिए हीरो बनकर जाना है, आपको अपने नाम की लाज रखनी है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर यूर टीम, यू हैव टू ग्रैब दोज पॉइंट्स फॉर योर टीम, बिकॉज आज वो आखिरी दिन जरूर रहेगा।
आज के दिन के आखिरी वो दिन रहेगा जो कि आपको क्वालिफिकेशन का एक मौका जरूर प्रोवाइड करेगा अगर आज आप फेल करते हो टॉप 8 के अंदर आने से। लेकिन वहीं पर उससे पहले यहाँ पर जरूरी ये रहेगा कि टीम का जो पोजीशन है वो आज जरूर चुका है। पहला प्लेयर यहाँ पे शॉटगन से नॉक किया जाए, दूसरा प्लेयर यहाँ पे नॉक किया जाता है, एक के पॉइंट अपने कंफर्म करने की कोशिश जरूर की जाती है, अच्छा किल कंफर्म भी जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक और प्लेयर को ब्लड कनेक्शन यहाँ पे कर जरूर पाएंगे। अब यहाँ पर हीरो क्या करते हैं, अपने नाम की लाज जरूर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरो बनकर भी जाया जाता है, टीम की जान से पुश करने की कोशिश की जाती है, एक अच्छा वेट दिखाया जाता है, टीम को जो रिवाइवल है उसको कैंसिल किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए हीरो हीरो यू हैव टू बी द हीरो फॉर द डे, यू हैव टू बी हीरो फॉर द नाइट। अपनी टीम के लिए क्या करते हैं यहाँ पर हीरो, ये चीज बहुत जरूरी जरूरी है। लेकिन बाहर निकला जाता है, प्लेयर को नॉक किया जाता है, एक और प्लेयर को नॉक किया जाता है, खासा बेहतरीन यहाँ पे 1v4 की सिचुएशन के अंदर। हीरो अभी तक के लिए हाजिर हो जाएंगे, किस बेहतरीन तरीके से तमाम प्लेयर को डैमेज जरूर किया जाता है। मिसम की बात की थी, मिसम बहुत ज्यादा लो एनएचपी जरूर रहते हैं, अब दोनों प्लेयर यहाँ पे लो एनएचपी फाइट जरूर रहेगी, एक अच्छी 1v4 की सिचुएशन यहाँ पे हीरो के पास रहेगी जरूर। एक किल अपने लिए कंफर्म जरूर कर पाएंगे, दूसरा किल भी अपनी जान यहाँ पे कंफर्म जरूर किया जाता है, वो पॉइंट जोन के सामने पड़े हुए थे, उन पॉइंट्स को अपने लिए कंफर्म किया जाता है। जानते हैं कि यहाँ पर उनका सर्वाइवल भी मुश्किल जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन उसी से पहले वो जो कुछ पॉइंट्स उन्होंने किए थे उनको कंफर्म किया जाए। लेकिन मिसम की जानिब यहाँ पे देखें तो मिसम भी यहाँ पे रिवाइवल को जो है प्रायोरिटी जरूर देंगे, हीलिंग दोनों प्लेयर्स के पास मौजूद नहीं रहती। लेकिन अब किस तरीके से यहाँ पर हीरो फाइट निकालते हैं, क्योंकि हीरो भी जानते नहीं है सामने वाला प्लेयर लो ऑन एचपी जरूर रहेगा। हीरो की जानिब से एक अच्छा पुश निकालने की कोशिश जरूर की जाती है, नाउ ही इज पुशिंग, और बेहतरीन 1v4 पहली ही फाइट के अंदर, क्या ही बेहतरीन क्लच यहाँ पे हीरो लेकर जाते हैं। One of the best 1v4 that I ever witnessed in my casting career, because जिस situation के अंदर मौजूद थे उस situation के अंदर वो aggression जो था, वो जो over aggression था टीम का, उसको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। हीरो की जानिब से अपने नाम की लाज रखी जाती है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला जरूर था कि he has to be the hero for his team, और वो उनकी जानिब से दिखाया भी जाता है that he is the hero for his team. So लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है हीरो की जानिब से। और उसी के पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर, जो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं स्ट्रीम के ऊपर, जो जो लोग चैट के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से जो जो टेक्निकलिटीज़ टेक्निकल इश्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, सम लैग इशूज़, उन सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर एक दफ़ा आप तमाम लोगों से माजरत ख्वाह ज़रूर हूँ, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, तरावियों का टाइम होता है, और अगेन इम्यूलेटर कम्युनिटी के अंदर इस तरह की प्रोडक्शन को पहली दफ़ा यहाँ पर लेकर आया जाता है। सो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ के चलते इन तमाम चीज़ों को बेहतर ज़रूर किया जाएगा। क्वालिफायर्स का राउंड ज़रूर रहेगा, क्वालिफायर्स के दिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आई बिलीव मैनेजमेंट की जानिब से टॉलरेशन ज़रूर दिखाई जाती है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, वन थिंग दैट आई कैन कन्फर्म, लीग स्टेजेस के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए हमारी टीम्स की, सो एक चीज़ हमने देखी जरूर है कि खासा एक ईस्टर्न क्लस्टर बनाया जाता है टीम्स की जानिब से, या तो टोटली आउट ऑफ जोन खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो सेंट्रलाइज्ड एरिया है एक टीम से हमें दिखाई दे रही है जो कि वाइट एफ की रहेगी, कि वो सेंट्रलाइज्ड स्पॉट को यहाँ पर थोड़ी सी प्रेफरेंस जरूर देती है, बाकी कोई भी और टीम ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड स्पॉट के अंदर नहीं जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वहीं पर अगर गूगल गेमिंग की बात की जाए, सो मिस्टर गूगल गेमिंग ही इज रोटेटिंग ऑन हिज USE, सो मिल्टा के अंदर रोटेशन जरूर दिखाई जाती है गूगल की जानिब से। लेकिन फिलहाल के लिए किस तरीके से हमारी अगली यहाँ पर फाइट बनती है, क्योंकि पहली फाइट हमने यहाँ पे देखी जरूर थी, पहली टीम जो इस मैच से विड्रॉ की जाती है, वो पहली टीम जिसको लॉबी का रास्ता दिखाया जाता है, वो एक 1v4 ले जरूर बनकर निकलता है। खासा बेहतरीन क्लच हमने हीरो की जानिब से देखा था, और कहीं ना कहीं मैच हाईलाइट्स के अंदर ही हमें फीचर होते हुए दिखाई जरूर देंगे। और अगर टूर्नामेंट हाईलाइट्स की बात की जाए, तो टूर्नामेंट हाईलाइट्स के अंदर भी फीचर होते हुए दिखाई दे सकते हैं हीरो, बिकॉज You just proved that you are not just hero by name, you are a hero by your game. You just saved your team, you just saved another day for your team. Because agar wahan par elimination dikhti Rex ki, so shayad qualification ke bhi bilkul dahane ke upar aa zarur jaate. Lekin filhal ke liye मैं एक और चीज़ ज़रूर यहाँ पे प्रोडक्शन से दरख्वास्त करूँगा कि अगर हमें एक दफ़ा दोबारा से पॉइंट्स टेबल दिखाया जा सकता है, क्योंकि मैं देखना ज़रूर चाहूँगा कि वो टीम्स कहाँ पर मौजूद हैं, वो उस क्वालिफिकेशन के लिए वो कहां पर मौजूद रहेंगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी कब तक हमारे पास यहां पे पॉइंट्स टेबल रेडी किया जाता है प्रोडक्शन की जानिब से। बट तब तक के लिए जब तक हमारी आंखों के सामने पॉइंट्स टेबल नहीं आता, अगर हम बात करें हमारी टीम्स की, सो अभी तक मैं ये चीज़ बहुत कम मैंने देखी है। हमें जो टीम्स कॉम्पिटेटिव खेलना पसंद करती हैं, या तो एज टू एज खेला जाता है, या फिर सेंट्रलाइज स्पॉट्स को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट पूरा का पूरा मैप सेंटर जो है उसको अबेंडन किया जाता है, पूरा का पूरा मैच सेंटर अबेंडन किया जाता है, और एक ईस्टर्न क्लस्टर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस जरूर दी जाती है। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर टीम्स की बात की जाए, यहाँ पर DSP का शान हमारे सामने ज़रूर मौजूद है।
सो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए यहाँ पर टीम्स की, तो प्रोडक्शन की जानिब से अभी तक के लिए पॉइंट्स टेबल को आई बिलीव से रेडी नहीं किया जाता, एक दफा फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत के अंदर। आई एम रियली सॉरी, मुझे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स जरूर लेनी पड़ती हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू नोज के अफ्तारी के बिल्कुल फौरन बाद इस तरीके की जो प्रोडक्शन है वो करना खासा हमारे लिए कभी कभार यहाँ पे मुश्किल ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए हमारी स्ट्रीम की, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो फिलहाल के लिए पॉइंट्स टेबल जो है वो हमारी आंखों के सामने ज़रूर आ जाता है। वी के एलीट सभी तक के लिए बिल्कुल हमारी आंखों के सामने यहाँ पर टॉप जरूर कर रही है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि रेक्स रेक्स कहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से वो क्लच निकाला जाता है, रेक्स ऑफिशियल्स गेम से 11वें स्पॉट के ऊपर थे, अगर आज का पहला मैच भी वहाँ पर उनकी जानिब से वो ज़ाया किया जाता, सो कहीं ना कहीं वो क्वालिफिकेशन जो थी उनकी वो ख़तरे में ज़रूर आ सकती थी, बट फिलहाल के लिए अपनी टीम को बचाया जाता है। क्या ये बेहतरीन 1v4 वो निकल कर आता है रेक्स की जानिब से, और इसी के साथ प्रोडक्शन से दरख्वास्त जरूर रहेगी कि हमें एक दफ़ा दोबारा से मैच की जानिब रवाना किया जाए, हम देखें कि किस तरीके से टीम यहाँ पर खेल जरूर रही है। तो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए हमारे सामने यहाँ पे टीम की जान से व्हीकल्स को यहाँ पर अबैंडन किया जाता है, अपनी बगी को अबैंडन करके गिराज से एक नई नवेली गाड़ी निकालने की कोशिश जरूर की जाती है, और गाड़ी उनके लिए यहाँ पर आ भी जाती है। पबजी की जानिब से तोहफा आता है, कहते हैं कि असल जिंदगी में तुम मर्सिडीज ले सको या ना ले सको, लेकिन पबजी के अंदर तुम हर गाड़ी चला सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम अपनी टीम्स की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से टीम्स एक ईस्टर्न क्लस्टर के अंदर थी, लेकिन वहीं पर तमाम की तमाम टीम्स की जाने से वापस से अपनी रोटेशंस को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। रोटेशंस के यहाँ पर चलते टीम्स की अगर बात की जाए तो प्रॉपर दरमियान में जो है वो वापस से सेंट्रलाइज स्पॉट्स अपने लिए लिए ज़रूर जाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी अब किस तरीके से यहाँ पर टीम्स की जानिब से किया ज़रूर जाता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें हमारी टीम्स की, सो ब्रिज कैंप के ऊपर यहाँ पर एक टीम मौजूद जरूर है, बट वहीं पर अगर हम अपनी फोर राइवल्स की बात करें तो फोर राइवल्स की जानिब से काफी बेहतरीन यहाँ पर रोटेशन जो है वो ऑप्ट की जाती है। रियली कुरियोस टू द आईजीएल ऑफ टीम फोर राइवल्स, जानते थे कि अगर यहाँ से मैप के अंदर या जो है मेन आइलैंड के अंदर एंट्रेंस करने की कोशिश की जाती है, सो उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर टीम्स की बात की जाए तो क्या ही बेहतरीन तरीके से टीम्स की जानिब से अब अपने अपने जो है जो स्पॉट्स हैं उनको यहाँ पर लिया जरूर जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास अगर बात की जाए टीम्स की, सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर की अगर हम बात करें तो रेक्स हीरो अभी तक के लिए जर्की के अंदर मौजूद हैं। व्हाट एम आई सीइंग, इज ही लाइक के यार मैंने अपने आज का काम पूरा कर दिया, नो आपको वापस से आना जरूर है मैप के अंदर, आपको आगे भी फाइट करनी है, वो एक 1v4 खासा बेहतरीन जरूर था, बट दैट्स नॉट इट, यू आर स्टिल ऑन द 11th स्पॉट, यू हैव टू ग्रैब दैट टॉप 8 टू क्वालिफाई टू द लीग स्टेजेस ऑफ मल्टी गेमर ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1। सो फिलहाल के लिए डीएसपी की बात करें, सो डीएसपी काशान हमारी आंखों के सामने मौजूद जरूर रहेंगे, वही कल के अंदर इनकी जानिब से रोटेशन जरूर ली जाती है, और फिलहाल के लिए टीम के पास दो किल्स रहते जरूर हैं, सो दो स्टिल यहाँ पर जो है हमारे पास किसने के पास रहते हैं, लेकिन वहीं पर एहतिशाम की बात की जाए तो शाम के ऊपर भी आया जरूर जाता है, डॉज अपनी यहाँ पर दिखाई जरूर जा रही है, लड़का यहाँ पर अपने पैसों का फ्लैक्स भी कहीं ना कहीं दिखाता जरूर है, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो स्किल्स की, स्किल्स ऑलवेज आर सेकंड, लेकिन वहीं पर इनकी जानिब से स्किल्स को भी दिखाया जाता है, क्योंकि काशान अभी तक के लिए दो किल्स जरूर लेके जाते हैं। सो फिलहाल के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन एक अच्छा स्पॉट इनकी जानिब से ले जरूर लिया जाता है, थोड़ी सी देर अब यहाँ पर अपना डेरा जमाया जाएगा, एक दफ़ा दोबारा से रीसेट किया जाएगा टीम्स की जानिब से, लेकिन वहीं पर अगर दूसरी जानिब बात की जाए रेक्स हीरो तो साइकिल के ऊपर आते हैं, हीरो की जानिब से बस एक साइकिल उनको मिलती है और वो उसी साइकिल के ऊपर मैप के अंदर वापस से जो है अपनी फाइट के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे जानता हूँ जो हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो जो दिल इनकी स्क्रीन के अंदर बन रहे हैं यार, क्या ही मजा होता है कि जब आप वो दिल देखते हो, लेकिन फिलहाल के लिए रेक्स हीरो को यहाँ पर हमारे पास यूएसजी जरूर मिल चुकी है, और उस यूएसजी के ऊपर इनकी जानिब से अब रोटेशन को वापस से कंटिन्यू जरूर किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बाकी तमाम टीम्स की बात की जाए सो अभी तक के लिए जो खामोशी हमें दिखाई दे रही है, अगर वीआरएक्स की बात करें सेकंड स्पॉट के ऊपर रहते जरूर है, द टीम जिसके ऊपर यहाँ पर मेरी नजर जरूर टिकी रहेगी,
सो वो टीम हमारी आंखों के सामने आज जरूर चिकी है, लेकिन वहीं पर रियो की अगर बात की जाए, सो रियो की जाने से थोड़ा सा एंजॉय किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर एक चीज जो मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, जो कि आई बिलीव सो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मिस की थी, वीके ऑफिशियल्स, वीके एलीट्स, आई एम सॉरी, वीके एलीट्स इनके बिल्कुल यहाँ पर रिज के ऊपर मौजूद जरूर है, वो टीम्स जो कि टॉप स्पॉट के लिए यहाँ पे फाइट जरूर कर रही थी, वो दोनों की दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने जरूर आ जाती है, और किस तरीके से ये फाइट यहाँ पर इनकी जानिब से स्टार्ट की जाती है, क्योंकि ये फाइट है जो मैं देखना जरूर चाहूंगा, वो फाइट जो कि टेबल का टॉप डिसाइड करेगी, वो फाइट जो ये बताएगी कि कौन सी टीम आज के दिन के इख्तिताम के ऊपर यहाँ पर पहला पायदान अपने लिए हासिल करेगी। फिलहाल के लिए दोनों की दोनों टीम्स की जानिब से पहला और दूसरा पायदान हासिल जरूर किया जाता है, लेकिन क्या वो टीम जो कि इंडिया से यहाँ पर आई है, वो टीम जो कि एक इंटरनेशनल यहाँ पर खेल रही है, हाइपिंग इश्यूज भी उनको फेस कहीं ना कहीं करने जरूर पड़ते हैं, क्या कोई और टीम ऐसी रहेगी? लेकिन वहीं पर वीके की जानिब से अगर बात की जाए तो कुछ स्प्रेज जरूर दागे जाते हैं, और उन स्प्रेज के चलते आई बिलीव सो कि हमारी प्रोडक्शन की ज्यादा यहाँ पर लैग हो जाती है, शायद प्लेयर्स की उतनी लैग ना हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच प्रोडक्शन, हम यहाँ पे वापस जरूर आ चुके हैं। सो अगर टीम वीआरएक्स की बात की जाए तो बहुत जल्द इनकी वो फाइट एक जरूर इनिशिएट जरूर हो जाएगी वीके एलिट्स के साथ, जिसको स्टार्ट करने का थोड़ा सा कंसर्न दिखता जरूर है वीके की जानिब से, लेकिन फिलहाल के लिए वीआरएक्स रिटेलिएट बैक नहीं करते, एक पैसिव स्टांस इनकी जानिब से लिया जाता है, जो कि हमने बहुत कम देखा है कि वीआरएक्स यहाँ पर पैसिव स्टांस लेके जाए, क्योंकि वीआरएक्स पसंद करती है एग्रेशन, VRX aggression को देखना चाहती है, वो जानते हैं कि उनके पास जो aggression मौजूद है, वो जानते हैं कि जिस lobby के अंदर वो यहाँ पर खेलते रहे सारा time, वो अपना वो aggression दिखाते जरूर है, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर map screen की, so map screen हमारे सामने आ जाती है, मिल्टा क्या ही बेहतरीन 2x2 का split यहाँ पे लिया जाता है VK की जानिब से, लेकिन VRX उन squad उस compounds के अंदर यहाँ पर मौजूद जरूर। लेकिन वहीं पर अगर बाकी की टीम्स की बात की जाए तो अभी तक के लिए टीम्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने आगे फाइट नहीं ले रही, एक दूसरे के गन स्किल्स को यहाँ पे चैलेंज नहीं किया जाता, टीम जानते, लेकिन जोन एक सेंट्रलाइज शिफ्ट लेके जाता जरूर है, चौथा फेज अभी तक के लिए हमारी आंखों के सामने यहाँ पर आता हुआ, और इस चौथे फेज किस तरीके से यहाँ पर टीम्स को आमने सामने लेकर आता है, किस तरीके से टीम्स को यहाँ पर मजबूर करता है फाइट के लिए, वो बहुत जरूरी लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए फोर राइवल्स जोन के एज के ऊपर जरूर रहेंगे, जोन कहीं ना कहीं इनको भी फेवर जरूर देता हुआ, लेकिन अब आगे इनकी जानिब से रोटेशन को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, क्या ये पूरा का पूरा मैच इस एज के ऊपर ही खेलना पसंद करेंगे, या फिर इनकी जानिब से जोन के सेंटर के अंदर जाने की कोशिश की जाती है। सो एवरीथिंग विल बी जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन वहीं पर YTF के ऊपर कुछ शॉट जरूर यहाँ पे दागे जाते हैं, वसी को भी यहाँ पर लोन HP जरूर किया जाता है, दोनों की जानिब से कुछ शॉट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, डैमेज एक्सचेंज किया जाता है, और इस डैमेज के एक्सचेंज के चलते दोनों यहाँ पर अब खुद को रीसेट करेंगे, हीलिंग का प्रोसेस दोनों की तरफ से इनिशिएट जरूर करा दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जो जो लोग यहाँ पर हमारे पास चैट के अंदर मौजूद हैं, आई वुड से एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द चैनल, अगर तो आप अभी तक नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे भाई ये रस्म तुमने अभी तक अदा क्यों नहीं की, सो ये रस्मात अदा की जाए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब किया जाए, लाइक नहीं किया हुआ तो अभी तक तो लाइक जरूर किया जाए, और बाकी के तमाम मैचेस भी आपको इसी चैनल के ऊपर लाइव जरूर दिखाई देंगे, मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स प्रेजेंट MGRL सीजन 1 तमाम के तमाम मैचेस सेसर प्लेस के ऊपर यहाँ पर आपको होस्टेड जरूर दिखाई देंगे, सो मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन कॉज वेन एवर देर इज अ न्यू स्ट्रीम यू गेट टू नो, बट फिलहाल के लिए साइकिल के ऊपर बिठा के लेके जाया जाता है KNK को, क्या यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है जो रमजान के अंदर हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये तो हमें टीम्स ही बताएगी, क्योंकि जब हम उनका POV देखेंगे तो हमें तभी पता लगेगा क्या देखने में, लेकिन वहीं पर वो चीज़ जो मैं नहीं देखना चाहता था रमजान के अंदर वो मुझे दिखाई जाती है प्रोडक्शन की जानिब से। अगर हम अपने प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो PSL के प्रोड्यूसर्स आज भी दूसरे नंबर पर हैं, जो चैट के अंदर से ढूंढ के लड़की को दिखाते हैं, लेकिन MGRL की यहाँ पर प्रोडक्शन इज स्टिल ऑन 1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल जोक्स असाइड, टीम्स की जानिब से अगर बात की जाए तो जोन के अंदर रोटेशन ली जा रही है, जो गाड़ी मिल रही है, जो चीज मिल रही है उसके ऊपर रोटेट किया जा रहा है टीम की जाने, सबने देखा था कि पहले हीरो यहां पर रोटेट कर रहे थे साइकिल के ऊपर, नाउ इट्स KNK, सो कहां पर गई हैं वो तमाम की तमाम व्हीकल्स जो इरेंगल के मैप के अंदर स्पॉन होती थी, क्या इरेंगल के अंदर व्हीकल स्पॉन होना खत्म हो गई है, क्या पबजी यहां पर चाहती है कि ओनली साइकिलिंग इवेंट यहां पर चले, क्या ये टीम यहां पर MGRL के फाइनल्स के लिए तैयारी कर रही है या फिर ओलंपिक्स के लिए, ये चीज भी हम टीम से ही जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ड्रॉप को यहाँ पर जरूर ढूंढा जाता है, नॉट रोमी की जानिब से यहाँ पर ड्रॉप को लूट किया जाता है, ड्रॉप के अंदर से कोई खास बेहतरीन गन तो नहीं इनको मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए टीम्स की कॉल जरूर मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं इनकी फाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जरूर रहेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम जाएं हमारी मैप स्क्रीन की जानिब, सो ये चीज मैं देखना चाहता था इस पॉइंट के ऊपर, बिकॉज किस तरीके से अब टीम्स की जानिब से जोन के अंदर एंटर की जाता है, टीम्स
सारी की सारी अब यहाँ पर फंस चुकी है, क्योंकि ये वो वाह अगला फेज वो रहेगा जो कि डेडली फेज रहेगा, जिसके अंदर हमें आधी से ज्यादा लॉबी यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई जरूर देगी। लेकिन हीरो हीरो की जानिब से आई डोंट बिलीव क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की जा रही है। ही नोज ही इज द सोलो मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम और अपने अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर एंड लेकर। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए किल फीड के अंदर में एक और फाइट इनिशिएट होती हुई दिखाई जरूर देती है, जिसके अंदर VRX की टीम यहाँ पर एक किल जरूर उठाती है। हमने देखा था कि कल इनकी जानिब से खासा बेहतरीन एग्रेशन दिखाया जरूर जाता है, खासा अच्छा एग्रेशन दिखाया जाता है VRX की जानिब से, लेकिन उस एग्रेशन को फुल स्टॉप लगाने के लिए टीम्स यहाँ पर जरूर मौजूद थी। लेकिन वहीं पर अगर SIR ब्रांड की बात की जाए सो कुछ यहाँ पर इनकी जानिब से किया जाए, लेकिन वहीं पर KNK के ऊपर क्या ही बेहतरीन एक वो शॉट आता है। बहुत सारी फाइट्स अब यहाँ पर चलना शुरू होने जरूर वाली हैं और हर फाइट को स्पेक्टेट करना कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल जरूर रहता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन SIR ब्रांड द ब्रांड इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, और अब इनकी जानिब से किस तरीके से इस फाइट को किया जरूर जाता है ये भी जरूर जरूर रहता है। लेकिन VRX को मैं यहाँ पर देखना जरूर चाहूंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन तो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए सुना कि VRX की टीम हमारी आंखों के सामने मौजूद जरूर रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ इश्यूज हमें देखने को जरूर मिलते हैं। लेकिन प्रोडक्शन इज GG's ब्रो, प्रोडक्शन साथ ही साथ तमाम इश्यूज को करती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन कुडोस फॉर द प्रोडक्शन, और एक दफा इस प्रोडक्शन के लिए कि जो कि टीम यहाँ पर VRX e-sports यहाँ पर हम जिस तरीके से फाइट ले रही थी, उसके अलावा अगर हम अपने उस टीम की बात की जाए जो MGRL रहती है, क्या ही बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर दिखाया जाता है बिंगो की जानिब से। एक प्लेयर को उतारा जाता है, एक और प्लेयर अपना भी नॉक जरूर कराया जाता है, लेकिन अब VK भी नाम एलिमिनेट किया जाता है। दिस इज द मोमेंट जिसके VRX यहाँ पर वेट कर रहे थे, जानते थे उस टाइम पर उस फाइट को इनिशिएट नहीं किया जाता अगेंस्ट इनके VRX VK के अगेंस्ट, वो फाइट को इनिशिएट नहीं किया जाता अभी तक। लास्ट मैन स्टैंडिंग M24 के यहाँ पर एक प्लेयर VK के साथ खेलते हुए जरूर दिखाई दिए थे, वो स्टैंड जरूर कर रहे थे, लेकिन आई बिलीव सो उनको भी अभी तक के लिए लॉबी की जानिब रवाना किया जाता है। वो टीम जो कि अभी तक लिए टेबल के टॉप के ऊपर थी उसको फिलहाल के लिए लॉबी की जानिब जरूर रवाना किया जाता है। लेकिन वहीं पर यहाँ पर अभी दो और टीम मौजूद थे DSP पर नॉट ऑफिशियल्स लेडीज एंड जेंटलमैन, वहीं पर पीछे YTF भी यहाँ पर उस फाइट के अंदर अपना कहीं ना कहीं जो है एक रोल प्ले जरूर करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए सिम्बा क्या ही बेहतरीन नॉक निकाला जाता है, बाबा हमारी टीम मौजूद है, बाबा की जान को पुश किया जाता है, बाबा को यहाँ पर एक और प्लेयर को DSP नॉक किया जाता है, बाबा को भी यहाँ पर बहुत लोगों ने लोगों ने शुरू किया, DBS का एक्चुअली यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन बाबा की जान बेहतरीन यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट किया जाता है। फिलहाल के लिए सिम्बा को यहाँ पे नॉक जरूर कर दिया जा चुका है, बाबा फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और आखिरी प्लेयर थे बाबा, उनको भी यहाँ पर नॉट की जान से बाहर किया जाता है, नॉट ऑप्शन से क्या साहब बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये कंपाउंड्स को होल्ड जरूर किया था। लेकिन वहीं पर YTF की यहाँ पर कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फायर्स की जद के अंदर लाकर इस टीम को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन नॉट ऑफिशियल का किल नंबर देखें, 8 किल्स इस टीम की जानिब से निकाले जाते हैं। कल का दिन जो इनकी जानिब से उस नोट के ऊपर एंड नहीं किया जाता जो डिजायर नोट था, आज उन गलतियों को देखा जाता है। लेकिन अगर हम मैप की बात करें तो जोन एक दफा फिर से एक स्लाइट ईस्टर्न शिफ्ट लेके जाता हुआ, खासा सेंट्रल शिफ्ट जरूर रहेगा, लेकिन हीरो जो कि अपनी टीम के लिए हीरो बने थे, एक अच्छा क्लच मोमेंट हमें मैच स्टार्ट में दिखाया था, उनको अभी तक एलिमिनेट और फाइट हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलती है। NS7 सोल जॉर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है, NS7 का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इख्तिताम हमें होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। 9 किल अभी तक के लिए नॉट यहाँ पर उठा जरूर चुकी है, क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किल्स उठाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर KNK की अगर बात की जाए तो एक प्लेयर शेक के अंदर मौजूद जरूर रहेंगे जिसको स्पॉट जरूर किया जाता है शीशे की जाने से, और नॉट ऑफिशियल क्या बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन वहीं पर ये सर मौसम यहाँ पर उनको जो स्पॉट जरूर किया जाता है, उनको यहाँ पर कुछ डैमेज देने की कोशिश की जाती है, डैमेज देने में कामयाब भी होते हैं, लेकिन अभी तकलीफ वो किल यहाँ पर नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर एक और टीम इस एरिया के अंदर आती हुई दिखाई जरूर देती है, चारों डायरेक्शन के अंदर फाइट जरूर ली जा रही है नॉट ऑफिशियल्स की जानिब से, और दिखाया जाता है उनकी जानिब से उनके गन स्किल्स को अगर तो चैलेंज करोगे तो मेरा भाई लॉबी के अंदर तुम्हारा यहाँ पर जो है अगला निशान लॉबी होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे फुटस्टेप्स को यहाँ से एलिमिनेट जरूर कर दिया जाए। लेकिन वहीं पर गरीब सन मॉन्स्टर की बात की जाए तो प्लेयर्स नीचे मौजूद जरूर रहते हैं, एक अच्छा प्रीनेट करने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट जरूर हो जाते हैं क्योंकि प्लेयर वहां से अब जा जरूर चुके। लेकिन वहीं पर सिटी के रेड नॉट की अगर बात की जाए तो वो भी जोन के चलते यहाँ पर एलिमिनेट जरूर हो जाते हैं, एक अच्छा लो टॉस ग्रेनेड यहाँ पर करने की कोशिश, तीसरा प्री ग्रेनेड यहाँ पर मॉन्स्टर करने की कोशिश जरूर करेंगे, शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक प्लेयर वहां पर मौजूद जरूर रहेगा शेक के अंदर, लेकिन एक अच्छे तरीके से अपना यहां पर जो थी कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं स्पॉटिंग लीजिए जरूर की। लेकिन वहीं पर कोई थर्ड पार्टी फाइज यहां पर नॉट की जानिब से आते जरूर है,
उन फायर्स के चलते ESR को यहाँ पर ये सब मॉन्स्टर को बहुत अनुमानित शुरू कर दिया जाता है, लेकिन ESR की बिल्ला कहाँ पर मौजूद है, बिल्ला की वो इनपुट फाइट के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रही फिलहाल के लिए, लेकिन मॉन्स्टर की स्क्रीन कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो दिखाई सही से नहीं देती, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम दूसरी स्क्रीन की बात की जाए सिटी के जैनी की बात की जाए, तो जैनी यहाँ पर खासा बेहतरीन तरीके से मौजूद जरूर है। फिलहाल के लिए BRX की बात की जब BRX के भी प्लेयर को डाउन जरूर किया जाता है, लेकिन फिर जैनी यहाँ पर मतलब लोन एचपी जरूर हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर मॉन्स्टर की जानब से वो रिटेलिएट बैक किया जाता है, मॉन्स्टर वो खेल अपने बैक में लेके जरूर जाएंगे, दो टू प्लेयर स्टैंडिंग अभी तक के लिए यहाँ पर ESR रहेगी जरूर फॉर द टाइमिंग। सिटी के विचर की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा दूर जरूर रहते हैं, एक बिल्कुल इनके सामने वाइल्ड का एक प्लेयर रहता जरूर है, और वहीं पर इनके चलते ESR के बिल्ला वो किल कन्फर्म जरूर कर लेते हैं, जानते हैं अब कहाँ पर प्लेयर मौजूद है, लेकिन मैं देखना ये चाहूंगा कि जोन किसको फेवर देता है, और जोन यहाँ पर किसी का भी नहीं होता, इट्स अ नो मैन्स लैंड, हर टीम को अब ओपन के अंदर आना पड़ेगा, ये वो जोन रहता है कि जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गन स्किल्स के ऊपर जोन लेने की कोशिश जरूर की जाएगी, आपकी टाइम के वहीं पर बात की जाए। सो ब्लैक एक अच्छी फाइट के अंदर आते हैं, उनके सामने यहाँ पर हमारे पास जो हमारी गेस्ट टीम रहती है इंडिया से VRX Esports वो जरूर मौजूद है। तो फिलहाल के लिए ब्लैक मांबा की बात की जाए जोन के अंदर एंट्रेंस लेने की कोशिश जरूर की जा रही है फिलहाल के लिए, ESR के बिल्ला को यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर ब्लैक की बात की जाए तो ESR भी वहाँ पर पुश करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन आई बिलीव सो वहाँ पर VRX Esports को एलिमिनेट किया जाता है ब्लैक की जानिब से, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए नॉट की तो पूरी एक यहाँ पर बिल्ला यहाँ पर उठाएंगे, फिर मॉन्स्टर को यहाँ पर ब्लैक की जानिब से एलिमिनेट किया जाता है, सिटी के पिक्चर अभी तक के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, SIR उनके सामने मौजूद जरूर है, तो क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बैरल के फायर के चलते विचर यहाँ पर अपने लिए सर्वाइवल निकालते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ थर्ड पार्टी शॉट्स उनके ऊपर आती जरूर है, गाड़ी बस से यहाँ पे बचेंगे जरूर, कार बस से यहाँ पर खुद को बचाना पड़ेगा, स्मोक्स यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, गाड़ी को यहाँ पे बस जरूर कर दिया जाता है, बचना चाहते हैं हर उस पॉसिबिलिटी से कि जो पॉसिबिलिटी उनको यहाँ पे मैच एलिमिनेट करते हैं, लेकिन वहीं पर KNK की बात की जाए तो एक और प्लेयर को उनकी जान से नॉक जरूर किया जाता है, हमारी आंखों के सामने छठा फेज हमारे मैच का स्टार्ट जरूर हो चुका है, अब हर टीम को यहाँ पर जोन लेने के लिए कोई ना कोई मुश्किलात जरूर दरपेश आएंगे, लेकिन वहीं पर जोकर को नॉक किया जाता है एक बार, के चलते KNK यहाँ पर अभी तक के लिए वुमेन स्टैंडिंग जरूर रहेगी, दो सीजन तक के लिए KNK के बैकअप में जरूर रहेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे बिल्कुल आंखों के सामने यहाँ पे नॉट्स का स्क्वाड आ जाता है, 10 किल अभी तक के लिए मौजूद जरूर रहते हैं, लॉबी के अंदर हाईएस्ट किल यहाँ पे लेके जाने में कामयाब जरूर होते हैं, एक और प्लेयर को नॉक किया जाता है इनकी जानिब से, ये वो टीम है जो कि अभी तक के लिए रुकना नहीं चाह रही, ये जानते हैं कि इस चिकन डिनर को इन्होंने अपने लिए क्लिंच करना है उन तमाम टीम से, ये जानते हैं कि चिकन डिनर अब इनको चाहिए, ये जानते हैं कि इनको वो क्वालिफिकेशन का स्पॉट चाहिए, जानते हैं कि ये टूर्नामेंट अपना यहाँ पर कंसेंट दिखाया जा रहा है, तो बताते हैं कि हम यहाँ पर मैच जीतने आए हैं, हम यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने आए हैं, हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए नहीं आए, और बेहतरीन किल नंबर इनकी जान दिखाए जरूर जाते हैं, लेकिन वहीं पर VRX के बैकपैक के अंदर अभी तक के लिए सिर्फ एक किल रहता जरूर है, कल वो टीम जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी आज जोन के चलते यहाँ पर इनकी जानिब से पैसिवनेस दिखाई जा रही है, वो एग्रेसिवनेस अभी तक के लिए होल्ड जरूर की जाती है, और यही एक अच्छी टीम एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि जानते हैं कि कहाँ पर उनको एग्रेसिव होना है कहाँ पर पैसिव होना है, और VRX की ये चीज़ हमने आज से बहुत पहले भी देखी है हर उस टूर्नामेंट, इवन के आप लोग में से तमाम वो लोग जिन्होंने मुझे इंडियन टूर्नामेंट्स कास्ट करते सुना था, मैंने वहाँ पर भी VRX की एक बहुत ज़्यादा तारीफ की है, दिस इज़ द टीम जो जानती है व्हेन दे हैव टू बी एग्रेसिव व्हेन दे हैव टू बी पैसिव, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए नॉट को यहाँ पर एलिमिनेट जरूर किया जाता है, नॉट एलिमिनेट फिलहाल के लिए टीम में स्टैंडिंग जरूर रहती है, लेकिन फिर जूस की बात की जाए फोर आर जूस की जान से कच्चा स्प्रे दिया जरूर जाता है, VRX के कुछ प्लेयर्स को नॉक करने की कोशिश जरूर की जाती है, नॉक निकालने में कामयाब भी होते हैं, लेकिन अभी तक के लिए फोर आर किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करती है, लेकिन जोकर की जान से एक प्लेयर नॉक जरूर किया जाता है, VRX खासी मुश्किल में यहाँ पर आ जरूर चुकी है, एक वो प्लेयर अपने कन्फर्म किया जाता है, लेकिन वहीं पर विचर खुद ही उस कार बस के चलते अपने आप को एलिमिनेट करा बैठते हैं, VRX की अगर बात की जाए तो आखिरी प्लेयर यहाँ पर अभी तक लिए एक प्लेयर तो उनका दूर जरूर रहेगा, बैक साइड के ऊपर प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर नॉट की टीम भी किल निकाल रही है, आखिरी तीन टीम्स अभी तक के लिए स्टैंड जरूर कर रही है फिलहाल हमारे पास, VRX अब अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने में कामयाब हो जरूर हो रही है, 3v2 आई बिलीव सो यहाँ पर रहेगा जरूर 3v2v2 आई बिलीव सो वहीं पर हमारे सामने आज रुक जाते गूगल गेमिंग YT जिनकी जानिब से टीम अप करने की कोशिश की जा रही है क्या नहीं, वो यहाँ पे स्पॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ज्यूस अभी तक के लिए यहाँ पे प्रोनिंग जरूर कर रहे हैं, अपनी पोजीशन यहाँ पे देना नहीं चाहते, ज्यूस की जान स्पॉट किया जाए, लेकिन वहीं पर उस बेट के अंदर आते हैं और क्या ही बेहतरीन तरीके से VRX उस प्लेयर को भी यहाँ पर जो है इख्तिताम जरूर करती है, लॉबिक जन रवाना की जरूर किया जाता है, VRX की जाने से एक दफा फिर से टॉप 2 के अंदर यहाँ पर जगह जरूर बना ली जाती है, 4 किल जब तक ले मौजूद जरूर रहते हैं, इनके बिल्कुल आंखों के सामने नॉट का स्क्वाड जरूर रहता है, जो कि कहीं ना कहीं अब आई बिलीव सो
3v1 की सिचुएशन, 2v1 की सिचुएशन के अंदर जरूर दिया जाता है, क्योंकि जोकर को भी फिलहाल बिलियन ऑफ शुरू कर दिया जाता है। गूगली जान से स्मोक के थ्रू कुछ फायर यहाँ पे देने की कोशिश जरूर की जाती है। सो अब बिल्कुल सामने नॉट का स्क्वाड, जो कि पूरे के पूरे मैच के अंदर बेहतरीन एग्रेशन हमें देखने को मिलता जरूर है इनकी जानब से। क्या यहाँ पर गूगल उनका यहाँ पे सामना कर पाएंगे, लेकिन वहीं पर अपने प्लेयर को रिवाइव देने की कोशिश भी जरूर की जाती है। लेकिन दूसरी जानब से कुछ थर्ड पार्टी फायर्स की जद के अंदर लाया जाता है, फायर करते हुए यहाँ पर पहला चिकन डिनर अपने नाम करके जाते हैं। क्या ही बेहतरीन मैच, क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी जाने से दिखाई जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द गेम फॉर यू। किस बेहतरीन तरीके से किया, बेहतरीन तरीके से इनकी जानिब से यहाँ पर दिखाया जाता है एग्रेशन, नॉट की जानिब से क्या बेहतरीन कर निकाले जाते हैं। लेकिन VRX वो फायदा जरूर उठाते हैं, कहीं ना कहीं डबल फिगर के अंदर पॉइंट्स लेके जाया जरूर जाते हैं, कुछ पॉइंट्स इस मैच से भी लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर आगे जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें इस मैच के MVP की, MVP कौन निकल कर आता है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन MVP हमारी आंखों के सामने नॉट के सिम्बा यहाँ पे गोइंग ऑल आउट, 8 डिफीट्स यहाँ पे की जाती है, 8 किल्स अपने नाम करते हैं। लेकिन वहीं पर नॉट के दूसरे प्लेयर में बेस्ट कंपेनियन में भी दिखाई जरूर देते हैं, 3 असिस्ट, 3 रेस्क्यूज इनकी जाने से की जाते हैं। बट व्हाट एम आई सीइंग, एक दफा भी नॉक नहीं हुआ जाता, जस्ट 62 की हीलिंग इनकी जानिब से की जाती है। सो नॉट की जानिब से दिखाया जाता है किस तरीके से पूरा का पूरा मैच नॉट ऑफिशियल्स यहां पर डोमिनेट करके जाती है, हर तरफ हमें नॉट ही नॉट दिखाई दे रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट ऑफिशियल्स फॉर यू, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ मैच, व्हाट एन एग्रेशन। ये थी इस मैच की कहानी, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे जरूर कि पहला मैच इख्तिताम को पहुंचता है, दूसरा मैच किस मैदान के ऊपर खेला जाएगा। तो दूसरे मैच की अगर फिलहाल के लिए बात की जाए तो मिरामार का वो मैदान जरूर रहेगा, इरेंगल का मैप नॉट ऑफिशियल्स अपने नाम करने में कामयाब जरूर रहती है, मिरामार का वो दूसरा मैच रहेगा जरूर, जो खेला हमारी आंखों के सामने थोड़ी देर के अंदर जाएगा जरूर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर तो चैनल के ऊपर नए हो तो मेक श्योर कर देना कि सब्सक्राइब जरूर कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो लाइक जरूर कर देना। सो तब तक के लिए यहां पर आप हमें दे इजाजत, क्योंकि हम यहां पर जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के ऊपर। सो वी विल बी राइट बैक, बट टिल देन यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ग्रैब योर स्नैक्स, ग्रैब योर ड्रिंक्स, बिकॉज़ द एक्शन विल रिज्यूम इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। सो टिल देन एवरीवन जस्ट स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हमारा जो एग्रेशन था, जिस तरीके से एग्रेशन को इख्तिताम तक पहुंचाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइजेस भी हमें देखने को मिले जरूर थे, बिकॉज नॉट ऑफिशियल जिस तरीके से अपना मैच यहाँ पे लेके जाते जरूर है। सो एक चीज हमने यहाँ पर देखी है कि अब एक चीज मैं यहाँ पे जरूर देखना चाहूंगा कि जब हमारे पास हमारी आंखों के सामने पॉइंट्स टेबल आएगा, सो के किस तरीके से अपना मैच निकालती है, केन के कहां पर फिनिश करती है, क्योंकि कल बिल्कुल उस स्पॉट के ऊपर थे कि 9th स्पॉट के ऊपर मौजूद जरूर रहते हैं, टॉप 8 यहां पर क्वालिफाई जरूर करेंगे, लेकिन वहीं पर VRX Esports #2 पे थी, VK Elites #1 पे थी, VK यहां पर जल्दी एलिमिनेट जरूर होती है। सो क्या VRX क्रॉस करके जाती है या फिर नॉट ऑफिशियल अपने लिए वो पहला पायदान लेके जाएगी, ये तमाम की तमाम चीजें एक सरप्राइज जरूर रहेगा, एक सस्पेंस जरूर रहेगा, और ये सस्पेंस हमारी आंखों के सामने खत्म होता हुआ दिखाई देगा जैसे ही हमारी आंखों के सामने पॉइंट्स टेबल आएगा। लेकिन तब तक के लिए गाइज, हमारा अगला मैच जो मिरामार का मैच रहता है वो लाइव जरूर हो जाता है। सो काउंट डाउन आपकी आंखों के सामने आता है, मैप यहाँ पर आ जाते तौरे अलमुदा से लेकर वेले दलमार का यहाँ पर प्लेन पाथ जरूर रहता है, खासा बेहतरीन सेंट्रलाइज्ड कहीं ना कहीं चंक दिखता है हमें पूरे के पूरे मैच का। अगर बात करें यहाँ पर हम हमारी टीम्स की, सो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने पास अपने अपने ड्रॉप्स की जानब यहाँ पर इनकी जानब से रवाना जरूर हुआ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा था पिछले मैच के एग्रेशन की, सो वो एग्रेशन जिस तरीके से यहाँ पर टीम्स ने ख़त्म किया है, क्योंकि हमने देखा कि मिड फेज के अंदर टीम्स की जाने से बहुत ज्यादा पैसिव जाया जाता है, देन आफ्टर द फिफ्थ फेज सिक्स फेज के अंदर जैसी टीम्स एंटर होती हैं तो फिर हर तरफ फाइट्स का समा दिखाई देता है, हर तरफ गोलियों की बौछार दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे आप 9-0 के टाइम पे कराची के अंदर दाखिल जरूर हो जाते हो। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मिरामार का मैप हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाता है, टीम्स की जाने से अपने अपने ड्रॉप्स की रवाना जरूर हुआ जाता है, बट हैसियंडा डेल पेट्रोन देयर विल बी अ ड्रॉप क्लैश, but for the time being ladies and gentlemen not official in front of us, so not officials ne pichle match ke andar jis tarike ki yahan par hamare paas dikhai zarur thi performance, so for the time being kis tarike se ab ye teams yahan par aage jo hai karti hain ye cheez bhi hum dekhenge zarur। so filhal ke liye alpozo ki janib rawana hua jata hai not official ki janib se, so not officials yahan par अभी तक के लिए अल्पोजो के अंदर ड्रॉप जरूर लेती है। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि मैप स्क्रीन के ऊपर टीम्स कहां कहां पर उतर रही हैं, मैं मैप स्क्रीन जरूर देखना चाहूंगा, और प्रोडक्शन मेरी यहां पर बात सुनती भी जरूर है। शेंडा दिल पेट्रोन के ऊपर एक अच्छा ड्रॉप क्लिच में दिखाई जरूर देता है, फोर राइवल्स का एक प्लेयर वहां पर जाता है जहां पर दूसरी आई बिलीव सो यहाँ पर एक टीम और मौजूद जरूर, लेकिन वहीं पर अगर NS7 की बात की जाए, YTF की बात की जाए, तो एक थ्री वे ड्रॉप क्लैश हमें मॉन्टेन्यूवो के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देता है। हम उस जाने भी जाएंगे जरूर, ESR की टीम भी यहाँ पर जो है एक ड्रॉप क्लैश के अंदर दिखाई जरूर, लेडीज एंड जेंटलमैन अगर हम बात करते चले हमारी टीम्स की, तो यहाँ पर मॉन्टेन्यूवो के पास यहाँ पर एक थ्री वे ड्रॉप क्लैश जिस तरीके से मैंने बोला दिया मैंने, लेकिन फिलहाल के लिए जो टीम हमारे सामने आ जाती है YTF सोनू फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारी, लेकिन सामने इनके सामने एक और टीम जरूर रहेगी, और किस तरीके से ये थ्री वे ड्रॉप क्लैश जो है यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुंचता है बहुत ज्यादा जरूरी। सो फॉर द टाइम बीइंग YTF ब्रांड हमारी आंखों के सामने मौजूद जरूर है। एक अच्छा पुश NS7 की जाने से यहाँ पर आता जरूर है, NS7 के प्लेयर्स यहाँ पर उन प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं, जानते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं एक प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जाने पर बात कीजिए, 4R रेक्स के इमॉर्टल को यहाँ पर नॉक जरूर करते हैं, वहीं पर 4R की जाने से रेक्स का दूसरा प्लेयर भी नॉक किया जाता है, क्या हीरो इस दफा फिर से अपनी टीम के लिए एक हीरो एक परफॉर्मेंस दे के जाएंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी रही रहती है। लेकिन वहीं पर अगर NS7 सिग्मा की बात की जाए, तो ही इज ट्राइंग टू फाइंड दैट प्लेयर, वो प्लेयर कहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से फाइट निकल कर आती है। लेकिन वहीं पर YTF ब्रांड की बात की जाए, सो He is taking the third person's perspective. Advantage लिया जाता है TPP का, यहाँ पर देखा जाता है किस तरीके से वहीं पर अपने प्लेयर को यहाँ पर रिवाइवल देने की। सो वहां पर अगर बात की जाए, सो सिग्मा की जानिब से एक और प्लेयर भी वहां पर नॉक जरूर किया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर NS7 की बात की जाए, तो वो ब्रांड का किल कंफर्म जरूर किया जाता है इनकी जानिब से, दो किल्स अभी तक के लिए कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन वहीं पर सिटी का स्क्वाड भी यहां पर मौजूद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो फाइट जो कि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, वो वापस से स्टार्ट होती है, लेकिन वहीं पर सिटी के एक प्लेयर को एलिमिनेट किया जाता है, दूसरे प्लेयर को रेड नॉट को यहाँ पर डाउन करके एलिमिनेट किया जाता है YTF की जानिब से। सो दोनों टीम्स यहाँ पर अभी तक के लिए अपने दो प्लेयर्स गवा जरूर चुकी है, लेकिन NS7 अभी तक के लिए वो हाई ग्राउंड एडवांटेज लेकर बैठी हुई जरूर है, यहाँ पर देख जरूर रहे हैं, उस ऊपर से देखा जा रहा है, सुनने में जरूर आया था मेरे सियानों ने यहाँ पर कहा था कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहे, लेकिन क्या यहां पर ऊपर वाले NS7 बन जाती है, क्योंकि वो ऊपर से सब कुछ देख जरूर रहे, लेकिन उनकी इनपुट फिलहाल के लिए कुछ नहीं रहे।
विचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल के लिए नो फुटस्टेप देने की कोशिश जरूर की जा रही है, ऑन फुट रोटेशन करने की कोशिश की जाती है। जानते हैं कि दो प्लेयर्स अभी तक के लिए अपने नॉक जरूर कराए जाते हैं, लेकिन वहीं पर सोल जॉर्ज की बात की जाए, जिस तरीके से मैंने कहा था कि सब कुछ दिखाई दे रहा है भी थोड़ी देर पहले इनकी जानिब से, यहाँ पर उस मूवी का रोहित शर्मा का यहाँ पर वो जो है रोहित का यहाँ पर वो डायलॉग जरूर बोला जाएगा कि माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर से सब कुछ देख जरूर रहे हैं सोल जॉर्ज। लेकिन वहीं पर मेरी बात यहाँ पर शायद इनके कानों तक पहुंच जरूर जाती है और अपनी उस पोजीशन को छोड़ा जाता है। लेकिन वहीं पर एरर की बात की जाए तो एरर यहाँ पर अभी तक के लिए अपने आपको बेंचेस दे रहे हैं, लेकिन इनके सामने ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक अजदहा वो भी घर के अंदर जहाँ पर ट्रोलिंग क्यों की जाती है यहाँ पर इन्हें सेवन की जानिब से। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल जोक्स असाइड, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर आपकी एंटरटेनमेंट के लिए प्रोवाइड जरूर करनी पड़ती हैं। बट अगेन व्हाट आई वुड लाइक टू डू यहाँ पर कि आरी हमें देखती भी दिखाई खेलती भी दिखाई नहीं दे रही, अगर यहाँ पर यकीनन एक प्लेयर हमारे वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट प्लेयर्स आरी पैंथर वाइटी, जिनको बहुत से और नामों से जरूर जाना जाता है, मुझे कहीं ना कहीं उनकी रूह जरूर देखने को मिली थी सेवन गुन प्लेयर्स के अंदर, जिस तरीके से घर के अंदर प्रोनिंग की जाती है उनकी जानिब से। बट फिलहाल के लिए लीवी यहाँ पर दो गिल्स अपने लिए जरूर जो है उठाते हैं, अपने बैकपैक के अंदर दो गिल्स परफॉर्म जरूर किए जाते हैं इनकी जानिब से। वहीं पर अगर सिग्मा के सोनिक की बात की जाए, YDF के साथ खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं खासा बेहतरीन तरीके से, कल के दिन भी इन्होंने यहाँ पर एक कुछ क्लच मोमेंट्स हमें दिखाए थे। लेकिन वहीं पर YDF की जानिब से NSM के सोल जॉर्ज को नॉक किया जाता है, वो प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा दूर मौजूद जरूर थे उनकी जानिब को यहाँ पर अभी तक के लिए उनको यहाँ पर नॉक कर दिया जाता है, वो प्लेयर जो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा खतरनाक था इस टीम के लिए, उस प्लेयर को ही फिलहाल के लिए यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पे देख जरूर रहे हैं कि सोल जॉर्ज फिलहाल के लिए यहाँ पे नॉक जरूर रहते हैं। आई वुड लाइक टू सी किस तरीके से ये फाइट अपने अख्ताम को पहुंचे। लेकिन लेवी भी यहाँ पर फिलहाल के लिए खुद को प्रोन जरूर कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लूट को प्रेफरेंस जरूर दी जाती है। अभी तक के लिए वो ड्रॉप क्लैश जो कि एक बहुत अग्रेसिव स्टांस के ऊपर स्टार्ट जरूर हुआ था, थ्री वे ड्रॉप क्लैश था, अभी तक के लिए उसका अख्ताम नहीं होता। सिटी यहाँ पर हमारे पास से जरूर चल, लेकिन वहीं पर दूसरी ही जानब DSP वर्सेस ESR की एक और फाइट यहाँ पर हमें निकल के जरूर आती है, जो कि कहीं ना कहीं वैलेड एलमार के एरिया के अंदर फाइट होती जरूर है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोडक्शन से ये दरख्वास्त भी ये जरूर की जाएगी कि वैलेड एलमार के एरिया के अंदर ESR वर्सेस जो दूसरी टीम उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहती है उसकी जानब भी रवाना हो। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर अगर हम मैप की बात करें, सो अगेन सेंटर स्पॉट्स को, सेंट्रलाइज एरिया को टोटली यहाँ पर अबेंडन किया जाता है टीम्स की जानिब से, अपने अपने ड्रॉप्स को, अपने अपने यहाँ पर लूट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बट SIR, व्हाट इज SIR डिजास्टर डूइंग? प्रिजन के एरिया को लूट किया जाता है इनकी जानिब से, लेकिन प्रिजन से अब किस तरीके से ये जोन के अंदर एंट्री लेते हैं, बिकॉज वहीं पर मॉन्स्टर की अगर बात की जाए, सो मॉन्स्टर DSP को यहाँ पर कुछ टैग्स कराने में कामयाब जरूर होते हैं। बट फिलहाल के लिए कोई भी नॉक जो है वो नहीं निकल कर आता, रिटेलिएशन DSP की जानिब से भी हमें देखने को मिलती जरूर है। सो फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं स्क्रीन के अंदर हमारे पास कुछ लैग इशू जरूर आते हैं, बट हसन हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद जरूर रहते हैं। दोनों टीम्स की जानिब से अभी तक कोई भी किल नहीं कंफर्म किया जाता, कुछ नॉक्स जरूर हमें देखने को मिलते हैं, नॉक्स यहाँ पर निकाले भी जाते हैं, बट नॉक्स के चलते फॉर द टाइम बींग फाइट अभी तक के लिए उस तरीके से अपने आगाज को नहीं पहुंचती, क्योंकि कहीं पर भी कोशिश हमें देखने को नहीं मिलते, कोई किल कंफर्मेशन अभी तक के लिए हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर हसन की जानिब से अपना I believe सहरी से पहले थोड़ा सा अपने गले को तर किया जाता है, एक ड्रिंक लगाई जाती है, कोशिश की जाती है कि कास्टर से ज़्यादा गला मेरा जो है तर रहे, मैं नहीं जानता कि हसन आपको पानी की क्या ज़रूरत है, आपको तो चाहिए कि एनर्जी ड्रिंक आप कास्टिंग डेस्क पे भिजवाओ, क्योंकि प्रोडक्शन की जानेब से तो हमें पानी भी नहीं पूछा जाता। लेकिन वहीं पर अगर MGRL की मैनेजमेंट की बात की जाए तो एक दरख्वास्त मेरी इनसे ज़रूर रहेगी कि थोड़ा सा कुछ ड्रिंक्स की भी यहाँ पर हमारे लिए कोशिश की जाए, कि हमें ड्रिंक्स भी दिला दी जाए, क्योंकि कास्ट कर करके कहीं ना कहीं हमारा जो है यहाँ पर गला बिल्कुल सूख जरूर जाता है। लेकिन वहीं पर प्रोडक्शन की जानिब से मुझे यहाँ पर गाली के साथ एक कॉल दी जाती है कि कास्टिंग के ऊपर जो है यहाँ पर ज्यादा फोकस रखा जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करेंगे ये सर डेंजर वर्सेस DSP एहतिशाम की, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद जरूर रहते हैं। सो किस लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर वापस चलेंगे हम DSR के डेंजर की जानिब। डेंजर की जानिब से अभी तक के लिए TPP जरूर ली जा रही है और दीवार के अंदर देखा जा रहा है। हेलो डेंजर बडी, यू अलाइव? यस ही इज अलाइव, उन्होंने हमें जवाब जरूर दिया यहाँ पर। लेकिन एहतिशाम की जानिब से आगे क्लोज इन करने की कोशिश जरूर की जाती है, देखना ये जरूरी जरूर रहेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे टीम्स यहाँ पर अपना आगाज लेके चलती हैं, फाइट्स किस तरीके से करती है। लेकिन उससे पहले नाजरीन यहाँ पर कास्टर को दे एक मिनट की इजाजत, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ड्रिंक ब्रेक की बहुत जरूरत है, नहीं तो फिर अगला पूरा मैच आपको यहाँ पर मेरी मरी हुई आवाज यहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो फिलहाल के लिए एंजॉय द मैच। दे मेरे को, मुझे कॉल आ रही है।
बाबा मैं कह ये रहा था कि मैं जरा मैचेस कास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरी जो हमारे ऊपर कास्टर है उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो यहाँ पर नहीं थे। बाबा मैं कह ये रहा था कि मैं कास्टिंग कर रहा हूँ मैचेस की, क्योंकि जो दूसरा कास्टर था उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं मैचेस के बाद बाबा के पास आता हूँ, और वैसे भी क्योंकि आज मैं अफ्तारी से पहले सो गया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। यहाँ पर आप थोड़ा सा, यहाँ पर हमने ब्रेक जरूर ली थी, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन आप जानते हैं जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर में यहाँ पर रहते हैं और बहुत से इस तरह के इशूज़ आते हैं जरूर। लेकिन फिलहाल के लिए वो फाइट जो कि DSP वर्सेस ESR की आई थी, उस फाइट को यहाँ पर बिल्कुल ही इस तरह इग्नोर किया जाता है जैसे मेरी एक मुझे इग्नोर करके गई थी। सो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए बाकी की टीम्स की, तो सिटी की जानब से क्या बेहतरीन रोटेशन दी जाती है। अल्फोंसो के एरिया से निकल के फिलहाल के लिए सैन मार्टिन के एरिया के अंदर आते हैं। बट यहाँ पर अगर बात की जाए VRX की, तो VRX की जान से ला कोब्रेरा से कार्डर फील्ड्स की ऊपर रिज की तरफ से यहाँ पर रोटेशन जरूर दी जा रही है। लेकिन एहतशाम की जानब से एक दफ़ा फिर से कच्चा मेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहीं पर वो पहला नॉक बाबा की जानब से निकाला जाता है। ESR के ऊपर दो नॉक यहाँ पर जरूर निकालेगी ESR के ऊपर, दो प्लेयर्स को एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। अब दो ही प्लेयर रह गए हैं DSP की जानब से। अच्छा एग्रेसिव पुश हमें देखने को जरूर मिला था, किस तरीके से यहाँ पर आगे फाइट को कंटिन्यू किया जाता है DSP की जानब से। क्या पैसे भी यहाँ पर हो जाएंगे या फिर उन बाकी दोनों प्लेयर्स को भी यहां पर इनकी जाने से ढूंढ के यहां पर एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बीस्ट, अगर ESR के बीस्ट की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक फॉल बैक जरूर करने की कोशिश करें, बिकॉज ही नोस कि अब यहां पर उनके लिए कुछ मसाइल जरूर पैदा हो चुके हैं, उनको अपनी टीम के लिए यहां पर निकालनी जरूर है। कल भी DSP के कुछ प्लेयर्स के अंदर स्पेशली यहाँ पर बाबा की जानिब से एक हमारे पास कंसेंट अपना दिखाया जाता है कि हम पे जोन नहीं बन रहा, और एक अच्छे मैंने बंगाली बाबा का इनको बताया भी था कि जहाँ से इनको एक विर्ध मिलेगा जोन के लिए, जहाँ से ये जोन की रोटेशंस को देख जरूर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आई बिलीव तो बंगाली बाबा के पास जाया नहीं जाता DSP की जानिब से, क्योंकि अभी भी आउट ऑफ जोन यहाँ पर फाइट की जाती है। बट हसन को यहाँ पर नॉक करके इंस्टेंट एलिमिनेट किया जाता है फिलहाल के लिए, और एक और प्लेयर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 20 नॉक जरूर करेंगे, शाम भी नॉक जरूर देंगे, 20 यहाँ पर नॉक जरूर देंगे। बाबा की जानिब से यहाँ पर क्यों आगे पुश करने की कोशिश जरूर की जाती है, प्लेयर को यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं DSP बाबा। यहाँ पर फाइनली अपने प्लेयर को भी यहाँ पर रिवाइव जरूर दे दे, लेकिन मैं देखना ये जरूर चाहूंगा कि DSP ने अपने कितने प्लेयर्स गवाए जरूर है। हसन को यहाँ पर एलिमिनेट कराया जाता है, दो और प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक जरूर कराया गया था इनकी जानिब से। फिलहाल के लिए बाबा अपनी टीम के सेवियर बनकर आते हैं। थोड़ी देर पहले हम बाबा की बात कर ही रहे थे कि कल इन्होंने बंगाली बाबा के पास जाना था, लेकिन आज खुद ही यहाँ पर ये बाबा बन जाते हैं, अपनी टीम को यहाँ पर सर्वाइव कराया जाता है दोनों के दोनों प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइवल देकर। एक अच्छा ट्रेड नॉक, एक शायद आई बिलीव सो कि इस स्टेज के ऊपर ये कहीं ना कहीं इनके स्लेव जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम अपने मैप की बात करें, सो एक कंप्लीट साउथ ईस्टर्न शिफ्ट लेके जाता हुआ एक हार्ड शिफ्ट यहाँ पर मैप का आता हुआ, वो टीम्स जो कि हमें फिलहाल के लिए नॉर्दर्न साइड के ऊपर, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर देखने को मिल रही थी, जिसके अंदर हमारे पास VK रहेगी, बॉस रहेगी, और इन्हीं के पास यहाँ पर हमारे पास VRX भी जरूर रहेगी। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर दो और टीम्स जो कि हमने लास्ट मैच के अंदर भी फाइट देखना चाहिए थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो वाइट यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होती, इट्स VRX वर्सेस VK। मैं देखना जरूर चाहूंगा कि ये दोनों टीम्स जो कि कल के दिन के ऊपर एग्रेशन में बहुत ज्यादा एक दूसरे को मनवा के जाते हैं, वो किस तरीके से आमना सामना करती हैं एक दूसरे का। लेकिन वहीं पर हमने मैप के अंदर एक चीज देखी जरूर थी, और मैं प्रोडक्शन से चाहूंगा कि एक दफा दोबारा से हमें मैप स्क्रीन के ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि मैं SIR डिजास्टर की यहाँ पर वापस से रोटेशन को देखना चाहता हूँ। टोटली साउदर्न एज से रोटेट किया जाता है, लॉस हीगोस की जानब से, लॉस लियोनिस की डाउन साइड के ऊपर चुमासेरा के साथ, यहाँ पर लाभेंटेडा की जानब से जोन एंटर करने की कोशिश जरूर की जाएगी इनकी जानब से। बट फिलहाल के लिए अगर SIR डिजास्टर्स की बात की जाए, तो जोन का खासा डैमेज जरूर लेंगे उनके बिल्कुल सामने, वहां पर वाइल्ड के भी प्लेयर्स को यहाँ पर मिलेंगे जरूर, तो बहुत से नाके लगे जरूर होंगे, और वैसे भी रमजान का टाइम है तो अक्सर नाकों के ऊपर यहाँ पे रोका जरूर जाता है। सो ऐसे डिजास्टर को यहाँ पे थोड़ा सा देख के जरूर जाना पड़ेगा। बट वहीं पर जो साउदर्न एज के ऊपर टीम्स थी उनकी जाने से भी जोन के अंदर रोटेट जरूर किया जाता है। ऐसे यार शेरा की अगर बात की जाए, सो डिजास्टर्स के शेरा, क्या यह टीम सच में डिजास्टर से बनी थी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी यहाँ पर रोटेशन दिखाई जा रही है, सो वॉज इट रियली अ डिजास्टर और यू जस्ट नेम्ड योरसेल्फ आफ्टर अ डिजास्टर। बट वहीं पर अगर सिटी विचर की बात की जाए, तो NS7 के घोस्ट को यहाँ पर व्हीकल बस के चलते उनकी जानिब से नॉक जरूर किया जाता है फॉर द टाइम बीइंग। रोटेशंस को यहाँ पर जाए जो है रोटेशंस को जरूर किया जाता है। बट फिलहाल के लिए हमारे आंखों के सामने एक टीम जरूर आती है जो मैं देखना जरूर चाहूंगी।
फिलहाल के लिए हमारी आंखों के सामने सावा यहाँ पर रहते जरूर हैं, ये VSX की टीम जरूर रहेगी। और VSX अब किस तरीके से यहाँ पर अपनी रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं ये भी खासा इंपॉर्टेंट जरूर है, बिकॉज फिलहाल के लिए उनकी जानब से जोन के अंदर एक अच्छी जगह होल्ड जरूर कर दी जाती है। सो अब बाकी की टीम्स की जानब अगर जाएं तो हार्डएक्स गेमिंग यहाँ पर निकल कर आते जरूर हैं। हार्डएक्स फिलहाल के लिए अपनी टीम से खेल जरूर रहे थे और मैं कहीं ना कहीं इन प्लेयर को मिस जरूर कर रहा था, बिकॉज जिस तरीके से ही सेड दैट वी वांट के हम लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हम चाहते हैं कि हम वापस से कॉम्पिटेटिव सिनेरियो के अंदर पाकिस्तानी एमुलेटर कम्युनिटी के एक स्टेप बैक करें, हम कम बैक करें अपना। सो आई वुड रियली लाइक टू सी कहाँ तक पहुँची है आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस या फिर आपको कोचिंग की ज़रूरत है हार्डएक्स फिलहाल के लिए। बट फिलहाल की हार्डएक्स गेम काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर स्पॉटिंग दिखाई जाती है, नॉट ऑफिशियल यहाँ पर जो है स्पॉट जरूर किया जाएगा, अच्छा हेड शॉट कनेक्ट कराने में कामयाब, अच्छा डैमेज ट्रेड, बट फिलहाल के लिए खासा यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा नॉट ऑफिशियल्स को, बिकॉज उनके पास यहाँ पर टाइम रहेगा, अपने आप को कवर में लेके जाएंगे, हील अप कर लिया जाएगा उनकी जानिब से। हार्डएक्स फिलहाल के लिए यहाँ पर अपने और आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैप स्क्रीन की बात की जाए तो ऐसे ही डिजास्टर सम ओजोन के अंदर रोटेशन जरूर लेके जाते हैं। अब देखना जरूर रहेगा हमारे पास यहाँ पर कि अगला जोन क्या करेगा, बट ये जोन कर क्या रहा है मैं जानना चाहूंगा, पबजी ये जोन का एल्गोरिदम कैसे बनाया है। इतनी जल्दी तो क्रिकेट अपने रंग नहीं बदलता, इतनी जल्दी तो वो अपने रंग नहीं बदलती थी, जितनी जल्दी आपका जोन यहाँ पर बदला खाता है, जितनी जल्दी ये करवटे खाता है, करना क्या चाहता है आखिरकार ये जोन। लेकिन फिलहाल के लिए एक कंप्लीट ईस्टर्न जो है साइड जो है जोन की उसको बिल्कुल खाली छोड़ा जाता है, वेस्टर्न साइड के ऊपर एक कंप्लीट क्लस्टर हमें देखने को मिल जरूर है। वेस्टर्न क्लस्टर्स इतने ज़्यादा किस तरीके से होते हैं, सो क्या यहाँ पर किया जरूर जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा जो कि AB हाइवन की तरफ चैट के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मेरे तक पहुँचाया गया कि सर अगर आप लड़की होते तो मैं शादी कर लेता, मेरा भाई मैं लड़का हूँ, आप यूँ समझो कि मैं पठान हूँ, आप आ जाओ कोई मसला नहीं है हाइवन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन वापस से चलेंगे हम अपने मैच की जानिब से जो कि फिलहाल के लिए स्प्लिट स्क्रीन के अंदर हमारे पास नॉट ऑफिशियल जरूर दिखाया जा रहा है। सावा के यहाँ पर जो है मिनी के कुछ टैग्स बनाने की कोशिश शुरू की जाती है, सावा को फिलहाल के लिए यहाँ पर जाता है, लेकिन फिलहाल के लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम जो कि यहाँ पर आपकी भाभी चैट के अंदर ज्वाइन कर सकी है। सो वेलकम सोनू, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके। बट हम जहाँ पर चलेंगे मैच की जाने तो मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, अगर तो सोनू आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, यू कैन ज्वाइन अस इन द कास्टिंग डेस्क। आवाम यहाँ पर सुनना चाहती है कि कास्टिंग कैसे करती हैं आप। तो फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन हम यहाँ पर चलेंगे हमारी फाइट की जानिब जो कि फिलहाल के लिए सावा आई डोंट नो लाइक इट इज ही डेड और समथिंग, नो हार्डेस्ट यहाँ पर फाइट जरूर दे रहे हैं बिकॉज उनकी जान से आपको कुछ शॉर्ट्स डालने की कोशिश जरूर की जाती है, प्लेयर को स्पॉट करके प्री फायर जरूर किए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ग्लिच जरूर आता है, एक्सपेक्टेड ग्लिच हमें देखने को जरूर मिल रहा है बिकॉज अक्सर इस तरह के ग्लिचेज यहाँ पर देखते को जरूर मिलते हैं। बट अगेन ये ग्लिचेज यहाँ पर एग्रेशन कभी भी रोकने के यहाँ पर नहीं करेंगे, वो एग्रेशन रोका नहीं जाएगा टीम्स की जानिब से फिलहाल के लिए। जिस तरह हमने लास्ट मैच के अंदर भी देखा था कि टीम्स हर दूसरी टीम को वो एक उनकी जानिब से वो रिस्पेक्ट पे की जाती है, वो इज्जत दी जाती है बिकॉज एवरी टीम हेयर इज डिजर्विंग। हर टीम यहाँ पर जो मौजूद है वो एग्रेशन रखती है, वो मैकेनिकल स्किल्स रखती है, वो गन स्किल्स रखती है। डायरेक्टली किसी भी टीम के गन स्किल्स को जाके मैकेनिकल स्किल्स को जाके चैलेंज करना इज नेवर अ गुड ऑप्शन लेडीज एंड जेंटलमैन। सो फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज हार्डएक्स की जानिब से फिलहाल के लिए वो फाइट बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग रेंज फाइट जरूर रहती है अभी तक के लिए। तमाम टीम्स की जानिब से कुछ डैमेज जरूर ट्रेड किया जाता है बट अभी तक कोई नॉक हमें निकलता हुआ यहाँ पर कोई नॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इतनी देर के अंदर हम यहाँ पर जाना चाहेंगे मैप स्क्रीन के ऊपर, मैप स्क्रीन हम देखना जरूर चाहेंगे कि मैप किस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और टीम्स की जानिब से बात की तो जोन एक और करवट लेके जाता है, पहले दो साउदर्न शिफ्ट लेके जाते हैं और अब एक नॉर्दर्न शिफ्ट जरूर लेके जाता है। बट VRX जिस रिज के ऊपर फंस चुकी है, अगेन जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न क्लस्टर्स अब यहाँ पे देखेंगे जरूर बिकॉज किस तरीके से यहाँ पे टीम्स जो है वो फाइट लेके निकलती हैं। टीम्स की जान से अगर बात की जाए तो जिस एरियाज को इनकी जान से होल्ड किया जाता है ईस्टर्न साइड टोटली ऐसे छोड़ दी जाती है जैसे रमजान के अंदर आपने मैंने सारे बुरे काम छोड़े हैं, बट वेस्टर्न साइड को इस तरीके से देखा जाता है जैसे रमजान की पहली सहरियों के अंदर फजर के अंदर नमाज में रश होता है, बिल्कुल इतना ही रश यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन एक और चीज, एक और सस्पेंस हमारा खत्म कराया जाता है प्रोडक्शन की जानिब से। लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों की आंखों के सामने वो सस्पेंस जिसकी हम बात कर रहे थे इस मैच से पहले,
वो खत्म कराया जाता है। और नॉट ऑफिशियल्स अभी तक के लिए अपने आप को पहले पायदान के ऊपर लेकर आ जरूर जाते हैं। वीके एलीट्स को डीथ्रोन किया जाता है, वो पहला पायदान अपने नाम किया जाता है। वीआरएक्स अभी तक के लिए तीसरे स्पॉट के ऊपर मौजूद जरूर रहेगी, लेकिन ये बात आपने याद जरूर रखनी है कि टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन की, तो 9th स्पॉट के ऊपर YTF मौजूद है विद 24 अमेजिंग पॉइंट्स। और वहीं पर बात की जाए अगर जो हमारे पास 15th स्पॉट के ऊपर टीम है, दैट इज 16 पॉइंट्स। अगर सिर्फ 10 पॉइंट्स की बात की जाए तो आपको क्वालिफिकेशन के अंदर लेकर आया जरूर जा सकता है। टॉप 16 से एक टीम सिर्फ एक अच्छा चिकन लेकर आपको क्वालिफिकेशन के ऊपर लेकर जरूर जाएगी। लेकिन वहीं पर हम जाएंगे हमारे मैच की जानिब वापस कि किस तरीके से टीम्स अभी तक के लिए वहां पर कर जरूर रही हैं। हम मैप की जानिब वापस जाएंगे, हमारी टीम्स की जानिब जाएंगे। DSP अभी तक के लिए हमारी आंखों के सामने मौजूद जरूर रहती है। अगर मैप स्क्रीन की बात करें, सो एक चीज जो कि यहां पर हमारी जानिब मिस की जाती है, वो टीम जो कि कल के दिन यहां पर डोमिनेट करके जाती है वीके एलीट्स, उनको अभी तक के लिए मैप से जो है लॉबी की जानिब रवाना जरूर किया जाता है। बट VRX बहुत ही रिस्की रोटेशन करते हुए दे आर गोइंग थ्रू ब्लैक, थ्रू DSP, थ्रू SIR, थ्रू KNK, बहुत सी टीम्स के दरमियान से VRX को यहाँ पर रोटेशन देनी जरूर पड़ेगी। लेकिन ग्रेवयार्ड के उस एरिया को अब सच में कब्रिस्तान बनाया जाएगा, ये क्या होगा। लेकिन वहीं पर KNK के अमेरिका की बात की जाए, सो मिस्टर अमेरिका यहाँ पर एक अच्छा ग्रेनेड दागने की कोशिश जरूर करते हैं, अपने प्लेयर को यहाँ पर नॉक कराया जाता है, स्मोक करके उनको यहाँ पर रिवाइवल करने की कोशिश जरूर की जाएगी। फिलहाल के लिए उनके बिल्कुल सामने यहाँ पर टीम जरूर मौजूद रहेगी, जो YTF का स्क्वाड रहता है। थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट टेबल के अंदर देखा जरूर था कि क्वालिफिकेशन के बिल्कुल एज के ऊपर यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं। लेकिन फिलहाल वहीं पर VRX की अगर बात की जाए तो उनको भी वहाँ पर एक प्लेयर को रोटेशन के गिराया जरूर जाता है। बट वहीं पर अगर दूसरे प्लेयर की बात की जाए, ब्लैक के मांबा को यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है, गूगल गेम की जान से भी एक नॉक निकाला जरूर जाता है। बट फिलहाल के लिए अमेरिका और लेवी की अगर बात की जाए, हमारी आंखों के सामने ये फाइट फिलहाल देखने को जरूर मिल रही है। सो उस फाइट के अंदर हम देखेंगे जरूर क्या यहाँ पर नतीजा निकल कर आता है। फिलहाल की अगर बात की जाए अमेरिका की, सो रिवाइवल का प्रोसेस यहाँ पर KNK की जानिब से जरूर स्टार्ट किया जाता है। YTF की लीवी की बात की, YTF के लेवी की बबात की जाए, सो अपने आप को हील जरूर किया जाता है। 3 किल्स अभी तक लेवी ने ही निकाले हैं। हमने ये चीज़ देखी जरूर थी कि यही वो प्लेयर थे जो कि पहले दिन एक और क्लच मोमेंट निकाल के जरूर लेके जाते हैं। बट मैं दूसरी जानिब ये भी जरूर देखना चाहूंगा कि VRX ने वहां पर नॉक्स निकाले थे, वो किस तरीके से फिनिश ऑफ उनकी जानिब से किए जाते हैं। एक किल अभी तक के लिए VRX के पास रहता जरूर है, उन रिजेस के ऊपर यहाँ पर मौजूद रहते पिकार्डो की, उन जीम रेजेस के ऊपर, माउंट एवरेस्ट के, पिकार्डो की नहीं, ये हिमालय का वो एरिया बन जाता है कि जहाँ पर अक्सर टीम्स की गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं और प्लेयर तो क्या गब्बगी के भी घोटे गट्टे टूटने का खदशा ज़रूर रहता है जब भी आप पिकार्डो के एरिया से यहाँ पर रोटेशन जरूर देते हो। बट फिलहाल के लिए VRX रोटेशन के अंदर पकड़े जाते हैं, अपना एक प्लेयर नॉक कराया जाता है, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड नॉक्स निकाले जाते हैं, बेहतरीन कवर फायर्स अपने टीम मेट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और वापस से 4-man रोटेशन की जान से जरूर स्टार्ट कर दी जाती है। बट कशान की बात की जाए तो खासा बेहतरीन एक स्प्लिट इनकी जान से लिया जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा फ्लैंक एंगल कशान यहाँ पर लगने में कामयाब जरूर रहते हैं। DSP यहाँ पर कंपाउंड्स के ऊपर पोशन जरूर कर चुकी है, वुल्फ उन्हीं कंपाउंड्स के ऊपर रहते जरूर है, यूटिलिटीज के चलते यहाँ पर वुल्फ को भी नॉकडाउन जरूर कर दिया जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छा ग्रेनेड वुल्फ की जानिब से जाएगा, DSP के प्लेयर्स को थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज जरूर करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जोन एक और करवट लेके जाता हुआ, एक और साउथ ईस्टर्न शिफ्ट यहाँ पे जोन की जानिब से लेकर जाया जाता है। लेडीज जेंटलमैन, जोन क्या करता है यहाँ पर, लेकिन VRX को नॉक जरूर किया जाता है। फॉर द टाइमिंग DSP बाबा की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से एक अच्छा ग्रेनेड पुल किया जाता है, वुल्फ की जानिब से एक अच्छा ग्रेनेड पुल किया जाता है। दोनों के दोनों प्लेयर्स हमारी आंखों के सामने मौजूद जरूर रहते हैं, दोनों के सामने से यहाँ पर नेट किया जाता है। वुल्फ का वो ग्रेनेड रहता है जो कि बाबा को क्लिक करेगा, बाबा को फिलहाल के लिए नॉक करेगा। वुल्फ की जानिब से एक और ग्रेनेड यहाँ पे फॉलो ग्रेनेड फेंका जरूर जाता है, कंफर्मेशन देने की कोशिश जरूर की जाती है। लेकिन DSP के प्लेयर्स बाकी कहां पर है, DSP के बाकी के प्लेयर्स को मैं यहां पे देखना जरूर चाहूंगा, व्हाट आर एवरी अदर प्लेयर डूइंग यहां पर, क्या यहां पर चलेगा। लेकिन फिलहाल के सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल के लिए वुल्फ की अगर बात की जाए तो अपने आप को हील अप जरूर कर दिया जाता है इनकी जानिब से। एहतशाम की बात की जाए तो स्मोक्स के चलते अभी तक के लिए उनकी तरफ से अच्छा एंगल निकाला जाए, लेकिन कशान का वो बहुत ज़रूरी एंगल रहेगा, कशान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर रहते हैं इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर, किस तरीके से वो जो है यहाँ पर अपनी टीम को कुछ बेनिफिट पॉइंट्स दे के जाते हैं, किस तरीके से फाइट जिताई जाती है अपनी टीम को। एहतशाम यहाँ पर 1-1 लेने की कोशिश भी करता है, बैक साइड से कुछ नॉक्स देने की जरूर फाइट जरूर लेंगे, लेकिन वहीं पर एहतशाम को व्हीकल के नीचे से कुछ एक छोटा सा एरिया निकाल कर वहाँ पर जो एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। सो फॉर द टाइमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एहतशाम यहाँ पर काशान के ऊपर यहाँ पर वुल्फ के क्रॉसर जरूर दागे जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं।
किस तरीके से यहाँ पर वुल्फ जो है अपने कंप्लीट करेंगे इस फाइट को। यहाँ पर शाम को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर क्रॉसेस की जद में लिया जाता है, कंप्लीट यहाँ पर प्री फायर जा जरूर रहे हैं। वुल्फ की जानब से अगर बात की जाए स्मोक्स करके खुद को सेव करने की कोशिश, फिलहाल के लिए काशान अच्छे प्री फायर यहाँ पर स्टार्ट करते हुए किस तरीके से प्री फायर यहाँ पर प्लेयर्स को जरूर देंगे। लेकिन वहीं पर ब्लैक गोइंग फॉर अ फ्लैंक, फ्लैंक्स के लिए वो गाड़ियाँ निकल जरूर चुकी है। काशान आई बिलीव अपनी टीम के आखिरी प्लेयर अभी तक के लिए बच जरूर चुके हैं। किस तरीके से काशान यहाँ पर जो है वो करेंगे जरूर, लेकिन बगी का टायर फाड़ा जाता है ब्लैक अड्डे को यहाँ पर फिलहाल के लिए रोटेशन में पकड़ा जरूर जाता है। काशान की जानब से कुछ अच्छे टैप पर देने की कोशिश करें, काशन लोन एच पी जरूर करेंगे, डॉट एच पी जरूर रह जाएंगे यहाँ पर फिलहाल के लिए ब्लैक के वो प्लेयर। लेकिन काशान लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, चार किल्स अभी तक के लिए टीम के लिए निकाले जरूर जाते हैं, वही कल अपनी यहाँ पर बस जरूर करा जाते हैं। तो क्या यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर टीम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है कि जाते, लेकिन वहीं पर काशान को एक बेहतरीन कार 98 का हेडशॉट यहाँ पर आता है। काशान को भी फिलहाल के लिए डीएसपी को इट्सेल्फ यहाँ पर एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। लेकिन नॉट की अगर बात की जाए तो नॉट ऑफिशियल्स के क्रॉसर के अंदर अभी तक कोई भी टीम यहाँ पर मौजूद जरूर नहीं रहती। लेकिन मैं मैप स्क्रीन देखना जरूर चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि इस फिफ्थ फेज के अंदर किस तरीके से टीम्स रोटेट करती हैं। और वही होता है जिसका डर था, जिस तरीके से हमने बताया था। लेकिन वीआरएक्स की रोटेशन देखें, DRX जानती थी कि उस ग्रेवयार्ड के एरिया से उनके लिए एंट्रेंस काफी मुश्किल थी, तो टोटल यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है मिनास और जंकयार्ड के एरिया से रोटेशन देने की कोशिश की जाती है। और अब जिस जगह से वो जोन के अंदर एंटर होंगे वो पूरा का पूरा जोन उनको एक चिकन डिनर की जगह जरूर दिलवा सकता है। क्या ही बेहतरीन रोटेशन दी जाती है इनकी जान से। लेकिन वहीं पर अगर फोर रेवल्स की बात की जाए तो केन के एक प्लेयर को लॉबी की जान में रवाना जरूर किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से और प्लेयर ज्वाइन करें, सो जो जो लोग भी फिलहाल के लिए यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद है फिलहाल के लिए, जितने लोग यहाँ पर स्ट्रीम के मौजूद हैं, आप लोग मेक श्योर कर लेना कि एक दफ़ा स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया हुआ, अगर तो चैनल के ऊपर नहीं हो तो एक दफ़ा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो फिलहाल के लिए हम अपने मैप की जानब जाएंगे ज़रूर, मैप हमारा क्या सूरत हाल दिखाता है मैप हमने देखा। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें अगर VRX की, तो VRX एक अच्छा किल यहाँ पर निकालते भी ज़रूर है। जोन के अंदर एंट्रेंस ली जाती है, क्या बेहतरीन रोटेशन यहाँ पर दी जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक एनालिसिस वीडियो भी यहाँ पर इस टीम की इस रोटेशन के ऊपर आए तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई जरूर जा सकती है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन क्या यहाँ पर किया जाता है। सो पहले अगर बात की जाए KNK वर्सेस ब्लैक की, तो ये फाइट भी अपने अख्ताम को किस तरीके से पहुंचे बताओ। फिलहाल के लिए दोनों जानब से प्रोन डाउन जरूर कर दिया जा चुका है। सो फॉर द टाइम बीइंग स्पाइडर की जानब से स्मोक के अंदर खुद को थोड़ा सा पैसिव जरूर रखा जाता है। KNK की जानब से अगर बात की जाए खुद को थोड़ा सा यहाँ पर बूस्ट अप करने की कोशिश की जा रही है। दोनों के दोनों प्लेयर्स फिलहाल के लिए टोटली पैसिव जरूर जा रहे हैं, बट किस तरीके से फाइट अपने इख्तिताम को पहुँचती है क्योंकि KNK की जानब से ब्लैक के स्पाइडर को भी फिलहाल के लिए जो है नॉक जरूर किया जाता है। सो फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, तो थोड़ी सी अगर बात की जाए हमने रोटेशन की, सो बल्कि मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि प्रोडक्शन से एक दफ़ा दोबारा से हमें मैप की जानब रवाना किया जाए और मैं वो रोटेशन देखना चाहूँगा VRX की, क्या रोटेशन उनकी जानब से ली जाती है। सो प्रोडक्शन फिलहाल के लिए मैप पे आती है, आप रोटेशन देखें ज़रूर। थोड़ा सा अगर इस मैप को जूम आउट किया जाए तो और बेहतरीन तरीके से देख ज़रूर सकते हैं कि टोरे अलमुदा की टॉप पर उतरा जाता है, वहाँ से कोब्रेरा जाया जाता है, कोब्रेरा से पूरी लूट करके एक बेहतरीन रोटेशन करके आउट ऑफ जोन जोन के अंदर एंटर ज़रूर करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हम जाएंगे हमारी गेम की तरफ वापस, क्योंकि ये रोटेशंस हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन अगर मैप स्क्रीन की हमारी बात की जाए तो हमारी आंखों के सामने VRX के ही प्लेयर्स मौजूद रहते हैं जो कि रियू रहेंगे अभी तक के लिए। चार अच्छे किल्स इनके जानब रहते जरूर है और सामने टीम के ओपन में रहती जरूर है। एक प्लेयर को नॉक करेंगे, दूसरे प्लेयर को हमें नॉक करने की अच्छी कोशिश, डैमेज दिया जाएगा, नॉक भी किया जाएगा, लेकिन वहीं पर पूरी की पूरी टीम को एलिमिनेट किया जाता है। आखिरी से कहीं और यहां पे नॉक जरूर कर दिया जाता है, बट VRX व्हाट आर दे डूइंग इन अ स्प्लिट मोमेंट, यहाँ पे 7 किल्स के ऊपर पहुंच जरूर चुकी है ये टीम। वो टीम जो कि थोड़ी देर पहले कहीं भी मौजूद नहीं थी, अब हर तरफ मौजूद है। व्हाट इज दिस टीम डूइंग। लेकिन वहीं पर अगर SIR के प्लेयर्स की बात की जाए तो वो जोन के बारे में यहाँ पर नॉक जरूर हो रहे हैं, एक अच्छा यहाँ पर जो है स्मोक जरूर किया जाता है, अपनी पोजीशन को थोड़ी देर के लिए सेव किया जाता है। वहीं पर यहाँ पर टीम्स की जान से जोन के बारे में मारा जाता है। वी आर डाउन टू द लास्ट 5 टीम्स। मैं यहाँ पर मैप देखना जरूर चाहूंगा किस तरीके से सारी की सारी टीम्स यहाँ पर आउट ऑफ जोन जरूर रहेंगी। अब देख सकते हैं कि नॉट ऑफिशियल्स को एक दफा फिर से जोन का एडवांटेज मिला है और कामयाब होते हैं अपने 4 के 4 प्लेयर्स को जोन के अंदर लेकर आने के लिए, और पूरे के पूरे जोन का होल्ड एक दफा फिर से नॉट ऑफिशियल्स के हाथ में जाता हुआ। बट क्या कोई टीम ऐसी है जो कि इनको चैलेंज कर सकती है। अगर SIR के एक प्लेयर की बात की जाए तो व्हाट इज दिस स्प्लिट। SIR के ब्रांड
के ऊपर रहते हैं, जुबलाल के नाम हम यहाँ पे कंप्लीटली देख नहीं पा रहे, वो बिल्कुल जाकर स्ट्रीम के अंदर मौजूद जरूर रहते हैं। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर बैक। एक थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग यहाँ पे जरा सा ऑफलाइन जरूर जाते हैं। अगर आप लोगों की यहाँ पे स्ट्रीम अभी तक के लिए लैग करी है, तो मेक श्योर कर दीजिएगा कि एक दफा जो है रिफ्रेश जरूर कर दिया जाए। कुछ रिफ्रेश करेंगे तो सारी सारी स्ट्रीम सही हो जाएगी। नॉट के एक प्लेयर को अभी तक नॉक किया जाता है, सैयार को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है, ब्रांड को भी यहाँ से एलिमिनेट किया जाता है। नॉट की बात की जाए तो नॉट के बिल्कुल सामने अब दो टीम्स मौजूद हैं, एक हार्डिक के यहाँ पर स्क्वाड जरूर रहता है, दूसरी जाने बीआरएफ का स्क्वाड जरूर रहता है। सदी की बात की जाए तो सेवा को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोन एचपी कर दिया जाता है बिंगो की जानब से, और एक और प्लेयर यहाँ पर नॉक किया जाता है नॉट ऑफिशियल्स का, वीआरएक्स। क्या वो फाइट जो लास्ट मैच के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लास्ट मैच में इनकी जानब से थोड़ा सा चोक जरूर कर दिया जाता है वीआरएक्स की जानब से। यूटिलिटीज़ उनके पास मौजूद नहीं थी, वो हीलिंग्स उनके पास मौजूद नहीं थी, लेकिन अब क्या वीआरएक्स ये चिकन ले पाएगी लास्ट मैच के अंदर, क्या वो चिकन जो नहीं कर रहे, वी आर डाउन टू द लास्ट टू टीम, लास्ट टू टीम। यहाँ पे वीआरएक्स के एक प्लेयर को क्या बेहतरीन बिंगो की जानब से नॉक किया जाता है, एक पिन पॉइंट लेजर स्प्रे जाता है, प्लेयर को नॉक करने में कामयाब जरूर होते हैं। दोनों की दोनों साइड के ऊपर अपने अपने प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइवल देने की जरूर कोशिश की जा रही है। बट अब किस तरीके से यहाँ पर जो है कहानी इतने इख्तिताम को पहुँचती है, क्योंकि मैं ये जरूर देखना चाहूँगा कि दोनों टीम्स की जानिब कितने कितने प्लेयर्स अभी तक के लिए बचे जरूर हैं। आई बिलीव सो इट्स अ 3v2 सिचुएशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर देयर इज समवन इन द प्रोडक्शन हु कैन करेक्ट मी, इज अ 3v2 सिचुएशन, इज अ 3v2 सिचुएशन। लेकिन एक अच्छा फ्लैंक करने की कोशिश शुरू की जाती है सुमाम की तरफ से, और अच्छा यहाँ पर फ्लैंक करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन सिम्बा की जानब से कुछ शॉट्स यहाँ पे दागने की कोशिश शुरू की जाती है, लेकिन वहीं पर एक और प्लेयर नॉट का यहाँ पर फिलहाल के लिए डाउन जरूर किया जाता है। एक दफा फिर से एक ईवन फाइट के अंदर हम लोग आ जरूर जाते हैं, 2v2 की ये गेम रहती जरूर है। किस तरीके से अब यहाँ पर वो फाइट जो कि पिछले मैच के अंदर नॉट ऑफिशियल्स अपने नाम कर आगे जाती है, क्या इस दफा वीआरएक्स उस फाइट को अपने नाम कर पाएगी? ओपन से यहाँ पर रोटेट जरूर किया जाता है। रियो की अगर बात की जाए तो रियो की जानब से बेहतरीन यहाँ पर जो है पत्थर का कवर जरूर पकड़ा जाता है, बट फिलहाल के लिए बिंगो की जानब से अच्छे यहाँ पर फायर करने की जरूर जाती है। लेकिन रियो की जानब से अगर बात की जाए, सो रियो अभी तक एक अच्छे एंगल पर मौजूद जरूर है, तीनों के तीनों प्लेयर्स उनके सामने रहते जरूर है। लेकिन जोन किस तरीके से अब दोनों के दोनों टीम्स को बाहर यहाँ पर निकालता है, क्योंकि जोन ही अब फैक्टर रहता है जो कि चिकन डिनर के सबसे ज्यादा हेल्प जरूर कर सकता है। लेकिन वीआरएक्स के एक प्लेयर को और नॉक जरूर कर दिया जाता है, वो एक प्लेयर जो नॉट ऑप्शन में अभी नॉक किया था वो भी अभी तक रिवाइव जरूर हो चुका है। रियो भी अब आउट ऑफ जोन जरूर रहेंगे, हील बैटल अब इनको करना जरूर पड़ेगी, इनके सामने तीन प्लेयर्स ही मौजूद रहेंगे। लेकिन नॉट ऑफिशियल्स अपना एक और चिकन डिनर इस मैच में ले जाने के हकदार जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रियो की जानिब से यहाँ पर फर्स्ट एड मिस की जाती है, क्या ये फर्स्ट एड लगा पाएंगे? बिकॉज़ अभी तक के लिए जवाब रहता है शायद नहीं, और वो जवाब नहीं ही बनता है, बिकॉज़ नॉट ऑफिशियल अपने लिए एक और बेहतरीन नाराज की तारीफ के तरफ नाम पर आगे जाती है, क्या ये बेहतरीन? लेकिन इसी से पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि प्रोडक्शन हमें लास्ट मैच तक का पॉइंट टेबल दिखाए जरूर, क्योंकि हमने देखा था कि नॉट ऑफिशियल ऑलरेडी यहां पर टॉप स्पॉट ले जरूर चुकी थी, और उसके बाद एक और चिकन डिनर नॉट ऑफिशियल की जानिब से किया जरूर जाता है, वीआरएक्स कहीं ना कहीं दूसरे पायदान को जरूर टच कर चुकी होगी। लेकिन अगर आप देखें यहां पर प्लेसमेंट पॉइंट्स और किल पॉइंट्स के अंदर वो डिफरेंस, क्योंकि वीआरएक्स की बात करें 16 प्लेसमेंट पॉइंट लिए जाते हैं, लेकिन उससे दुगने से भी ज्यादा किल पॉइंट्स, 33 किल पॉइंट्स अपने नाम किए जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर YTF की बात की जाए तो महज 4 प्लेसमेंट पॉइंट, लेकिन 25 गुना ज्यादा यहाँ पर किल पॉइंट्स की जानिब से उठाए जरूर जाते हैं। तो टीम्स की जानिब से कहीं ना कहीं एग्रेशन को बहुत ज्यादा दिखाया जरूर जा रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग ये जरूर देखेंगे कि हमारा अगला मैच यहाँ पर कौन सा मैदान पे खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले तैयार है यहाँ पर हमारे पास MVP ऑफ द गेम। सो MVP की जानिब अगर जाते हैं, सो MVP के अंदर हमारे पास निकल कर आते हैं वीआरएक्स के प्लेयर्स, जो कि रियू आई बिलीव सो रहते जरूर है, 6 किल्स इनकी जानिब से निकाले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अगर NS7 के एक प्लेयर आई बिलीव सो यहाँ पर आके जो है फीचर जरूर होते हैं बेस्ट कंपेनियन में, 3 दफा अपने प्लेयर्स को रिवाइवल जरूर दिया जाता है। लेकिन इसी के साथ हम जाएंगे हमारे डे शेड्यूल के ऊपर। डे शेड्यूल हमारा क्या कहानी बयान करता है? डे शेड्यूल हमें यह बता रहा है कि जनाब सहनौक का मैच तैयार है अपने दहाने के ऊपर, क्योंकि अगला मैदान खेला जाएगा सहनौक के ऊपर। मेरा मार फिलहाल के लिए यहाँ पर खत्म होता है। 2 बेहतरीन मैप्स आज के दिन के अंदर, पहले दोनों ही मैप्स नॉट ऑफिशियल्स अपने नाम करके जाते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ही तरफ से दिखाया जाता है, वीआरएक्स की तरफ से भी दोनों मैचेस के अंदर #2 पर खत्म किया जाता है। लेकिन क्या ये #2 का कर्ज खत्म किया जा सकता है वीआरएक्स की जानिब से? क्या वो क्राउन जो वो हर दफा लेने में नाकामयाब रहते हैं, क्या उस तक पहुंचा जाता है
या नहीं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
Assalamualaikum everybody and welcome back to After the Break. अगर बात की जाए हमारे लास्ट टीम की लास्ट मैच की एग्रेशन की तो वही कहीं ना कहीं हमें कहानी जरूर देखने को मिली थी जो कहानी पिछले मैच के इख्तिताम के अंदर में देखने को मिली थी. लेकिन फिलहाल के लिए नाजरीन और सामईन मैच का आगाज यहाँ पर हो जरूर जाता है. उल्टी गिनती हमारी आंखों के सामने आती हुई और इसी के साथ जो हमारा जहाज है वो परवाज करता हुआ सैनोक के मैप के अंदर यहाँ पर जाता हुआ. अगर बात की जाए टीम्स की तो टीम यहाँ पर अपने अपने ड्रॉप की जानब यहाँ पर जाते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं. लकावी से कैंप अल्फा का ये प्लेन स्प्लिट जरूर रहता है. खासा बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे मैप को एक इवन हाफ्स के अंदर स्प्लिट किया जाता है अभी तक के. अगर टीम्स की बात की जाए सो क्या हमें वही कहानी मिलेगी, क्योंकि अभी तक के लिए अगर बीआरएक्स की बात की जाए तो वो अपने पैर जमीन पर जमाने में नाकामयाब होते हैं. लेकिन नॉट ऑफिशियल उतरते साथ एक ड्रॉप क्लैश के अंदर जाते हुए कैंप ब्रावो के अंदर मैं देखना जरूर चाहूंगा कि वो टीम जो कि पिछले दो मैचेस को डोमिनेट करती है क्या इस मैच के अंदर भी वो अपनी इस कहानी को मजीद आगे लेके जाते हैं या फिर उनकी कहानी को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए टीम यहाँ पर मौजूद जरूर रहती है. मैं देखना चाहूँगा नॉट ऑफिशियल के सामने वो कौन सा यहाँ पर स्क्वाड है जो कि इनके सामने रहेगा जरूर, जो कि YTF का रहता है. YTF की भी अगर बात की जाए तो एक अच्छा गन पावर लेकर दिखाई देता है हमें ये स्क्वाड. हमने देखा है हमेशा इनको कि ये बहुत ही अच्छी फाइट्स लेते हैं. लेकिन मैं VRX वो टीम जो कि इंडिया से यहाँ पर हमारे पास खेलने आती है वो अपना पहला किल इस मैच के अंदर लेके जाते हुए. अभी तक की अगर बात की जाए नाजरीन सो यहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने को दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है ना ज्वाइन किया जाता है नीचे ना. सो फिलहाल के लिए कैंप ब्रावो के अंदर ये ड्रॉप क्लैश चलता हुआ. लेडीज एंड जेंटलमैन इस ड्रॉप क्लैश के अब क्या इख्तिताम निकलता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नॉट ऑफिशियल अभी भी वही चीज़ करते हैं, क्या नॉट ऑफिशियल यहाँ पर जो है वो किल पॉइंट्स लेके जाते हैं, क्या ड्रॉप क्लियर करने में कामयाब होते हैं या फिर YTF नॉट के उस एग्रेशन को अभी तक के लिए फुल स्टॉप नहीं लगाएगी. ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी देखने के लिए. फिलहाल के लिए हमारी आंखों के सामने टीम्स मौजूद ज़रूर रहती हैं, टीम्स का यहाँ पर देखना ज़रूर रहता है किस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए YTF की सोनू यहाँ पर हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं फिलहाल के लिए. लेकिन नॉट के एक प्लेयर पे यहाँ पे नॉक जरूर किया जाता है ब्रांड की जान से, वो किल भी कंफर्म किया जाता है अभी तक के लिए. अगर तमाम के तमाम प्लेयर्स की बात की जाए सो रूमी यहाँ पर मौजूद रहेंगे हमारे आंखों के सामने, YTF के ब्रांड जरूर रहेंगे. एक प्लेयर नॉट का अभी तक के लिए एलिमिनेट करने में कामयाब जरूर होते हैं, ब्रांड के बिल्कुल सामने एक प्लेयर TPP जरूर ले रहे हैं. लेकिन किस तरीके से अब ये फाइट अपने अख्ताम को पहुँचती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूर रहेगा. ये चीज़ किस तरीके से यहाँ पर ख़त्म होती है ये देखने को हमें ज़रूर मिलेगा फ़िलहाल के लिए. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन अगर अभी तक के लिए जो हमारे आंखों के सामने जो हाल फिलहाल देख रहे हैं, आंखों देखा हाल अगर मैं बताऊं तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि वो टीम जो कि पिछले दो मैचेस को लगातार डोमिनेट करती है वो टीम अब यहाँ पर क्या करती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहेगी ज़रूर. तो अभी तक के लिए अगर बात की जाए नॉट के सिम्बा की तो कहीं ना कहीं उनकी जानब से थोड़ा सा फॉल बैक करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन सिग्मा सोनिक पार्टी की पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज वो जिस एरिया के अंदर फिलहाल के लिए मौजूद है उसको बिल्कुल भी यहाँ पे स्पॉट करना बहुत मुश्किल जरूर रहेगा. लेकिन अगर तो फिलहाल के लिए रूमी के पास उनकी कॉल है तो फिर तो शायद उनको एलिमिनेट करना आसान रहेगा. लेकिन अगर नहीं है तो फिर सिग्मा वो फैक्टर रहेंगे कि जो पूरी की पूरी नॉट ऑफिशियल की कमर यहाँ पे तोड़ जरूर देते हैं. रोमी को मैं यहाँ पे देखना जरूर चाहूंगा कि क्या वो जानते हैं कि एक प्लेयर उनके सामने रेलिंग के ऊपर प्रोनिंग जरूर कर रहे हैं, और उसका जवाब रहता है स्टिल सस्पेंस कि आप बता भी नहीं सकते कि क्या होता है क्या नहीं होता. अगर हमारी स्प्लिट स्क्रीन के अंदर बात की जाए तो रूमी भी यहाँ पर फिलहाल के लिए टोटल पैसिव जरूर हो जाते हैं. सोनिक की बात की जाए सोनिक की जानब से यहाँ पर टोटल पैसिव नजर जरूर दिखाई जाती है. दोनों की दोनों टीम्स की जानब से कोई भी यहाँ पर गलती करने की कोशिश नहीं की जा रही ना. फिलहाल के लिए रूमी की जानब से यहाँ पर DBS जरूर उठाई जाती है. लेकिन उनके बिल्कुल ऑपोजिट अगर सिग्मा सोनिक की बात की जाए सो M249 यहाँ पर लेके प्रोन और डाउन जरूर है. M249 का अगर तो ये स्प्रे पूरा का पूरा खोला जाता है तो आधा सैनोक तो एक स्प्रे में खाया जरूर जा सकता है सोनिक की जानब से. लेकिन क्या उस स्प्रे की जद के अंदर कुछ प्लेयर्स आएंगे या उस स्प्रे से पहले ही वो यहाँ पर अपनी मौत को यहाँ पर जो है सलाम करते हुए दिखाई देंगे, अपनी जिंदगी के जो है वो इख्तिताम पर पहुंचेंगे. लेकिन
उसी से पहले मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि बाकी की टीम यहाँ पर क्या कर रही है, अगर हम मैप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं। और इसी के साथ प्रोडक्शन मेरे से कुछ ज्यादा ही तेज रहती है, मुझे यहाँ पर चकमा दिया जाता है मैप स्क्रीन का दिखा के वापस जाया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैप स्क्रीन के ऊपर आ जरूर जाते हैं। और डीएसपी अभी तक के लिए क्वारी एरिया को, सेंट्रलाइज एरिया को यहाँ पर होल्ड किया जाता है, बट बूट कैंप को एक दफा फिर से अबैंडन किया जाता है, वीआरएक्स की जानिब से ड्यून्स के एरिया को होल्ड किया जाता है। लेकिन वीआरएक्स के कुछ अब किल्स यहाँ पर आ जरूर सकते हैं, बिकॉज वाइल्ड जहाँ से एक वाटर बॉडी रोटेशन लेने की कोशिश कर रही है, वो रोटेशन बिल्कुल वीआरएक्स की आंखों के सामने आके खत्म होगी। लेकिन वो ड्रॉप क्लैश जो कि नॉट ऑफिशियल का अभी तक के लिए स्टार्ट हुआ था, वो वहीं का वहीं खड़ा है। सिर्फ एक किल बाय टीएफ अपने बैक के अंदर, बैकपैक के अंदर ले जाने में कामयाब जरूर होती है, मजीद किसी भी किस्म के किल पॉइंट्स अभी तक के लिए वहां पर, वो फाइट जो स्टार्ट की गई थी उसको बिल्कुल इस तरह कर दिया जाता है। दोनों टीम्स एक दूसरे को ऐसा इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं किसने किसको इग्नोर किया था। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा सबको बताने की कोशिश जरूर रहेगी, बट फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, किस तरीके से ये मैच अपने अख्तिताम को पहुंचता है, किस तरीके से यहाँ पर फाइट्स अपने अख्तिताम को पहुंचती है, क्योंकि अभी ये एग्रेशन जस्ट किक स्टार्ट हुआ है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ अभी क्वालिफायर है, अगर क्वालिफायर से हम आगे जाएंगे इसके बाद हमारे पास दूसरा भी स्लॉट है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो नॉट ऑफिशियल के यहाँ पे दो प्लेयर को नॉट कर दिया जाता है, लेकिन पीपीआर नैनो क्या बेहतरीन यहाँ पे चला जरूर रहे, और इसी के साथ पूरी नॉट ऑफिशियल्स को फिलहाल के लिए एलिमिनेट किया जाता है। वो टीम जो कि कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, उस पूरी की पूरी टीम को लॉबी की जानिब रवाना किया जाता है। वो टीम जो कि अभी तक के लिए हर टीम को यहाँ पर लॉबी का रास्ता दिखा रही थी, सबसे पहले उन्हीं को लॉबी की तरफ रवाना किया जाता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस YTF की जानिब से, क्या ही बेहतरीन तरीके से आज के दिन के डोमिनेटर्स को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन क्या ये दिन अब VRX Esports का बन सकता है, क्योंकि वो टीम जो कि उनके और चिकन डिनर के दरमियान आके खड़ी हो जाती थी पिछले दो मैचेस से, वो टीम लॉबी की जानिब जो है रवाना की जाती है। बट फिलहाल के लिए BPR नैनो क्या ही बेहतरीन S12 के इनकी जानिब से चलाई जाती है, एंड में बेहतरीन वन जो है वो निकाली जाती है, बेहतरीन 1v2 निकाला जरूर जाता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा आप तमाम के तमाम लोगों को कि अभी तक के लिए VRX भी एक और फाइट में जाती है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, और VRX से एक प्लेयर को एलिमिनेट भी किया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जरूर देखना पड़ेगा। सो YTF की टीम के बारे में यहाँ पर एक और चीज़ जरूर रहेगी कि मोबाइल स्क्वाड जरूर रहता है, और आके क्या ही बेहतरीन तरीके से नॉट ऑफिशियल्स जो के डोमिनेटर रहते हैं पूरे के पूरे दिन को, उनको एलिमिनेट किया जाता है। VRX की अगर बात की जाए तो अब ऑलरेडी 4 किल्स उठाने में कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन 1v3 निकाला जाता है रियो की जानिब से, और अब रियू को भी एलिमिनेट जरूर करा दिया जाता है इनकी जानिब से। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक सेटबैक जरूर रहती है VRX के लिए, लेकिन VRX की मैकेनिकल स्किल्स को हम जानते हैं, पिछले मैच में भी दो प्लेयर्स बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इन्होंने अपने गवाए जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद दूसरा पायदान अपने लिए हासिल किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि VRX को चाहिए कि वो अपने एक से दो प्लेयर जल्द से जल्द गवाया करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन एक और बात ये जरूर रहेगी कि अगर ये टीम अपने 4 के 4 प्लेयर्स के साथ फाइनल फेज के अंदर जाने में कामयाब होती है तो इस टीम को ब्रेक लगाना नामुमकिन जरूर रहता है। लेकिन अब KNK हमारी आंखों के सामने मौजूद जरूर रहते हैं, KMK जट MVP जरूर रहते हैं, लेकिन अभी तक MVP लिस्ट के अंदर इनका नाम हमें दिखाई नहीं देता। तो क्या अपने नाम की लाज रखेंगे जट यहाँ पर, या फिर बस नाम के यहाँ पर MVP रह जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें भी थोड़ी देर में देखेंगे जरूर। लेकिन वहीं पर KNK अमेरिका को यहाँ पर डाउन जरूर कर दिया जाता है, और कहाँ पर अपनी टीम से बहुत ज़्यादा दूर मौजूद जरूर रहते हैं, आई बिलीव सो कहीं ना कहीं शायद AFK हुआ जाता है इनकी जानिब से, और ब्लैक की जानिब से वहाँ पर उनकी स्पॉटिंग की जाती है, और साथ ही साथ उनको यहाँ पर रवाना किया जाता है लॉबी की जानिब। लेकिन KNK की अगर बात की जाए तो KNK को अब यहाँ पर 3 मैन के साथ ही आगे जाना पड़ेगा। अगर MKF की बात की जाए तो एक खासा रंग बिरंगा यहाँ पर ग्रेनेड इनकी जानिब से जो है फेंका जरूर जाता है, और फिलहाल के लिए KNK ½ HP जरूर रहते हैं, ½ HP यहाँ पर खुद को हील अप करने की कोशिश जरूर की जा रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें हमें आंखों के सामने देखने को मिल जरूर जाती है, लेकिन एक अच्छा यहाँ पर अच्छा डैमेज दिया जरूर जाता है इनकी जानिब से, बहुत ही बेहतरीन डैमेज यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। बट KNK फॉर द टाइम बींग, क्या KNK अब अपने एक प्लेयर के लॉस के बाद, KNK अमेरिका के लॉस के बाद यहाँ पर जो है फाइट बैक कर सकेगी, किस तरीके से KNK रिटेलिएट करती है, और उस रिटेलिएशन से पहले ही KNK को यहाँ पर नॉक पड़ता है, और इंस्टेंट एलिमिनेशन भी यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है, बट रिवाइवल कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा। अगर MKF की बात की जाए सो एक अच्छा मोलोटॉव दिया जाता है, लेकिन जहां पर मोलोटॉव वहां पर फेंका जाता है वहां पर कोई भी प्लेयर फिलहाल की मौजूद नहीं रहता, अगर यूटिलिटीज़ का बेहतर इस्तेमाल किया जाए इनकी जानिब से खासे और नॉक्स निकाले जरूर जा सकते हैं इनकी जानिब से।
फिलहाल के लिए कुछ थोड़ी सी यहाँ पे साउंड्स लेने की कोशिश की जा रही है, फुटस्टेप लेकर कुछ फ्री फायर यहाँ पर जाते दिखाई जरूर देते हैं मुकेश की जानिब से। बट यहाँ पर क्या जरूर देखना ये जरूर पड़ेगा कि किस तरीके से अब टीम्स यहाँ पर जो है ना वो टेलीगेट बैक करेंगे, बिकॉज वुल्फ यहाँ पर जट के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो प्लेयर्स एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुकना नहीं चाहते। अच्छे फ्री फायर यहाँ पर जाते हुए दिखाई जरूर देते हैं, नॉक जरूर निकालेंगे बुल्फ यहाँ पर, अच्छा नॉक निकाला जाता है, कुछ बेहतरीन फ्री फायर जिनकी जानकारी हमें देखने को मिलेंगे जरूर। जट एम वी पी यहाँ पर आगे प्लेयर रह जाते हैं, लेकिन बेहतरीन एक नॉक निकाला जाता है, फिनिश करने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन वुल्फ अपना वो यहाँ पर किल अपने लिए कन्फर्म जरूर करेंगे, वो एक पॉइंट उनके सामने आया जरूर था उसको कन्फर्म जरूर किया जाता है। अब जट यहाँ पर एक अच्छा ग्रेनेड फेंकेंगे जरूर, अगर तो इस ग्रेनेड कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन जरूर बनाएगा और एक प्लेयर को फिनिश ऑफ जरूर करता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है। बट फिलहाल के लिए बच जरूर जाएंगे, लेकिन जट को पुश करना पड़ेगा, जट की जान से पुश करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन थर्ड पार्टी की जद में भी आ जरूर सकते हैं और यही होता है, थर्ड पार्टी की जद के अंदर आते हैं और एनएस के मिशन यहां पर इनको एलिमिनेट कराने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। फिलहाल के लिए वो खतरा टलता है लेकिन खत्म नहीं होता ब्लैक के ऊपर से, क्योंकि एक और टीम इनके बिल्कुल सर के ऊपर आन पहुंची है वहां पर। अब किस तरीके से इस टीम से यहाँ पे करते हैं, एक बेहतरीन स्प्लिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जरूर रहा है इनकी जानिब से। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए बीआरएक्स की टीम की तो वो भी एक और फाइट के अंदर जूझते हैं, लेकिन मिसम को यहाँ पे नॉक कर जरूर कर दिया जाता है ब्लैक की जानिब से, बिल्कुल भी यहाँ पे रुकने की कोशिश नहीं कर रहे, देसी का स्क्वाड इनके सामने रहता जरूर है। सो अभी तक के लिए देसी क्या यहाँ पर कर रही है बता, अगर मिसम को फिलहाल के नॉक जरूर किया जाता है वुल्फ की जानिब से, अच्छे फाइट यहाँ पे देने की जरूर कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए वुल्फ की सो सरदार यहाँ पर नॉक जरूर कर रहे हैं, नॉक प्लेयर को रिवाइव जरूर दिया जा रहा है। ओके सो देसी ऑफिशियल्स का ये स्क्वाड जरूर रहता है, देसी ऑफिशियल के सरदार यहाँ पर अब मिसम को फिलहाल के लिए रिवाइवल जरूर दे दिया जाता है। वुल्फ अभी तक के लिए वहीं पर जो है होल्ड ऑन जरूर कर रहे हैं। अगर हम चलें यहाँ पर वुल्फ की जानिब से और अगर बाकी सारी टीम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मैप रोटेशंस भी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है मैप में टीम रोटेट कर रही है और मैप हमारी आंखों के सामने आता हुआ। फिलहाल के लिए VRX अगर बात की जाए तो VRX बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी रोटेशंस दिखाती है, लेकिन उन रोटेशन से पहले ये तमाम की तमाम रोटेशंस, ये तमाम की तमाम फाइट्स जिस वजह से हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स का कि जो हमारी आंखों के सामने इस इवेंट को लेकर आते हैं और मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1 को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स का एक बहुत ज्यादा शुक्रिया। ह्यूज शाउट आउट टू बोथ अवर स्पॉन्सर्स जिसके अंदर प्रोनोबिज लाइव हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आते जरूर है, प्रोनोबिज लाइव के साना बशाना हमारे पास यहाँ पर SIR जट यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं और तमाम के तमाम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जट साहब की कुछ ना कुछ वीडियोज आपने देखी जरूर होंगी और उन वीडियोज के बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनकी उस एक अप्रोच की जो कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर यहाँ पर देके ये चीज दिखाई है कि कहीं ना कहीं वो लोग अल्लाह दे हुक्म नाल तमाम की तमाम टीम्स को यहाँ पर जो है वो देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस सिमुलेटर कम्युनिटी को एक बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। सो जट की जानिब से कहा जाता है अल्लाह दे हुक्म नाल तमाम दी तमाम टीमां बड़े चंगे तरीके नाल खेड़ सन, सो जट थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर। फिलहाल के लिए हम जाएंगे जरूर हमारी टीम्स की जानिब जो कि देसी का स्क्वाड हमारे सामने रहते हैं, मिसम की जानिब से यहाँ पर लूट की प्रायोरिटी जरूर दी जाती है। बट इससे पहले एक और सस्पेंस हमारी आंखों के सामने खत्म किया जाता है, लेकिन उसको हम यहाँ पर जरूर जाने देंगे इस मैच के बाद। फिलहाल के लिए आई वुड से कि हम मैप की अगर बात करें तो मैप के अंदर DSP बिल्कुल सेंट्रलाइज स्पॉट के अंदर मौजूद जरूर रहती है। VK की बात की जाए तो पैराडाइज के उस एरिया को यहाँ पर दिखाया जरूर जाता है VK की जानिब से, पैराडाइज पूरे तरीके से होल्ड करके रखा गया है VK की जानिब से। बट फिलहाल के लिए होता ये है कि अब रोटेशंस वो आएंगी, अब हर तरफ फाइट्स का एक समाज जरा बनता जरूर दिखाई देगा, वो काली घटा जिसके अंदर बस गोलियां ही गोलियां आएंगी वो हमें देखने को जरूर मिलेंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएं हमारी मेन स्क्रीन की जानिब, सो मेन स्क्रीन के ऊपर जो फाइट्स हमें फिलहाल के लिए दिखाई दे रही हैं उसके अंदर अगर बात की जाए तो देसी सरदार फिलहाल के लिए ब्लैक स्क्वाड के ऊपर एक अच्छा फ्लैंक एंगल लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वहीं पर बैकग्राउंड के ऊपर हमारी कुछ फाइट जरूर देखने को मिल रही हैं, उन फाइट्स की जानिब भी हमारी जानिब से जाया जरूर जाएगा। बट अगर बात की जाए फिलहाल के लिए देसी सरदार की सो सरदार वर्सेस स्पाइडर यहाँ पर आ जरूर जाते हैं, लेकिन कॉम को फिलहाल के लिए यहाँ पर नॉक किया जाता है सरदार की जानिब से। अब किस तरीके से टीम यहाँ पर कवर करती है, अगर पीछे ब्लैक के एक प्लेयर एक एंट्री फ्रैग यहाँ पे निकाला जरूर जाता है, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉक निकाला जरूर जा सकता था, लेकिन सामने से एक अच्छी मोलोटॉफ आती है सरदार को फिलहाल के लिए आग जरूर लगाई जाती है, एक फॉलोअप ग्रेनेड आएगा नॉक किया जाएगा सरदार को और इसी के साथ सरदार को यहाँ पर एलिमिनेट भी किया जाएगा। क्या ही बेहतरीन यहाँ पे कवर फायर स्क्रीन की जाने से देखने को मिलते हैं, जरूर अपने प्लेयर को रिवाइव देने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए जाने से जरूर कराया जाता है और इसी के साथ MKF
कंपाउंड के अंदर जाने में कामयाब जरूर हो जाने हैं। अब वो जो दो प्लेयर्स एक्सप्लिट के ऊपर मौजूद थे देसी ऑफिशियल्स के, उनको भी इस फाइट के अंदर अपना इनपुट देना होगा, क्योंकि वो फ्लैंक एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता जरूर है। मैं देखना ये चाहूंगा कि डच और सैम कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से वो इस फाइट के अंदर यहाँ पर जो है प्लेयर्स को करेंगे जरूर। लेकिन एक बेहतरीन स्प्रे मिसम की जानब से जाता हुआ एक अच्छा नॉक निकाला जाता है वहीं पर। दूसरी जानब से अगर बात की जाए तो दूसरे प्लेयर को भी नॉक निकाला जरूर जाता है डच की जानब से। आखिरी प्लेयर ब्लैक के अब यहाँ पे सर्वाइव जरूर कर रहे हैं, हर तरफ से यहाँ पर जो है पुश जाता हुआ। स्पाइडर की अगर बात की जाए तो स्पाइडर को मैं आप देखना चाहूंगा। और इस चीज के इससे पहले कि मैं बात करता, स्पाइडर के ऊपर एक ट्रेल जाती है डच की M4 चलती है और स्पाइडर डच के आगे यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। फिलहाल के लिए देसी ऑफिशियल अपने लिए 6 बेहतरीन किल निकालने में कामयाब। एक प्लेयर यहाँ पर गवाया जरूर था, लेकिन एक अच्छी फाइट अपने अख्ताम को पहुंचेगी जरूर। तब तक के लिए मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि हमारी टीम्स मैप के ऊपर यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर अगर ESR के मॉन्स्टर की बात की जाए तो उनको यहाँ पर पैराडाइज के एरिया के अंदर रोटेशन के दौरान नॉक जरूर किया जाता है। बट DSP की अगर बात की जाए तो उनके पास बेहतरीन जोन फिलहाल के लिए मौजूद है। VK की बात की जाए तो कल के दिन के डोमिनेटर्स आज के दिन कुछ खासी बेहतरीन परफॉर्मेंस नाकामयाब जरूर रहते हैं और अभी एक दफा फिर से हर तरफ किसी ना किसी टीम की जद में आ जरूर जाते हैं। एक प्लेयर गवाया जाता है, एक ही किल कंफर्म जरूर किया जाता है, बट M4 नेवर राइट इन फ्रंट ऑफ अवर स्क्रीन व्हाट दिस गाय कैन डू। लेकिन वहीं पर कुछ थर्ड पार्टी फायर्स की जद के अंदर आते हैं, बैकग्राउंड से कुछ शॉट्स का सामना जरूर करना पड़ता है। फिलहाल के लिए सर्वाइव करेंगे, हाफ ऑन HP यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, प्रोन डाउन करके खुद को हील अप करने की कोशिश जरूर की जाती है। उसी असना के अंदर रहमान की अगर बात की जाए तो एक अच्छा नॉक निकाला जरूर जाता है। वापस से नेवर के सामने अगर बात की जाए, नेवर को एक दफा फिर से यहाँ पर कुछ फायर्स कर लेंगे, नेवर को यहाँ पे नॉक जरूर कर दिया जाता है। ESR के मॉन्स्टर की बात की जाए तो नेवर का वो किल अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म जरूर करके लेके जाते हैं। दूसरा किल अभी तक कंफर्म किया जाता है। VK शदीद मुश्किलात से जूझती हुई और मेरा नहीं ख्याल से कि कल के दिन के डोमिनेटर्स आज का दिन अपना कुछ अच्छा निकाल पाएंगे, क्योंकि तीसरा बुरा मैच VK की जानिब से निकाला जाता है। कल के दिन पर पहले पायदान के ऊपर मौजूद जरूर थे, लेकिन आज सीढ़ियां जैसे उतरी जाती हैं, जैसे ये गेम PUBG का नहीं सांप सीढ़ी का रहता है और जिस भी सीढ़ी को चढ़ते हैं सांप डसकर उनको एक दफा फिर से नीचे भेजता है। लेकिन वहीं पर अगर ESR के मॉन्स्टर की बात की जाए तो उनको भी खासी बेहतरीन शॉट्स का सामना जरूर करना पड़ता है। फिलहाल के लिए सर्वाइव करेंगे, हील अप करने की कोशिश जरूर की जाएगी। थॉर की जानिब से कुछ अच्छे स्प्रे जरूर दिए जाते हैं बिला की जानिब, बट फिलहाल ये बिल्ला भी यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। लेकिन मॉन्स्टर की जानिब से बेहतरीन स्प्रे फायर दिया जरूर जाता है, नॉक करने में कामयाब होते हैं। वहीं पर थॉर रिटेलिएट करते हैं, एक और प्लेयर को ट्रेड नॉक दिया जाता है। लेकिन अब जोन के अंदर रोटेशन अपनी यहाँ पे देनी जरूर है। ESR रोटेशन के लिए यहाँ पे तैयार जरूर रहती है, अपने प्लेयर को यहाँ पे रिवाइवल का जरूर जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। आउट ऑफ जोन है लेकिन रिवाइवल यहाँ पर दिया जरूर जाता है। खासी बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टीम स्पिरिट दिखाई जाती है और बोला जाता है कि हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारा यही फंडा है कि हम जिएंगे तो साथ में तो मरेंगे तो साथ में, ठीक है। लेकिन वहीं पर मॉन्स्टर की जानिब से एक और स्मोक यहाँ पे पॉपन किया जाता है, स्मोक करके अब गाड़ी के अंदर यहाँ पे पैटर्न करने की कोशिश जरूर की जाएगी। हील करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं वो प्लेयर जो कि फिलहाल लोन HP जरूर रहते हैं या सर टॉक्सिक रहते हैं बिल्ला रहते हैं, हील करने में कामयाब। अब यहाँ से अपनी रोटेशन को किस तरीके से किक स्टार्ट किया जाता है दोबारा से वो देखेंगे ज़रूर। लेकिन मैप्स की अगर बात की जाए तो मैप यहाँ पर क्या कहानी दिखा रहा है, मैप ये कहानी दिखा रहा है कि वो टीम जो कि पिछले दो मैचेस के अंदर चिकन डिनर निकालने में नाकामयाब रहती है, दूसरे पायदान पे आया जाता है VRX, वो पायदान के करीब एक और फाइट के अंदर जूझती हुई बिल्कुल सामने की अगर बात की जाए तो एक और टीम रहेगी ज़रूर। थोड़ी देर के अंदर हम देखेंगे ज़रूर कि वो कौन सी टीम रहती है। आई बिलीव सो वो टैग मोबाइल ज़रूर रहती है जो कि उनके सामने रहती है। लेकिन उसी असना के अंदर हमने एक और चीज़ ये भी देखी थी कि यहाँ पर जोन एक खासा बेहतरीन शिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन उससे पहले VRX अपनी इस फाइट के अंदर लॉन HP ज़रूर होते हैं, जोन का डैमेज भी लेना है, आउट ऑफ जोन रोटेशन यहाँ पर देने की कोशिश जरूर करेंगे। 5 किल अभी तक के लिए कन्फर्म जरूर किए गए हैं इनकी जानिब से। हर मैच में अपना एक ना एक प्लेयर इनिशियल्स के अंदर जो है वो इनकी जानिब से गवाया जाता है। लेकिन उसी के साथ जोकर की जानिब से बेहतरीन नॉक निकाला जरूर जाता है, किल कंफर्मेशन भी बहुत जल्दी इनकी जानिब से दिखाई जरूर जा सकती है। बट फॉर द टाइम बीइंग जोकर यहाँ पर खुद को हील अप करने की कोशिश जरूर करेंगे। जोकर के ऊपर यहाँ पर डार्क के क्रॉसेस बनते जरूर हैं, लेकिन क्या डार्क को अब यहाँ पर स्पॉट किया जाता है, स्पॉट किया जरूर जाता है डार्क को बैक एंड से जो एक प्लेयर VRX का करता है फ्लैंक के ऊपर जाता है, जो यहाँ पे डार्क को बहुत लो HP जरूर किया जाता है। डार्क की जानिब से हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पे इनिशिएट किया जाता है, खुद को हील करके एक दफा फिर से दोबारा पायनान के अंदर से वाटर बॉडी क्रॉस की जाएगी और अपने आप को एक कवर के अंदर ले जाने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन क्या बाकी के प्लेयर्स को अपने जो है जो नॉक प्लेयर्स हैं उनको रिवाइव देने में कामयाब होंगे, इसका जवाब रहता है हाँ, क्योंकि एक प्लेयर ऑलरेडी रिवाइवल का प्रोसेस स्टार्ट करता है और फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर वाइल्ड के डार्क FP अपने आप
आपको जोन के अंदर ले जाने में कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन वी आर एक्स के सेवियर यहाँ पर रेक्स बनकर निकलती है, रेक्स के हीरो जो कि पहले मैच के अंदर हीरोइक मोमेंट हमें दे के जाते हैं, यहाँ पर वाइल्ड के डार्क एफ पी को एलिमिनेट करते हैं इंस्टेंटली, यहाँ पर फिनिश ऑफ भी किया जाता है, नॉक निकाला जरूर गया था, बट लेडीज एंड जेंटलमैन यही खूबसूरती है इस सहनॉक के मैप की के हम हर टीम हर प्लेयर हर मोमेंट हर सेकंड एवरी सिंगल मोमेंट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन। हीरो जिन्होंने थोड़ी देर पहले एक नॉक निकाला था, अब दोबारा से फोर राइवल्स की प्रे की जद के अंदर आते हैं और अपने आप को लॉबी की जानिब रवाना जरूर करवाया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हार्ड एक्स गेमिंग की बात की जाए उनके बिल्कुल सामने एन सेवन के सिग्मा रोटेट करके जा रहे हैं, नहीं जानते कि उनको पीछे से एक प्लेयर यहाँ पे देख जरूर रहा है, आई बिलीव सो अब यहाँ पे साउंड जरूर ली जाती है बिकॉज खुद को अब यहाँ पर कवर करने आप लाया जा जाता है, लेकिन वहीं पर बी एस पी को बाबा यहाँ पर हार्ड एक्स गेमिंग के स्प्रे की जद में आ जाते हैं, इंस्टेंटली एलिमिनेट किया जाएगा नॉक करके, एक और किल हार्ड एक्स भी यहाँ पर अपने बैकपैक के अंदर जो है लेने में कामयाब, लेकिन वहीं पर एन एस एवन के सिग्मा ही नोज के पीछे एक प्लेयर मौजूद है, इंस्टेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, लेकिन वहीं पर हार्ड एक्स की बात की जाए तो वो भी जानते थे कि अब यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और साथ ही साथ उनकी जानब से भी वापस से जो है रोटेट किया जाता है। मैं एक दफ़ा ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि मैप हमारे सामने क्या दिख रहा है, सो मैप की अगर बात की जाए मैप में ज़रूर देखने की कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ पर टीम्स किस तरीके से जोन के अंदर जाती हैं, लेकिन वी आर एक्स व्हाट इज दिस टीम डूइंग, कहाँ से निकलते हैं कैसे जाते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन पहुँच जाते हैं, कब जाते हैं कैसे जाते हैं, बस इस सवाल का जवाब जिस दिन मुझे मिल गया शायद मैं भी इनके जैसा अच्छा खेलना सीख जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर बात की जाए रेक्स के एक प्लेयर की तो वो आउट ऑफ जोन, फोर राइवल्स भी और ये जो है आउट ऑफ जोन या एलिमिनेट एक प्लेयर को कराते हैं, आखिरी प्लेयर फोर राइवल्स के वसी बाकी जरूर रह जाते हैं जो फिलहाल के लिए आउट ऑफ जोन ही यहाँ पर रह जरूर रहे हैं, बट वी आर एक्स का वो एक प्लेयर जो नॉक था उनको एलिमिनेट जरूर किया जाता है, लेकिन वी आर एक्स का स्प्लिट देखें, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द स्प्लिट। अगर जोकर की बात की जाए जोकर के ऊपर हम जाना जरूर चाहेंगे, जोकर के ऊपर एक प्लेयर यहाँ पे आउट ऑफ जोन आता जरूर है और साथ ही इंस्टेंट एलिमिनेट किया जाता है, अगर लकी गेमिंग की बात की जाए तो भी एलिमिनेट कर दिया जाता है, वी आर एक्स अपने लिए एक दफ़ा फिर से सर्वाइवल निकाल के जाते हुए, और मैं देखना चाहूँगा कि जोकर के टोटल यहाँ पर किल नंबर क्या आ जाता है वी आर एक्स के ऊपर, और उसी का जवाब हमें मिलता है कि 6 टोटल किल्स अभी तक के लिए वी आर एक्स के पास मौजूद जरूर है, टॉप 8 के अंदर एक दफ़ा फिर से यहाँ पर शुमार ज़रूर होता है, लेकिन क्या ये टीम दोबारा से अपने उस हैश 2 तक ही पहुँच पाएगी या फिर चिकन डिनर के अंदर भी अपने उस सर्वाइवल को कन्वर्ट कर पाएगी। फिलहाल के लिए जोकर कुछ दरख्त का कवर लेकर ट्रीज कवर्स लेकर स्मॉल कवर के अंदर जो है ऑन फुट रोटेशन देकर जोन में जाने की कोशिश जरूर करते हैं, बट गूगल गेमिंग वाईटी की अगर बात की जाए तो फिलहाल के लिए वो वहाँ पर सेफ ज़रूर रहेंगे, जोन के अंदर जाने में कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन जोकर का यहाँ से बच के निकलना उतना ही आसान है जितना कि पाकिस्तान के हालात एक दफ़ा फिर से ठीक होना, क्योंकि फिलहाल के लिए जोकर जिस बुरे तरीके से फंस चुके हैं मुझे नहीं लगता कि कोई जेल से कैदी नंबर 804 भी इन्हें वापस से सही कर सकता है, लेकिन अगर काशान की बात की जाए तो उनके ऊपर कंप्लीट तरीके से यहाँ पे क्रॉसेस रखे जाते हैं, जोकर की जाने से अपनी उन फर्स्ट एड्स का पॉप जरूर किया जाता है, फर्स्ट एड लगा के जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल करने की कोशिश की जा रही है इनकी जान से, लेकिन काशान तो उनके ऊपर ऐसे देख रहे हैं कि जैसे चलती एकेडमी के बाहर लड़की को एक बाइक के ऊपर गुजरता हुआ पंजाब कॉलेज का लड़का देखता है कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन जोकर की जानिब से सारी की सारी फर्स्ट एड्स पॉप इन की जाती हैं, काशान यहाँ पर अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है काशान खुद भूल चुके हैं कि वो कहाँ पर देख रहे थे प्लेयर को, लेकिन वहीं पर जोकर की जानिब से बाहर निकला जाता है, वापस स्पॉटिंग करेंगे काशान, लास्ट किट यहाँ पर जोकर के पास मौजूद ज़रूर रहती है, लेकिन क्या इस किट के बाद जोन के अंदर जाने में कामयाब होते हैं, और उसका जवाब आएगा ना की तरफ, क्योंकि एक दफा फिर से लो वन एचपी जरूर कर दिया जाता है, किट्स खत्म हो जाती हैं जोकर के पास और अब यहाँ पर एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे, लेकिन गूगल अब किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जोन के अंदर जाने में कामयाब जरूर रहते हैं, लेकिन गूगल अब किस तरीके से अपना सर्वाइवल निकालेंगे ये भी जरूर देखना पड़ेगा, बट डीएसपी की जानिब से वो किल कंफर्म करने की कोशिश जरूर की जाती है और आसान के बिल्कुल सामने यहाँ पर गूगल मौजूद जरूर रहते हैं और कहीं ना कहीं साउंड दे भी जाती है, अगर हसान की बात की जाए तो वो पूरे तरीके से अब वहाँ पर ताक के जरूर बैठे हैं। मैं यही जानना चाहूँगी डीएसपी करती क्या है, क्या डीएसपी हर किसी को इसी तरह देखती है, लेकिन सान की जानिब से फायर किया जाता है और गूगल को बता दिया जाता है दैट आई एम हियर, और निकलने से पहले सोच के निकलना क्योंकि मैं जब निकलूंगा
तो जैसे ही तुम निकलोगे मैं तुम्हें यहाँ पे मानूंगी, लेकिन स्मोक के अंदर यहाँ पे निकलने की कोशिश जरूर की जाती है, प्रोन डाउन करके खुद को थोड़ा सी देर कवर के अंदर लाने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, बट लेडीज एंड फ्रेंड्स सम हाउ गूगल यहाँ पर सर्वाइव करने में कामयाब होते हैं। लेकिन क्या अच्छी यूटिलिटी आएगी, और यूटिलिटी दोनों जानब से यहाँ पर पुल ऑफ जरूर कर दी जा चुकी है। देखना यह है कि किसकी यूटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा कामयाब जाती है, दोनों की तरफ से एक अच्छा ग्रेनेड दागा जाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के यूटिलिटी से बचने में कामयाब फॉर द टाइम बींग। डीएसपी की अगर बात की जाए तो क्या वो यहाँ पर वीआरएक्स को एलिमिनेट करने में कामयाब होगी या नहीं, ये बहुत जरूरी जरूर रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानब अगर वाईटीएफ की बात की जाए तो वाईटीएफ के भी यहाँ पर सामने से कहीं ना कहीं प्लेयर्स मौजूद जरूर रहते हैं। मैं गूगल गेमिंग का यहाँ पर एक दफा पर्सपेक्टिव जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि सामने सावा को भी यहाँ पर इनकी जानब से जो है वो स्पॉट जरूर कर लिया जाता है। 7 किल्स अभी तक के लिए वीआरएक्स लेने में कामयाब, हैश 4 के ऊपर एक दफा फिर से खुद को लेकर आ जाते हैं। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा अपने मैप की जानिब जाएं तो मैप के हम ये जरूर देखेंगे टीम्स कहां कहां से रोटेशन दे रही हैं। वाईटीएफ के पास पूरा का पूरा जोन रहता है, वो टीम जो कि नॉट ऑफिशियल्स को एलिमिनेट करती है, अब नॉट ऑफिशियल्स की जगह अपने आप को यहां पर लेकर आया जाता है। लेकिन वहीं पर बेहतरीन तरीके से एक प्लेयर नॉक करते हैं डीएसपी के ऊपर, बेहतरीन 1v2 यहां पर गूगल गेमिंग निकालते हुए 9 किल्स अपने लिए कंफर्म करने में कामयाब, हैश 3 के ऊपर यहां पर आ जरूर जाते हैं, एक बेहतरीन सर्वाइवल यहां पर वीआरएक्स की जानिब से निकाला जाता है। लेकिन इट्स अ 3v1 सिचुएशन, क्या एक दफा फिर वीआरएक्स हैश 2 के ऊपर फिनिश करेगी, या इस दफा वो हैश 2 कर्स हैश 1 या हैश 3 के अंदर खत्म होगा। लेकिन फिलहाल के लिए गूगल की जाने से जोन के अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है, जोन के अंदर जाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन जहां से जा रहे हैं वहीं पर टीम्स मौजूद जरूर रहती हैं। फिलहाल के लिए स्पॉट किया जाता है वाईटीएफ की जाने से, डीआरपी के नैनो टीम को एलिमिनेट करने में कामयाब, दूसरा प्लेयर भी यहां पर आएगा, साथ ही सावा को भी एलिमिनेट किया जाता है, वो टीम जिसमें डोमिनेटर्स यहां पर है पर अब चिकन डिनर अपने नाम पर अपने सर के ऊपर सजाने में कामयाब सपना वो जो अपना लेकर आते हैं, वो जानते हैं कि वो क्राउन उनको चाहिए, लेकिन उस क्राउन के चलते अभी तक उस क्राउन को पहनना उनके यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते। बट वीआरएक्स एक और मैच यहाँ पर बाकी जरूर रहता है, लेकिन मैंने ये जरूर देखना चाहूंगा के किस तरीके से ये टीम अब ओवरऑल टेबल पे क्लाइम करती है। बट उससे पहले एमवीपी की बात करते चले, कौन से वो प्लेयर रहते हैं जो कि एमवीपी बन के निकलते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास नैनो ओपी का नाम रहता है, टोटल 6 किल्स अपने लिए यहाँ पर निकाल के जाते हैं। वहीं पर हार्डिक्स की बात की जाए तो ही इज द बेस्ट कंपेनियन, 3 दफा अपने प्लेयर्स को रिवाइवल दिया जाता है। लेकिन वहीं पर वाईटीएफ के एक और प्लेयर फिनिशर बन के निकलते हैं, आखिरी किल अपने नाम करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये थी इस मैच की कहानी। इससे पहले अगर चले कि अभी तक टीम्स की क्या कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी की बात करते चले तो थोड़ा सा हम देखेंगे जरूर कि नॉट ऑफिशियल 71 पॉइंट्स के साथ पहला पायदान हासिल करने में कामयाब होती है आफ्टर 6 मैचेस। अभी जो सैनोक का मैदान आपने देखा है, सैनोक के मैदान के रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। मिरामार तक के लिए 71 पॉइंट्स के साथ नॉट ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद रहती है। वीआरएक्स की बात की जाए तो बिना किसी चिकन डिनर के हाईएस्ट किल नंबर्स इनकी जानिब से निकाले जाते हैं, 65 पॉइंट्स इन टोटल निकाले जाते हैं। वीके जो कि कल के दिन 50 पॉइंट्स जो है हासिल कर चुके थे, आज तक 50 ही पॉइंट्स के ऊपर रुका जाता है उनकी जानिब से, वो 2 चिकन ही थे, वो कल की परफॉर्मेंस ही थी। लेकिन क्या वीके ये जानती है कि वो एक दिन परफॉर्म करके एलिमिनेट कर जो है अपने आप को क्वालिफिकेशन के अंदर ला चुके हैं। सो कहीं ना कहीं ये उनको मोमेंटम तो उनका ब्रेक नहीं करेगा, या अगर मोमेंटम ब्रेक करता भी है तो उनको वापस से कोप अप करने का टाइम मिलेगा जरूर, क्योंकि इसके बाद 3 दिन की ब्रेक जरूर रहेगी लीग स्टेजेस से पहले, और लीग स्टेजेस पहले वीके को अपनी फॉर्म के बारे में कहीं ना कहीं बात जरूर करनी पड़ेगी। और उसी से बात अगर बात करते चले हमारे डे शेड्यूल की, सो सैनोक का मैदान यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचता है, मिरामार का वो आखिरी मैदान रहता जरूर है। उस आखिरी मैदान के ऊपर किस तरीके से अब टीम्स यहाँ पर अपने आप का अपना सिक्का मनवाती हैं, अपने नाम का झंडा इन चट्टानों के अंदर कौन सी वो टीम गाड़ती है, पिछले मैदान के अंदर नॉट ऑफिशियल्स वो टीम रहती है जो अपने नाम का सिक्का मनवा के जाती है मिरामार के अंदर, और इस दफा क्या होता है ये तमाम की तमाम कहानी हमें थोड़ी ही देर बाद दिखेगी। लेकिन उससे पहले वी विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, तब तक के लिए आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हाजरीन, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों का, और एक दफा फिर से खुश आमदीद है आप लोगों को उसी एग्रेशन भरी स्ट्रीम के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज जरूर बताता, और इसी के साथ हमारे स्पॉन्सर भी मौजूद जरूर रहते हैं, और थोड़ी देर के अंदर हम उनके यहाँ पर इंटरव्यूज की जाने भी जाएंगे जरूर। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये रहेगी कि किस तरीके से ये आखिरी मैच अपनी करवट बदलता है और कौन सी वो टीम्स रहेंगी जो कि फिलहाल के लिए क्वालिफिकेशन को यहाँ पर अपनी देखेंगी जरूर। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे हमारे डे शेड्यूल की जाने। डे शेड्यूल में देखते हैं कि आखिरी मैप मेरा मार्क्यून एक्सटेंसिव रिजेस के ऊपर खेला जरूर जाएगा, डिजर्टी ट्रेल्स रहती जरूर है, उन्हीं डिजर्टी ट्रेल्स के ऊपर यहाँ पर खेला जाएगा ये आखिरी मैप। और इस मैप को यहाँ पर किस तरीके से कौन सी टीम जो है वो अपने पास यहाँ पर लेके जाती है, कौन सी टीम यहाँ पर अपने नाम ये आखिरी झंडा अपने नाम का यहाँ पर लगा के जाती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी जरूर रहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म होने वाली है क्योंकि हमारा मैच थोड़ी ही देर के अंदर स्टार्ट जरूर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये चीज जरूर देखना चाहेंगे कि फिलहाल के लिए पॉइंट्स टेबल को होल्ड कराया जाता है प्रोडक्शन की जानिब से, और प्रोडक्शन कहती है कि इस मैच के बाद एक ही दफा पॉइंट टेबल दिखाया जाएगा, और उससे पहले मैच जो है वो स्टार्ट जरूर हो चुका है। आंखों के सामने हमारी ये उल्टी गिनती स्टार्ट होती हुई, और बहुत ही जल्द ये जहाज जो है वो परवाज भरता हुआ, इस जहाज की परवाज के साथ ही हमारा मैच यहाँ पर हमारी स्क्रीन के सामने जरूर आ जाएगा। और फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जाएंगे जरूर हमारी मैप की जाने। मैप स्क्रीन की अगर बात की जाए तो वेलेडेल मार से यहाँ पर तौरे अलमुदा का ये पूरा का पूरा फासला जहाज की जानिब से तय किया जरूर जाएगा, लेकिन वहीं पर टीम्स की जानिब से जो फासला तय किया जाता है वो बहुत ज्यादा जरूरी जरूर रहता है। यहाँ पर अगर टीम्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी ये जरूर रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर टीम्स हमारी जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचती हैं, क्योंकि आखिरी मैच जरूर रहता है। कौन सी वो 8 टीमें रहती हैं जो कि लीग स्टेज का स्लॉट अपने नाम करके जाती हैं, और कौन सी वो टीम्स रहती हैं जो कि फिलहाल के लिए इसमें इस पूरे के पूरे सफर से जो कि MGRL का सफर रहता है, मल्टी गेमर जी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1, इसका सफर इख्तिताम को पहुंच जाएगा। वो कौन सी ऐसी 10 टीमें रहेंगी जरूर ये भी देखना जरूर बाकी रहेगा। लेकिन उससे पहले VRX की मैं यहाँ पर बात जरूर करूंगा, क्योंकि क्या ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, और इस मैच के अंदर फिलहाल के लिए हम ये जरूर देख सकते हैं कि VK अपने ड्रॉप के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल कार्डर फील्ड्स का एरिया खाली जरूर रहेगा VRX करेगा। लेकिन क्या वो टीम नॉट ऑफिशियल थी जो उनके बहुत ज़्यादा करीब थी, क्या नॉट ऑफिशियल इस दफ़ा भी उनको चैलेंज करने आएगी, या वो चैलेंजेस बिल्कुल ही ख़त्म किए जाते हैं इनकी जानिब से। VRX की बात की जाए सो फिलहाल के लिए इनकी जानिब से लूट को प्रेफरेंस दी जाएगी, आराम से यहाँ पर ड्रॉप लिया जाएगा, लूट करके कामयाब करेंगे, लूट करके किस तरीके से अब इनकी जानिब से आगे जाया जाता है ये ज़रूर ज़रूरी चीज़ रहती ज़रूर है देखने के लिए। लेकिन उससे पहले बात थोड़ी सी मैं करता चलूंगा मल्टी गेमर जी स्पोर्ट्स की, लेकिन मल्टी गेमर जी स्पोर्ट्स की बात करने से पहले फॉर राइवल्स की बात करना जरूरी जरूर रहेगी, क्योंकि हमारी आंखों के सामने वो आ जरूर जाते हैं। वीगो डाले के अंदर इनकी जानिब से गेड़ियां मारी जाती हैं ज्यूस की जानिब से, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये चीज जरूर कहूंगा कि हम एक दफा फिर से अगर मैप की जानिब जा सकें कि टीम्स कहाँ कहाँ पर जो है वो घूम रही हैं, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी। अभी के लिए अगर बात की जाए तो जोन एक दफा फिर से VRX के ऊपर बनता हुआ एक कंप्लीट हार्ट शेप्ड जोन लेकर जाता हुआ, जोन की करवटें यहां पर क्या ही बेहतरीन करवटें जोन यहां पर लेकर जाता है, और इसी करवट के चलते वो कौन सी टीम्स रहती हैं जो कि फिलहाल के लिए इस मैच को विन करके जाएंगी, नॉट ऑफिशियल जोन के अंदर रहेगी जरूर, VRX जोन के अंदर जरूर रहेगी, पूरा का पूरा जोन होल्ड, मैक्सिमम जोन होल्ड यहाँ पे VRX अपने लिए लेके जरूर जाती है, और क्या VRX आज के दिन को पहले पायदान के ऊपर इख्तिताम करने में कामयाब होगी या नहीं। लेकिन उसी से पहले अगर हम बात करते चले हमारे MGRL की, सो मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1 होस्टेड बाय सेसर प्लेस का पहला दिन, जो पहला मरला रहता है क्वालिफायर्स के, जो ग्रुप ए रहता है, दूसरे दिन अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ आखिरी मैच। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात मैं जरूर करूंगा उन लोगों की जिनकी वजह से ये मरला यहाँ पर, ये टूर्नामेंट यहाँ पर, ये इवेंट पॉसिबल जरूर बनाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग शाउट आउट टू ऑल अवर स्पॉन्सर्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मौजूद रहते हैं ऑल द वे फ्रॉम बहरेन, जिन जो किसी भी तारीफ के काबिल तो शायद मैं बोलूंगा रहेंगे जरूर, क्योंकि फिलहाल उन्होंने हमें यहाँ पर स्पॉन्सर जरूर किया है। लेकिन उसी से पहले अगर
प्रोनूप वाईटी की यहाँ पे बात की जाए, आई एम रियली सॉरी इट्स प्रोनूप एफबी, क्योंकि वाईटी के ऊपर इस तरह के लोग हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, ज्यादातर इस तरह के लोग जो बड़े स्ट्रीमर्स होते हैं हमें फेसबुक के ऊपर दिखाई देते हैं। तो प्रोनूप का सबसे पहला नाम रहता जरूर है, ऑल द वे फ्रॉम बहरीन आवर वेरी फर्स्ट स्पॉन्सर, जिनकी वजह से यहाँ पर ये इवेंट अपने पॉसिबिलिटी की तरफ आता है, जिनके साथ यहाँ पर ऐसे यार जज जरूर रहेंगे और अल्लाह दे हुक्म नाल उन्होंने ये टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर जरूर किया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते चले इसी मैच के बाद, हम अपने स्पॉन्सर्स का एक स्मॉल इंटरव्यू भी जरूर करेंगे। जो जो लोग स्ट्रीम के ऊपर ज्वाइन करें मेक श्योर कर देना कि आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, और अगर अभी तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भाई ये रसूमात अदा करने के अंदर इतना मसला क्यों है? आपको चाहिए कि फिलहाल के लिए यहाँ पर आप अपनी रसूमात अदा करें, अगर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक यहाँ पर आप लोगों ने लाइव नहीं जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया हुआ स्ट्रीम को तो लाइक जरूर करें। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि प्रोनूब हमारे जो स्पॉन्सर रहते हैं फेसबुक के ऊपर, वो यहाँ पर एक वॉच पार्टी जरूर कंडक्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कर दीजिएगा कि प्रोनूब को जाके एक दफ़ा जो है हार जरूर पहना करें। अब किस चीज़ का हार, ये आप लोगों के ऊपर रहता है कि आप किस तरह का हार उनको पहनाते हैं, क्योंकि कल कहीं ना कहीं हमारे स्पॉन्सर्स खुद भी इन एक्शन हमें दिखाई जरूर देंगे, प्लेज ऑफिशियल को लेकर यहाँ पर आएंगे जरूर प्रोनूब। तो क्या यहाँ पर कल का दिन रहता है, क्या प्रोनूब यहाँ पर सिर्फ अपने स्पॉन्सर ही कर सकते हैं या फिर अच्छे गन स्किल्स भी दिखा सकते हैं, ये चीज भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सिटी एक्स फाइट के अंदर यहाँ पे जूझती हुई हिल टॉप के ऊपर एक प्लेयर को नॉक जरूर किया जाता है इनकी जानिब से, सेवन के वो प्लेयर्स रहते हैं और क्या ही बेहतरीन तरीके स्पॉट किया जाता है। लेकिन अभी तक के लिए ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया जा रहा है, आई बिलीव सो देयर इज सम ग्लिच जिसके चलते वो जानते हैं कि यहाँ पर बुलेट कनेक्ट कराने में कामयाब नहीं होंगे विचर, और उसी के चलते यहाँ पर अगर NS7 की बात की जाए सोल्जर को एक अच्छा बुलेट कनेक्ट जरूर कराने में कामयाब होते हैं, बट वो ज्यादा यहाँ पर डैमेज नहीं देगा। लेकिन वहीं पर सोल्जर की जानिब से कुछ अच्छे स्प्रेस देने की कोशिश जरूर कीजिए, दोनों के दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को डैमेज करने में कामयाब, लेकिन वहीं पर सोल्जर की जानिब से क्या बेहतरीन बुलेट कनेक्शन दिखाया जाता है, विचर को यहाँ पर एक शट अप कॉल दी जाती है, व्हाट अ ग्रेट स्लैप। बट लेकिन वहीं पर सिटी के रेड नॉट बात की जाए वो अभी फिलहाल के लिए अपनी रोटेशन करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, जोन के अंदर में कामयाब। फिलहाल के लिए वो जो एग्रेशन है उसको एक ब्रेक जरूर दी जाती है, क्योंकि तमाम की तमाम टीम्स जानती हैं कि ये वो मलरा रहता है कि जो आखिरी मौका है यहाँ पर इन तमाम की तमाम टीम्स के पास, इसके बाद इनके पास कुछ ज़्यादा मौका रहेगा नहीं। सो इसमें बाद क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आखिरी मैच क्वालिफाई करने के। लेकिन वहीं पर अगर हम बाकी की टीम्स की बात करते चले सो लॉस लियोनेस के अंदर यहाँ पर वाइल्ड का स्क्वाड यहाँ पर होल्ड करता हुआ दिखाई देता है, बट NS7 सिटी के साथ एक स्क्वाड एक ड्रॉप फाइट के अंदर जूझ रही है, नॉट ऑफिशियल्स अभी तक के लिए पूरे तरीके से जो है एल्पोजो का होल्ड लेकर बैठी हुई है, बट वहीं पर VRS के पास जिस तरह का जोन का होल्ड है बेहतरीन होल्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए हार्डएक्स के स्क्वाड की तो वो भी जोन के ईस्टर्न एज के ऊपर मौजूद जरूर रहता है, अगर बात की जाए VK ऑफिशियल्स की तो वो टोटली जो है नॉर्दर्न एज होल्ड करके बैठे हुए जरूर है, लामेंटेडा के ऊपर YTF की यहाँ पर फाइट जरूर रहती है। लेकिन वहीं पर NS7 वर्सेज CT की वो जो फाइट थी वो अभी तक के लिए वहीं पर घड़ी भी जरूर है, वो बहुत ज्यादा वो फाइट यहाँ पर कंप्लीट नहीं की जाती, उसको स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करते साथ ही वहां पर उस फाइट को रोक जरूर दिया जाता है। लेकिन इस फाइट के बाद एक चीज़ देखने को ज़रूर साबित हो जाएगी कि कौन सी वो टीम रहती है जो कि आज के दिन को और क्वालिफायर्स को यहाँ पर विन करके जाती है। घोस्ट यहाँ पर पहला ब्लड अपने नाम करके जाते हुए वो पहला ब्लड जो है वो इस मैच का ड्रॉ कर दिया जा चुका, लेकिन वहीं पर घोस्ट के पास अब फिलहाल के लिए वो एरिया मौजूद है जहां से वो पूरी के पूरी सिटी के स्क्वाड के ऊपर यहां पे नजर जरूर रख सकते हैं। सो देखना ये जरूर रहेगा कि क्या होता है यहां पर आगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छे प्री फायर जाते हुए ये प्री फायर क्या करते हैं। लेकिन वहीं पर घोस्ट को क्या बेहतरीन रिटेलिएशन के अंदर लाया जाता है विचर की जानिब से, वो पहला स्प्रे जो कि सोल जेट का खाया था वो जरूर यहां पर जो है वापस दिया जाता है घोस्ट को। लेकिन वहीं पर अगर बात करते चले हमारे साथ जो जो लोग भी फिलहाल के लिए प्रोडक्शन के अंदर मौजूद है, मेरी आप तमाम के तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा मैच को एंजॉय करने में कामयाब रहे और मैच को ज़्यादा एंजॉय किया जाए, स्ट्रीम को थोड़ा सा देखा जाए बजाय इसके कि आप लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करें, क्योंकि सहरी का वक्त भी करीब आ रहा है, मैचेस का वक्त भी करीब आ रहा है, मैच भी इख्तिताम को पहुंचेंगे, बहुत सा मज़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करता चलूँ कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स की यहाँ पर बात ज़रूर करते चले तो SIR जट साहब जरूर रहते हैं जिन्होंने अल्लाह दे हुक्म नाल इस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट को स्पॉन्सर की है, और उनकी यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोशिश की जाती है कम्युनिटी को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की, आज के मौके के ऊपर इस कम्युनिटी के अंदर इस तरह के बहुत से कम लोग हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन वहीं पर जो दूसरा स्पॉन्सर हमारे साथ रहता है ऑल द वे फ्रॉम बहरेन, प्रोनूब, सो प्रोनूब इज़ लाइव की अगर थोड़ी सी बात करते चले तो उनको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि वो आपको स्पॉन्सर करने के काबिल भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है कम्युनिटी को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। सो अ बिग शाउट आउट टू प्रोनूब इज़ लाइव बिकॉज ही इज़ द स्पॉन्सर, ही इज़ द वन हु हैज़ मेड दिस इवेंट पॉसिबल। सो यहीं पर जाएंगे सिटी की जानिब, थोड़ा सा फाइट को यहाँ पर उनकी जानिब से एक अपना प्लेयर गवाया जरूर जाता है, वो एक ही प्लेयर है जो कि अभी तक के लिए इस मैच से अपना लॉबी का रास्ता नापते हैं, लेकिन तमाम की तमाम टीम्स को अगर आप देखें हर टीम को एक इक्वल रिस्पेक्ट जरूर पे की जा रही है। उसी इक्वल रिस्पेक्ट के चलते एक दूसरे के गन स्किल्स को यहाँ पर नहीं चैलेंज किया जा रहा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके के जोन्स यहाँ पर बन जरूर रहे, इन जोन्स की एक बात ज़रूर रहती है कि स्टार्टिंग के जो सर्कल्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल इतने खामोश जरूर रहते हैं जैसे बिल्कुल एक तूफान से पहले की खामोशी रहती है, और जब ये तूफान थमने के बाद एकदम से एक वो काली घटा छाती है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हर तरफ गोलियों की एक बौछार शुरू हो जाती है, हर टीम एक दूसरे के साथ इस तरह जूझ रही होती है जैसे किसी ने एक दूसरे का उधार देना हो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हमारी टीम्स की जो फाइट के अंदर मौजूद है, रेड रेड को यहाँ पर कुछ अच्छे टाइप डैमेज जरूर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए नॉक निकालने में नाकामयाब, एरर की जानिब से एक अच्छी मिनी 14 यहाँ पर चलाई जरूर जाती है। लेकिन वहीं पर NS7 के बाकी के प्लेयर्स आप देखें कि कितना दूर है, एक अच्छा स्प्लिट यहाँ पर लिया जरूर जाता है एरर की जानिब से, लेकिन क्या अगर एरर यहाँ पे नॉक होते हैं तो उनको रिवाइव देना इजी रहेगा। लेकिन वहीं पर एक अच्छा यहाँ पे शॉट लोड जरूर हो रहा है एरर की जानिब से, बट फिलहाल के लिए ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया जाता है, शॉट्स नहीं ली जाती, जानते हैं कि ये शॉट्स उसी वक्त ली जाएंगी जिस वक्त उनको पता होगा कि हाँ दिस इज बेनिफिशियल फॉर द टीम। बट फिलहाल के लिए रेड नॉट अपने स्प्रेज यहाँ पर क्रॉसर्स दागते हुए हर तरफ देखना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लेना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं प्रोडक्शन यहाँ पर दरख्वास्त ये ज़रूर करूँगा कि एक दफ़ा हमें मैप फीड के ऊपर ज़रूर ले जाया जाए ताकि हम देख सकें कि बाकी की टीम यहाँ पर क्या कर रही है। और वहीं पर अगर मैप की बात करें सो ज़्यादातर टीम्स अभी तक के लिए आउट ऑफ जोन ही रहेंगी, 80% टीम्स अभी तक के लिए जोन के एजेस के ऊपर या आउट ऑफ जोन जरूर रहेंगे। लेकिन डीएसपी कहाँ पे जाकर लूट कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे मैप में दिख भी नहीं रही, इतना बार चले जाते हैं, खुद को स्क्रीन से छुपाना चाहते हैं या फिर स्क्रीन के ऊपर आना नहीं चाहते, डीएसपी करना क्या चाहती है यहाँ पर। लेकिन वहीं पर वो फाइट जिसके इंतजार हमें आज के दिन के आगाज से था, VRX वर्सेस VK, थोड़ी देर के अंदर ये फाइट भी आगाज को जरूर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले फिलहाल के लिए NS7 के एक प्लेयर को यहाँ पर नॉक किया जाता है सिटी की जानिब से, और अभी तक के लिए उन एक बेहतरीन स्प्रे जाता हुआ एरर का क्या ही बेहतरीन तरीके से नॉक करते हैं। लेकिन वहीं पर रिटेलिएशन की तरफ बगी आती है यहाँ पर, दो प्लेयर्स को रन ओवर किया जाता है रेड नॉट की जानिब से, दोनों के दोनों प्लेयर्स को यहाँ पर फिलहाल के लिए एलिमिनेट किया जाएगा इंस्टेंटली। बट NS7 यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान उठाती है, क्या ही बेहतरीन ट्रेड नॉक दिया जाता है यहाँ पर रेड नॉट की जानिब से, वो जानते हैं कि इस टीम के आगे अब गन्स तो काम नहीं कर रही, तो फिर द मोस्ट लीथल वेपन इन दिस गेम। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दरख्वास्त जरूर करूंगा कि सबसे पहले हमारी टीम्स की बात की जाए, अगर नॉट ऑफिशियल्स की बात की जाए तो बनी के ऊपर हम यहाँ पे जरूर जाते हैं। बनी अभी तक के लिए यहाँ पर अल्पोजो के अंदर ही लूट कर रहे हैं, जानते हैं कि अच्छा वाला जोन का होल्ड उनको मिला है थोड़ी सी गैबी मदद के चलते, फिलहाल के लिए नॉट ऑफिशियल्स अपने उस पहले पायदान को रिटेन कर पाते हैं या फिर वो पहला पायदान VRX अभी तक के लिए उनसे छीन जरूर सक चुका है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें पता लगेंगी इस मैच के बाद एक छोटे से इंटरव्यू जो कि हम अपने स्पॉन्सर्स के लेंगे, उसके बाद हमारे फाइनल रिजल्ट्स जो है वो स्ट्रीम के ऊपर दिखाए जरूर जाएंगे, जिसके अंदर तमाम की तमाम टीम्स का अमालनामा उनके हाथों में दिया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कौन सी टीम अभी तक के लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। लेकिन उससे पहले अगर अमालनामे की बात की जाए हमारी प्रोडक्शन के, सो व्हाट अ ग्रेट जॉब बाय मल्टी गेमर ई-स्पोर्ट्स, क्या ये बेहतरीन इवेंट हमारे सामने यहाँ पर लाया जाता है, और उसको पॉसिबल बनाने में हमारे स्पॉन्सर्स बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहला कदम अपना अदा करते हैं, जिसके अंदर एक दफा फिर से मैं बात करना चाहूंगा प्रोनूब इज़ लाइव और SIR JET की, क्या ही बेहतरीन इवेंट यहाँ पर MG ई-स्पोर्ट्स की तरफ से दिखाया जाता है। MGRL प्रेजेंट्स MGRL पहला जो Season 1 रहता है मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स की जानिब से, सेसर प्लेस की जानिब से होस्ट किया जाता है इवेंट, तो जाहिर है इवेंट तो अच्छा होगा ही। लेकिन यहीं पर अगर हम बाकी बात करते चले हमारी टीम्स की, तो फिलहाल के लिए पर देसी के साथ फाइट के अंदर आती है, देसी के एक प्लेयर को यहाँ पर फिलहाल के लिए फिनिश ऑफ भी जरूर किया जाता है। लेकिन वहीं पर VRX के दोनों जाने भी टीम्स आ जरूर चुकी हैं, DSP और VK VRX को दोनों जाने से घेरने की कोशिश जरूर की जा रही है। वहीं पर अगर हम चलें देसी ऑफिशियल्स की जानेब, सो दो किल्स अभी तक के लिए उठा जरूर चुके हैं देसी,
और आगे अपनी रोटेशन को कंटिन्यू किया जाता है। मिसम की बात की जाए, मिसम फिलहाल के लिए अपनी एक अच्छी सी महंगी सी गाड़ी के अंदर, जो शायद मैं कभी ज़िंदगी में ख़रीद भी ना पाऊँ, उस गाड़ी के अंदर इनकी जानब से मेरा मार्किन तवील रोडों के ऊपर जाया ज़रूर जाता है। लेकिन अगर इसी के साथ इनके हेलमेट की बात की जाए तो खासा डैमेज ज़रूर इनकी जानब से लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि अब खुदा जाने कि इनका सिर्फ हेलमेट ही लाल है या क्या कुछ, लेकिन हेलमेट जो फिलहाल के लिए हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल लाल हो चुका है। यहाँ पर बहुत डैमेज जरूर यहाँ पर इसका आया जाता है। लेकिन वहीं पर वीके रहमान की अगर बात की जाए तो M16A4 के ऊपर 6X लगा के ना जाने क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं दीवारों के ऊपर, कौन से ऐसे विर्द लिखे हुए हैं जो कि जोन इनके ऊपर यहाँ पर आएगा, जिससे या शायद जानते हैं कि पहले मैच के बाद यहाँ पर वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई, ये कौन सा नंबर लिखने, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जो बाथरूम के अंदर लड़कियों के नंबर लिख कर आता है और जब उनके ऊपर कॉल करो तो आगे से सबा लोड मांगती है। लेकिन वहीं पर अगर बाकी के प्लेयर्स की बात की जाए सो वीके के पॉइजन हमारे सामने दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन के एन के यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक जरूर लेते हैं। ESR वहाँ पर कुछ मिनी के चलते यहाँ पर कुछ नॉक जरूर निकालती है। तो बाकी की टीम्स की जाने हम जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले वीके बिल्कुल ही यहाँ पर एक जो है पैसिव स्टांस लेकर जाती है, बिल्कुल अपना सांस रोक कर बैठ दिया जाता है। वहीं पर अगर हम जाएं ब्लैक की जानिब तो समोसा, यार इस समोसे को मैंने अफ्तारी में खा लिया था, ना जाने ये कहाँ से मेरे सामने दोबारा आ गया है। मुझे पहली प्रोडक्शन की जानिब से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त रहेगी प्रोडक्शन से, मुझे पहली भूख लग रही है और इस टाइम पर मुझे समोसे को ना दिखाया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हाँ भेड़िया थोड़ा सा बेहतर जरूर रहेगा। तो वुल्फ की अगर बात करते हैं तो वुल्फ के बिल्कुल सामने यहाँ पर देसी ऑफिशल का स्क्वाड जरूर रहेगा। पहाड़ी चढ़ने की नाकाम कोशिश की जाती है, अपने इन मासूम से पैरों पर बड़ा सारा यहाँ पर जो है वो किया जाता है, लेकिन उसी के चलते यहाँ पर वुल्फ के ऊपर कुछ शॉट जरूर दागे जाते हैं और वुल्फ उन शॉट से बचते हुए एक दफा फिर से वापसी थोड़ा सा जाएंगे। बाकी जो जो लोग भी यहाँ पे स्ट्रीम के ऊपर मौजूद है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको एंटरटेन करने के लिए की जाती है। इवन दिस होल स्ट्रीम इज टू एंटरटेन दोज पीपल हु आर जॉइनिंग अस, हु आर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द इवेंट। और ये तो सिर्फ आगाज है, ये इख्तिताम तक पहुँचते इंशाल्लाह आपकी और मेरी एक इस तरह की बात जरूर बनेगी। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे सेसर किसी स्ट्रीम से नहीं, जैसे मेरे से खुद बात कर रहे हैं, और जी हाँ मैं बिल्कुल आपसे ही बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम, और आपने यकीनन लाइक भी किया होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा। सो अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबा देना, क्योंकि बाकी के तमाम मैचेस इसी चैनल पर होस्ट जरूर किए जाएंगे। सो फिलहाल के लिए जो जो लोग भी यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, जो जो लोग यहाँ पर मेरी कास्टिंग को मिस कर रहे थे, तो ये आपके लिए हाजिर ज़रूर है। तो उससे पहले मेक श्योर कर दीजिएगा सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, नहीं तो हमारे यहाँ पर स्पॉन्सर की अगर बात करते चले तो स्पॉन्सर्स ने यहाँ पर इवेंट को स्पॉन्सर करने के बाद उनकी जानिब से सपोर्ट कहाँ जाती है ये भी देखने को ज़रूर मिलता है, उनको कितनी यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, जो उन्होंने तो अपनी तरफ से सपोर्ट ज़रूर दिखाई है। अगर इसी के साथ हम बाकी अपनी टीम की बात करते चले तो डच की जानिब से एक हिल क्लाइंब करने की कोशिश ज़रूर की जाती है। बगी यहाँ पर फिजिक्स के सारे लॉज को डिफाई करती हुई, बगी एक ऐसी यहाँ पर गाड़ी ज़रूर रहती है कि जिसको आप यहाँ पर चाहो तो एज अ लीथल वेपन यूज़ कर सकते हो। लेकिन डच की जानिब से ना जाने कौन सी जगह पर छलांग लगाई जाती है जहाँ पर उनका पैर फंस जाता है, लेकिन इस पहाड़ी के अगर तो इनकी जानिब से गिरा जाता है तो कहां पर पहुंचेंगे ये जरूर रहता है। लेकिन वहीं पर हार्ड डिस्क की जानिब से नॉट ऑफिशियल्स के एक प्लेयर को जरूर नॉक किया जाए, लेकिन डच यहां पर एक अच्छा ग्रेनेड करने की कोशिश जरूर करेंगे। Black.com की अगर बात करें सो वो भी इनकी जानिब से अच्छा ग्रेनेड जाएगा जरूर, लेकिन डच को थोड़ा सा डैमेज जरूर करेगा। फिलहाल के लिए डच अब इस एरिया से थोड़ा सा फॉल बैक जरूर करना चाहेंगे, बिकॉज ही नोज़ के यहाँ पे यूटिल्स आ जरूर हुए, यूटिल्स से बचने के लिए डच की जानिब से उस एरिया को अबैंडन किया जरूर जाता है। और अगर Black.com की यहाँ पर बात की जाए तो एक और अच्छा ग्रेनेड उनकी जानिब से कुक जरूर किया जाता है, लेकिन ये ग्रेनेड कुछ खासा बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। और यही हो निकल कर आता है कहानी के ग्रेनेड ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर मैप की बात करते चले सो अभी तक के लिए नॉट ऑफिशियल जोन का हार्ड सेंटर पकड़ने में कामयाब जरूर हो जाती है VRX अभी तो कब्रेरा को ही होल्ड करिए, शायद वो जानते हैं कि वो ऑलरेडी टेबल की टॉप के बहुत ज़्यादा करीब बैठे हुए हैं। सो किस तरीके से अब VRX आखिरी मैच के अंदर अपना वो फर्स्ट स्पॉट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं, इस चीज़ का जवाब भी ये मैच ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करते चलें हमारी टीम्स की सो Black.com अभी तक के लिए पहाड़ी की उस चोटी के ऊपर बैठे हुए, ना जाने इस चोटी को वो क्या समझ रहे हैं कि जिसके ऊपर से उतरने का इनका दिल भी नहीं कर रहा। लेकिन फिलहाल के लिए वहाँ का एक फ़ायदा ज़रूर रहेगा कि हर तरफ नज़रें घुमाने में कामयाब ज़रूर है। लेकिन अगर मैप के शिफ्ट की बात की जाए तो हमारा Stage 3 हमारी आंखों के सामने आ जरूर चुका है, और थोड़ी देर के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप दिखेगा अभी कि कहां पर ये मैप अपने आप को इख्तिताम करता है। और इसी के साथ मैप दिखता हुआ एक एक्सट्रीम ईस्टर्न हार्ड शिफ्ट यहाँ पर जोन लेकर जाता हुआ तमाम की तमाम टीम्स को जोन से बाहर यहाँ पर भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर मेरे अंदर आने की कोशिश करोगे तो आसानी से नहीं पहुंच पाओगे, मुश्किल जरूर होगी। लेकिन वहीं पर अगर रेक्स की बात की जाए तो
एक गैबी मदद उनके पास आती है, वो एक ऐसे एरिया के अंदर मौजूद रहते हैं जहां से उनके लिए आगे जाना कोई प्लान उनके पास मौजूद नहीं होता, बट जोन से वेट आई एम देयर व्हाई वुड यू हैव टू वरी। सो यहां पर कहते हुए रेक्स के यहां पे जोन जरूर मिल जाता है, वाटर ट्रीटमेंट और हेशियन डेथल पैटर्न उनके यहां पे जोन बनता हुआ, तमाम की तमाम टीम्स की तरफ से जोन के अंदर जाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अब ये वो समय है जहां पर तमाम की तमाम टीम्स एक दूसरे से यहां पर जूझ उठेंगी, एक दूसरे के इशारा बेशाना आगे खड़ी हो जाएंगी, एक दूसरे की गन फाइट यहां पर टेस्ट जरूर करेंगी। बट ये जोन जो कि एक एक्सट्रीम नॉर्थर्न शिफ्ट से स्टार्ट हुआ था, वहां से इतना ज्यादा हार्ड शिफ्ट, अब एक ईस्टर्न शिफ्ट, पहला एक्सट्रीम नॉर्दर्न शिफ्ट खाता है, देन एक सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट, देन एक वेस्टर्न शिफ्ट, एंड नाउ दिस इज व्हाट जोन इज डूइंग। किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर अगर बाकी तमाम की बात करें, लेकिन अगर मैप की बात करते चलें तो मैप के अंदर हम ये चीज जरूर देखेंगे कि कितनी ही टीम्स अब जोन के अंदर है, बट अगर आप टोटल बात करें एक हमारे जो साउदर्न एज है, साउदर्न एज के ऊपर जो क्लस्टर है वो बहुत ज्यादा जरूरी जरूर रहता है, लेकिन VRX अगेन दे आर इन अ फेवरेबल स्पॉट इन द सर्कल। लास्ट टाइम जब हमने जोन देखा था वो ला कोब्रेरा में थे, समहाउ दे जस्ट टेलीपोर्टेड एंड केम टू वाटर ट्रीटमेंट, आई डोंट नो हाउ, बट दिस टीम इज शोइंग सम सीरियस आईजीएलिंग स्किल्स। आई डोंट नो हु इज द आईजीएल ऑफ VRX राइट नाउ, but whoever it is, kudos to the guy, you are doing a really great job. But VK bhi usi area se ab zone ke andar entry lene ki koshish zarur kar rahi hai, northern edge ko use kiya jata hai zone ke andar enter karne mein, lekin kya VRX ke sath wo fight inki hogi ya nahi, lekin agar southern edge ki baat ki jaye to wo cluster yahan par har team ke liye nuksandeh zarur sabit hoga, koi bhi team yahan par apne aap ko pure tarike se bacha ke nahi leke nikal sakti। अगर बाकी बात करते चले गूगल गेमिंग पार्टी की, सो अभी तक के लिए गाड़ी की कुछ यहाँ पर थोड़ी सी इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि अच्छे ड्राइविंग स्किल्स दिखाए जाए, वेयर हाउस को इनकी जानिब से होल्ड करने की कोशिश जरूर अच्छा फिलहाल के लिए गूगल की जानिब से ना जाने, वो पार्किंग उनको पसंद नहीं आती, कोशिश की जाती है अच्छा फ्यूल भरने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहीं पर डीएसपी के ऊपर कुछ नॉक जरूर निकाले जाते हैं। डीएसपी भी यहाँ पर अब कोशिश जरूर करेगी किसी तरीके से यहाँ पर जो है अपने आप को बचाए, लेकिन एहतशाम को भी फिलहाल के लिए एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। प्रोडक्शन से मेरी दरख्वास्त ये जरूर रहेगी कि फाइट की जानब थोड़ा सा दिलाया जरूर जाए, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए फिलहाल के लिए VRX की, सो दे आर एट अ वेरी फेवरेबल स्पॉट, दे आर द फेवरेट्स टू बी द क्राउन चैंपियंस ऑफ क्वालिफायर्स ग्रुप ए फॉर द MGRL सीजन 1 स्पॉन्सर्ड बाय प्रोनूबिज लाइव एंड SIR जट अल्लाह दे हुकम नाल। बट वहीं पर अगर समोसा की बात की जाए तो एक बार फिर से समोसा हमारे सामने आता है, लेकिन काफी बेहतरीन शॉट्स इनके ऊपर भी कनेक्ट कराने में कामयाब जरूर होते हैं इनके सामने। यहाँ पर टीम्स की अगर बात की जाए तो कोई भी टीम अब यहाँ पर ऐसी नहीं रहेगी कि जिसके पास वो गन स्किल्स नहीं है, जो वो फाइट नहीं ले सकती। शायद कल हमें स्पॉन्सर्स की टीम्स के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई जरूर दे, बट फिलहाल के लिए 4R की अगर बात जरूर चले, सो टोटल अगर बात की जाए हमारा चौथा फेज बन चुका है, लेकिन अभी तक के लिए 14 टोटल टीम सर्वाइव कर रही हैं, और इस जोन के ख़त्म होते होते ये 14 से नंबर कहीं कहां पर आगे देखता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर फाइट की जाए तो हर तरफ एक फाइट जरूर चल रही है। 4R के जहाँ पर बात की जाए तो टीम को नॉक किया जाता है, ब्लैक की समोसा को क्या बेहतरीन एक नॉक जरूर दिया जाता है, दो प्लेयर तक के ब्लैक नॉक जरूर कर दिया जाता है, लेकिन क्या वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी असना के अंदर DSP को एलिमिनेट किया जाता है, वो 14वीं टीम रहती है जो इस मैच के अंदर से हमें जो है छोड़ के जाती है, लेकिन ब्लैक के पास अब टाइम आ जाता है अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने का, लेकिन वहीं पर एक और प्लेयर को 4R के एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। एक 3v2 की एक इवन फाइट बनती हुई अपने एक प्लेयर को रिवाइव देने में कामयाब, एक प्लेयर अभी भी नॉक जरूर रहेंगे, लेकिन किस तरीके से ये नेट क्या कामयाब होगा या नहीं, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड जाता है MKF के ऊपर, लेकिन फिलहाल के लिए उस नेट की जद में आने से बच जरूर जाते हैं, बट कब तक वो बचेंगे जरूर, क्योंकि एक और फॉलो अप ग्रेनेड जाएगा, ये ग्रेनेड कुछ अच्छा साबित जरूर हो सकता है, और अच्छा ग्रेनेड जाता है MKF को यहाँ पे नॉक निकालेगा, दो प्लेयर नॉक, 2v2 की वो फाइट, 4R की जाने से वो पेश हमें देखने को मिल जरूर सकता है, क्योंकि अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए स्मोक रिप्लाय करने की कोशिश की जा रही है, कवर फाइट देने की कोशिश जरूर की जा रही है, फिलहाल इनटू द स्मोक कुछ बुलेट्स यहाँ पे कनेक्ट जरूर की जाएंगी शैतान की जानिब से, पर ये शैतान आया कहाँ से, मुझे तो लगा था ये बंद हो गया, लेकिन फिलहाल के लिए बाकी टीम्स के यहाँ पर बंद करने में कामयाब जरूर हो जाता है, क्योंकि अच्छे नॉक्स निकाले जाते हैं, लेकिन he needs to learn some driving skills because he has some good gun skills, but driving mein agar baat ki jaye shaitan ki to ek dafa phir se mirado ko yahan par khud ba khud hi uske jo hai damage karaya jata hai, lekin kya yahan par vehicle burst ke chalte eliminate honge, uska jawab rehta hai nahi, kyunki ab ek acche cover ke andar khud ko roka jata hai aur heal up bhi kar diya jata hai shaitan ki jaan se, lekin wahi par agar black squad ki baat ki jaye to ek player yahan par unka eliminate zarur kiya gaya tha, और बिलीव से उसको भी यहाँ पर फिलहाल के लिए रिवाइव अप जरूर कर दिया गया है। सो ब्लैक इज बैक टू द फोर मैन स्टैंडिंग टीम।
अगर हम यहीं पर चले हमारे मैप की जानिब, मैप के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है कि अब टीम्स कहाँ से रोटेट करके जा रही हैं जोन के अंदर, लेकिन यहीं पर जोन एक दफ़ा फिर से एक साउथ ईस्टर्न शिफ्ट लेकर जाता है और लेट मी टेल यू VRX इज अगेन एट अ वेरी वेरी फेवरेबल स्पॉट। बट उससे पहले एक और चीज जरूरी ये रहती है कि ड्रॉट ऑफिशियल्स यहाँ पर क्या करती है, 13 टीम्स अभी तक के लिए सर्कल के अंदर सर्वाइव कर रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फाइनल मैच ऑफ द फाइनल डे ऑफ क्वालिफायर, बिकॉज हर टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को यकीनी बनाने के लिए, पर 18 में से सिर्फ 8 ही वो नाम रहेंगे जो कि लीग स्टेज के अंदर जाएंगे, बाकी की 10 टीम्स को एक दफा फिर से मौका दिया जाएगा अपने गन स्किल्स को यहाँ पर बेहतर करने का, कोशिश की जाएगी उनकी जानिब से और बेहतर करने कि अगले मोमेंट के अंदर वहां पर अपने ये जो जो गलतियां की जाती हैं तमाम टीम को यहां पर सही किया जाए। लेकिन वहीं पर ग्रैंड एसएम के सोल जॉर्ज की बात की जाए उनको एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है, बट नॉट क्यूट बनी, ही इज फाइटिंग द होल स्क्वाड ऑल ऑन हिज ऑन। फिलहाल के लिए अगर देसी सरदार की बात की जाए तो सरदार की जानिब से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर की जाती है, और सरदार के पीछे यहाँ पर कौन मौजूद है ये मैं तो जानता हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये राज भी आपके सामने बहुत जल्दी पास किया जाएगा। लेकिन वहीं पर बनी क्या ही बेहतरीन यहाँ पे सरदार को लोन एचपी करेंगे, लेकिन सरदार की जानिब से बेहतरीन फायर जाता हुआ और एक अच्छा किल यहाँ पर देसी ऑफिशियल अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म करने में कामयाब। अच्छे स्मोक्स डिप्लॉय किए जाते हैं, लूट यहाँ पर की जरूर जाएगी इनकी जानिब से, लेकिन वहीं पर कुछ और टीम्स में जो जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं, क्या तमाम की तमाम यहाँ पे जोन के दौरान में कामयाब होंगे। वुल्फ को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है, सो फाइट्स तो हर तरफ हो जरूर रही है। फिर बात की जाए ब्लैक की, तो ब्लैक एक और फाइट के अंदर जूझती है, जितना हमने ब्लैक को इस मैच के अंदर फाइट करते हुए देखा है शायद ही हमने किसी भी टीम को इतनी ज़्यादा फाइट्स के अंदर जूझते हुए देखा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ब्लैक्स की यहाँ पर बात की जाए सो क्या वो यहाँ पर इस फाइट के साथ कुछ अच्छे किल नंबर अपने लिए निकाल सकते हैं। कि देसी सैम का एक अच्छा ग्रेनेड जाता है, बहुत अच्छा ग्रेनेड जाता है और प्लेयर्स को यहाँ पर लो एन एच पी जरूर किया था, बट वहाँ पर किल्स जरूर परफॉर्म कर दिए जाते हैं। सैम की बात की जाए तो एक अच्छे स्प्रे यहाँ पर दिया जरूर जाते हैं इनकी जानिब से, स्मोसा के ऊपर थोड़ा सा लो एन एच पी जरूर किया जाएगा, स्मोसा की जानिब से यहाँ पर स्मोक पॉप इन किया जाता है, अपने लिए कुछ वर्चुअल कवर्स बनाए जरूर जाते हैं, बट फिलहाल के लिए टीम्स यहाँ पर खासी बेहतरीन तरीके से रह जरूर रही हैं। और इसी के साथ अगर बात करते चले अगर हम हमारे अपनी टीम्स की सैम की बात की जाए तो सैम की जानिब से यहाँ पर आगे जाने की कोशिश जरूर की जाएगी। सैम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से वो किल्स अपने लिए कंफर्म जरूर करें, लेकिन वीके भी एक फाइट के अंदर जूझते हुए, बट वहीं पर अगर समोसा की बात की जाए तो समोसा के ऊपर यहाँ पर पुशन आता हूँ, यहाँ पर समोसा को यहाँ पर नॉक जरूर करेंगे, इंस्टेंटली यहाँ पर फिनिश ऑफ भी करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर black.com की बात की जाए, अच्छे यूटिल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेनेड जाता है सरदार की जानिब, लेकिन अब इस पूरी की पूरी फाइट को 1v4 सिचुएशन के अंदर उनको यहाँ पर डील करना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर डच आएंगे, एलिमिनेट किया जाता है और एक और अच्छा किल यहाँ पर देसी ऑफिशियल अपने नाम 10 किल्स अभी तक के लिए उठा जरूर चुकी है देसी ऑफिशियल्स, क्या ही बेहतरीन किल नंबर्स इनके पास रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए जोन की सो एक और नॉर्दर्न शिफ्ट जोन यहाँ पर लेके जाता हुआ और इसी के साथ VRX एक दफ़ा फिर से पूरे के पूरे जोन का होल्ड रख के बैठी हुई है। लेकिन एक इस दफ़ा VRX अपने 4 प्लेयर्स के साथ स्टैंडिंग जरूर है, तो क्या आखिरी मैच अपने लिए वो चिकन डिनर जरूर ले पाएगी VRX या नहीं, जिस चिकन डिनर के लिए पिछले 3 मैचेस में बहुत करीब आकर दूर वापस चले जरूर जाते हैं। फिलहाल के लिए देसी डच की अगर बात की जाए तो वो एक और टीम के यहाँ पर जरूर चले जाते हैं, YTF का वो स्क्वाड जरूर रहता है, एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, डच की जान से वो प्लेयर का किल अपने लिए कंफर्म भी किया जाता है, बट फिलहाल के लिए वापस जोन को प्रायोरिटी दी जाएगी, जोन के अंदर जाने की कोशिश की जरूर जा रही है इनकी जानिब से। अगर डच की बात की जाए तो आखिरी प्लेयर वहाँ पर दूसरा जाता है, एक और प्लेयर वहाँ पर निकल जाता जरूर है देसी ऑप्शन को, जाकर एक प्लेयर को नॉक जरूर करवाए बैठते हैं रिवेंज के हाथों, सरदार आई बिलीव सो वो प्लेयर रहते हैं जो अपने आप को वहाँ पर नॉक जरूर कराते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर थोड़े सी ड्राइविंग के अंदर कुछ इशू जरूर आते हैं डच की जानिब से और अभी तक के लिए ऑन फुट रोटेशन को जोन के अंदर करनी जरूर पड़ेगी। द गुड थिंग इज ज़्यादा डैमेज जोन दे नहीं रहा था अभी तक के लिए, अपने आप को सर्वाइव जरूर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर YTF की बात की जाए, YTF यहाँ पर VRX के ऊपर पुश करती है, एक प्लेयर को नॉक फिनिश किया जरूर जाता है, ब्रांड बहुत लोन एच पी जरूर हो जाते हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर इस टीम, बट वहीं पर बैक से VRX का कवर आता है, YTF को भी फिलहाल के लिए एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। वी आर डाउन टू द लास्ट 5 टीम्स ऑफ दिस मैच, VK को भी यहाँ पर अभी तक के लिए आई बिलीव सो एलिमिनेट जरूर करा दिया जाता है। लेकिन अगर VRX की बात की जाए तो अभी तक के लिए 3 ही किल पॉइंट्स इनके बैकपैक के अंदर आते जरूर हैं, बट अभी तक के लिए बेहतर ये जरूर रहेगा कि टॉप 4 के अंदर अपनी जगह जरूर बना चुकी है। क्या ये आखिरी मैच अपने लिए वो चिकन डिनर ले पाएगी VRX की ये स्क्वाड, जिस चिकन डिनर को बहुत देर से ये लोग मिस कर रहे थे, देवर टू क्लोज येट सो फार,
बट किस तरीके से अपने आखिरी मैच को यहाँ पर जो है कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं पर अगर भूतनी की बात की जाए तो भूतनी की जानब से यहाँ पर जो है वो कुछ यहाँ पर कोशिश की जाती है अच्छी, यहाँ पर M24 के जो है वो किए जरूर जाते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें थोड़ा सा ये फर्ज हमारे यहाँ पर चलता ज़रूर रहता है, बट समहाउ अच्छा है कि यहाँ पर नॉक निकाला जरूर जाता है गूगल की जाने। तो गूगल अब अपने स्किल की यहाँ पर जो है इंटरफॉर्मेशन की तरफ भी जाएंगे जरूर। और लिंडन मैन आई एम रियली सॉरी बिकॉज ना ये पानी पीने दिया जा रहा है मुझे मैनेजमेंट की जाने से, ना ही प्रोडक्शन की जाने से कुछ खाने पीने की जो है वो दी जाती है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरी आईसाइट की थोड़ा सा मुझे धोखा जरूर देने लगी है। लेकिन अमेरिका की टीम यहाँ पर क्या उन्हें धोखा देती है या नहीं ये जरूर देखना रहेगा। लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स उन्होंने हमें बिल्कुल धोखा नहीं दिया, दे हैव मेड दिस इवेंट पॉसिबल। सो अ बिग शाउट आउट टू प्रोनूब विज लाइफ एंड SIR जट। लेकिन वहीं पर अगर बात करते चले गूगल की, तो बेहतरीन तरीके से एक एम यहाँ पे चलाई जरूर जा रही गूगल की जानिब से। वो टीम जिसके पास अभी तक के लिए सिर्फ 3 किल्स दिखाई दे रहे थे, टोटल 6 किल्स अब तक लेने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, 4 टोटल टीम्स बाकी जरूर रहती है, टॉप 4 में आने में कामयाब जरूर है। लेकिन वहीं पर जोकर की जानिब से हार्ड एग्जामिंग को नॉक जरूर किया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये वो लास्ट मैच के अंदर अपना वो चिकन जो अभी तक के लिए मिस जरूर कर रहे थे शायद वो लेके जा पाए, क्योंकि बहुत सी अगर बात की जाए तो टीम हार्ड एक यहाँ पर किल जो कंफर्म जरूर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर सावा की जानिब से एक सुसाइड अटेम्प्ट की जाती है, वो जानते थे अब यहाँ पर उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन दिस इज द टाइम जहाँ पर केन के अमेरिका वर्सेस VRX 3v1 की ये सिचुएशन आखिरी मैच वो यहाँ पर रहता जरूर है, जो VRX अपने लिए वो चिकन करने के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। लेकिन क्या KNK के अमेरिका यहाँ पर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा के एक अच्छा क्लच मोमेंट निकाल पाएंगे, या फिर दिस विल बी द मोमेंट जहाँ पर VRX अपना पहला चिकन डिनर लेके जाने में कामयाब जरूर होंगे। इंडिया से आई हुई ये टीम अक्रॉस द बॉर्डर आके खेलती है विद ऑल द पिंग इश्यूज एंड एवरीथिंग, बट स्टिल मैनेजेस टू क्लिंच द टॉप 3 स्पॉट्स इन एवरी सिंगल मैच ऑफ Day 2 ऑफ क्वालिफायर्स ग्रुप ए इन MGRL Season 1। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग VRX Esports फॉर यू, बट विल दिस बी द मोमेंट दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर, एवरीवन हैड बीन वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन द VRX Esports विल क्लिंच देयर फर्स्ट एवर chicken dinner in MGRL Season 1, and this will be the utility, this will be the grenade that will make that possible. This is the chicken dinner, ladies and gentlemen, presenting VRX Esports in your screens. A huge kudos to everyone from the VRX Esports. What a gameplay, what a game, what a match. Everything was so good. It started right from the aggression, ended right at the aggression. But ladies and gentlemen, we will go on a very short break, and after that we will come with the interview of our sponsors and the point table with us. So ladies and gentlemen, don't go anywhere, we will be right back after a short break.
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों का। वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बैक। और जिस तरीके से आज के मैचेस का इख्तिताम होता है, टीम्स एग्रेशन दिखाती हैं, क्या बेहतरीन तरीके से करती है, टीम की कारकर्दगी थोड़ी देर के अंदर पॉइंट्स टेबल की सूरत में हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट प्रोनूब इज लाइव, जो कि स्पॉन्सर जरूर रहते हैं। तो प्रोनूब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो प्रोनूब, मुझे थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा कि यू आर द स्पॉन्सर फॉर द मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1 होस्टेड बाय सेसर प्लेस। सो हाउ डज इट फील टू बी द स्पॉन्सर, टू बी वन ऑफ द वेरी मेन स्पॉन्सर ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन इम्युलेटर कम्युनिटी दिस रमजान? I'm feeling very proud to sponsor you. And regarding this thing, I just want to tell you that your management is very perfect regarding the casting, regarding the hosting, regarding making the matches. Everything is fine. So that's what, you know. Okay, thank you so much, Pranub. Yes, yes, please continue soon. Okay, so Pranub, आप मुझे सुन सकते हैं ना? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। Okay, so प्रणुम, कैसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आप यहाँ अभी फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है, आप बहरेन के अंदर रहते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपका ये प्यार जो कि पाकिस्तानी इम्युलेटर कम्युनिटी के लिए रहता है, गेमिंग कम्युनिटी के लिए रहता है, कि जिस तरीके से आप तक ये चीज़ जिस टाइम हमारी स्पॉन्सरशिप टीम आप तक पहुँचती है कि वी आर होस्टिंग अ टूर्नामेंट विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन, विद दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट, सो आप वहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे कहते हैं यस आई विल बी वेरी वेरी गुड टू स्पॉन्सर द इवेंट। सो क्या था उस टाइम पर आपका माइंडसेट कि जब आपको पता लगा कि इस तरह का एक इवेंट आ रहा है? एंड डेफिनेटली आपको हमने बहुत कम जगह स्पॉन्सर करते हुए देखा है, बट यू आर वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर ऑफ द MGRL सीजन 1। सो अगेन मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस टाइम पर MGRL की स्पॉन्सरशिप टीम आपके पास आई थी, सो व्हाट वाज योर माइंडसेट, व्हाट वाज योर थिंकिंग, कि क्या आपके जहन में था कि किस तरीके से ये इवेंट चलेगा, क्या चीज होगी? एंड यू आर नाउ वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स एंड अगेन यू आर बीइंग फीचर्ड एज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ दिस इवेंट। पता नहीं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे इससे पहले पास में काफी मैंने टूर्नामेंट्स किए हैं, ठीक है, खेले भी हैं, मैंने उसमें परफॉर्म भी किया, लेकिन अभी तक जो है ना, मैंने कभी किसी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर नहीं किया था। लेकिन जब MG की टीम मेरे पास आई थी, मैंने दो रीजन देख के मैंने किया था। एक तो ये कि जब किसी जमाने में जब हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते तब हमारे पास स्पॉन्सर नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट नहीं होती थी। लेकिन क्या था कि हमारे अंदर जो है स्किल्स होते थे, तो एक तो ये था कि एक मैनेजमेंट की स्किल्स की बेस पे मुझे पता था कि एटलीस्ट ये कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को सपोर्ट किया जाए। और सेकंड थिंग बीइंग मेन थिंग ये है कि मैं शुरू से ही आपको 3 साल से देख रहा हूँ और मुझे आपकी कास्टिंग बहुत पसंद है, तो बीइंग अ कास्टर मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को अपना मेन फोकस भी रखा था कि यार भाई सेसर अगर कास्टिंग करेगा तो आई विल डेफिनेटली स्पॉन्सर दिस इवेंट टू द पॉइंट। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच फ्लैटर्ड, सो मी आई वुड से दैट। बट अगेन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे जरूर कहना, आपने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल थिंग्स की बात की कि जब यहाँ पर मैनेजमेंट आती है, इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, तो उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो कि उनको चाहिए होती हैं। बिकॉज डेफिनेटली इस तरह की प्रोडक्शन करना, इस लेवल पे मैनेजमेंट को लेकर आना, हर चीज़ को प्रॉपरली देखना, इवन दो वी हैव स्टिल फेस some kind of technical issues, but somehow हमारी production team, हमारी management team उन तमाम की तमाम चीज़ों को on the spot जो है सही भी किया जाता है, तमाम के तमाम issues को accommodate किया जाता है, तो ये सब की सब चीज़ें यहाँ पर चलती भी रहती हैं और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास अच्छी भी रहती हैं। बट आपको क्या लगता है कि will this be a start of good times in this community, और ये चीज बस इस इवेंट के बाद सिर्फ एक MG eSports ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रह जाएगी जो इन चीजों को यहाँ पर करती है और उसके बाद तमाम की तमाम टीम्स इन चीजों को दोबारा से भूल कर एक कन्वेंशनल स्टाइल के ऊपर जाएंगी? रिगार्डिंग दिस, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे पहले आज तक मैंने ऐसा जो है ना, जिस तरह का आप लोगों ने ये जो बनाया, आप ये कह लो प्रोडक्शन है या जो भी टीम है, ठीक है, जी जिस तरह की प्रोडक्शन टीम आप लोगों ने बनाई है, ठीक है, इससे पहले अभी तक कोई भी अगर आप कॉम्पी देख लो, ठीक है, आपने देखा होगा, आपने पबजी मोबाइल के ऑफिशियल जो टूर्नामेंट देखे होंगे उसमें आपको इस लेवल की प्रोडक्शन मिली होगी,
लेकिन अभी तक एमुलेटर की कम्युनिटी में इस तरह की प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर कभी कोई इवेंट्स होते भी है ना, तो ऑर्गेनाइज होते भी हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो इस चीज को फॉलो किया जाए, क्योंकि नॉर्मली कास्टिंग तो मतलब हर बंदा कर लेता है, नॉट अ बिग डील, पर ऐसी प्रोडक्शन लेके आना, ऐसी मैनेजमेंट करना, ये चीज मेन है। और मैं कहता हूँ अगर फॉर द फ्यूचर अगर कोई इस तरह की इवेंट्स होंगे जहाँ पे इस तरह की मैनेजमेंट होगी, इस तरह की कास्टिंग होगी, आई एम ऑलवेज बी हेयर फॉर द सपोर्ट। अरे थैंक यू सो मच सोनी फॉर योर सच वाइज वर्ड्स, और काफ़ी बेहतरीन बात आपने यहाँ पर की। ज़रूर है कि आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, मल्टी गेमर्स ई स्पोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन जो कि पिछले 3 से 4 सालों से सी एस गो कम्युनिटी के अंदर वर्क कर रही थी, देन वो यहाँ पर आते हैं इम्यूलेटर कम्युनिटी या पबजी कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर, उसको भी यहाँ पर उनकी जानब से देखा जाता है, उसके अंदर उनकी जानब से कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया जाए। देन अगेन जो टीम सेसर प्लेज रहती है, बिकॉज इफ़ यू गाइज डोंट नो, हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग भी करते हैं, और ये स्ट्रीम प्रोडक्शंस, टूर्नामेंट प्रोडक्शंस, हम अक्सर यहाँ पर जो है जो आपके ऑफिशियल इवेंट्स भी देखते हैं, आपको वहाँ पर भी बहुत सी जगह के ऊपर ये प्रोडक्शन दिखी होगी। सो दिस इज एक्चुअली द सेम टीम, बट अगेन वो चीज़ यहाँ पर लाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहती है, दैट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट, और उसके लिए हमारे स्पॉन्सर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग शाउट आउट टू यू प्रोनोबिज लाइव। थैंक यू सो मच विद सच द वाइड वर्ड, और लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर हमें ज्वाइन किया था हमारे प्रोनूबिज लाइव ने, और इसी के साथ अब हम यहाँ पर इंतजार जरूर करेंगे जो कि हमारे पॉइंट्स टेबल रहते हैं, पॉइंट्स टेबल जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आएंगे उसके बाद हमें ये भी पता लग जाएगा कि वो कौन सी 8 टीमें हैं जो कि अगले मलरे के ऊपर यहाँ पर मूव ऑन करेंगी, और वो कौन सी ऐसी 10 टीमें हैं जिनका सफ़र इस इवेंट के साथ यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। लेकिन उस सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात जरूर करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अ बिग कूडोस टू मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स जिन्होंने यहाँ पर इस इवेंट को लेकर आए, इस इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च किया। देन उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन टीम रहती है, हमारी सेसर प्लेस फैम रहती है, टीम सेसर प्लेस रहती है, हमारे स्पॉन्सर्स रहते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रोनोबिज लाइव थे, SIR जट थे अल्लाह दे हुक्म नाल, बिकॉज वो उनका एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग रहता है, एवरी वन आउट देयर नोज, और कहीं ना कहीं हमने वो वीडियो सर्कुलेशन के ऊपर देखी भी है इस कम्युनिटी के अंदर। बट बिफोर शोइंग द पॉइंट्स टेबल, यहाँ पर मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट जोन है, अगर हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट मैप आता है, हमारे पास हमारा जो रोड मैप रहता है, क्या प्रोडक्शन हमें वो रोड मैप फिलहाल के लिए दिखा सकती है? आई बिलीव सो, फिलहाल के लिए डे शेड्यूल हमारे पास जरूर रहेगा, रोड मैप हमारे पास नहीं रहेगा, बट कल के दिन से यहाँ पर हमारे पास क्वालिफायर्स के ग्रुप बी के मैचेस जरूर स्टार्ट होंगे, और ग्रुप बी के लिए भी आई बिलीव सो हम सेम डे शेड्यूल शामिल जो है वो फॉलो करेंगे। बट एग्रेशन जो है टीम्स की वो कभी भी यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए, बट कौन सी वो टीम रहेगी जो कि पहला पायदान अपने नाम करके गई है, और वो कौन सी 8 टीमें रहेंगी जो कि फिलहाल के लिए यहाँ से क्वालिफिकेशन अपने नाम करके जाती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अभी हम थोड़ी देर के अंदर जानेंगे ज़रूर। इससे पहले आपने यहाँ पर हमारे साथ सुना था, प्रोनोबिज लाइव ने हमें ज्वाइन किया था, प्रोनोबिज लाइव हमारे साथ मौजूद ज़रूर थे, हमारे स्पॉन्सर्स थे, और एक ग्रेट इंटरव्यू उनकी जानब से यहाँ पर दिलाया भी जाता है। लेकिन हमारे पॉइंट्स टेबल की तरफ जाने से पहले हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, सो लेडीज जेंटलमैन कहीं नहीं जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
Assalamu alaikum everybody, welcome back after a very very short break, and ladies and gentlemen, we are back with the points table of the qualifiers group A of MGRL season 1 presented by Multigamers Esports, hosted by Cesar Plays, and there we go, the suspense is over. Final results hamari aankhon ke samne aate hue, team VRX putting the crown on their head with the cherry at the top. The last match chicken dinner nikal ke jaate hain, total 89 points inki janib se yahan par nikale zarur jaate hain, 52 kill points. What a best performance by the team in all over this tournament. But pehli 8 teams yahan par qualify karke jaati hain, jiske andar VRX Esports rehti hai, not official, yahan par apne liye dusra paidan hasil karti hai team XRS with the third spot, YTF Esports fourth, VK Elites fifth, ESR Officials 6th, Desi Officials on #7, 4 Rivals on #8. Can NA7 Official too close, but wo do kill points jo ke extra 4 Rivals leke jaati hai, wo unko qualify karate hain, but NA7 Officials yahan par qualify karne mein nakamyab hote hain. Aur isi ke sath sath jo tamam ki tamam teams #9 se lekar #18 tak yahan par maujood hain, यहाँ पर आप तमाम लोगों का सफर पहुंचता है अपने इख्तिताम को MGRL सीजन 1 में. लेकिन आप लोगों ने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, क्योंकि ये आखिरी इवेंट नहीं है जो कि यहाँ पर हमारे पास मल्टी गेमर ईस्पोर्ट्स लेकर आ रहा है इसके साथ, और बहुत से ऐसे इवेंट्स में हम आपको मिलेंगे जरूर. लेकिन जो जो लोग फिलहाल के लिए स्ट्रीम के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं और जो जो लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं, आप लोग ये चीज जरूर रेडी रहे, बिकॉज कल से ग्रुप बी का एक्शन यहीं पर कंटिन्यू होगा, और ग्रुप बी से भी हमारे पास 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी for none other than our league stages, where these 16 teams will meet for sponsored teams and they will play the league stages, jiske andar se top 16 teams hame finals ke andar khelti hui dikhai zarur dengi. So kudos to everyone jin logon ne qualify kiya hai, hard luck to those teams jo ki qualify nahi kar paye, jiske andar agar baat karte chale NA7 officials, KNK officials aur DSP officials, sirf aur sirf ek पॉइंट से यहाँ पर टीम्स की क्वालिफिकेशंस डिनाई हुई हैं. सो दिस शोज कि कितना कंपटीशन रखती है ये लॉबी अपने अंदर, हर वो टीम कितने ज्यादा कंपटीशन के अंदर जूझती रही है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ तक का था हमारा आज का सफर, आज की स्ट्रीम यहीं से पहुँचती है अपने इख्तिताम को, और ये हमारे आंखों के सामने यहाँ पर पॉइंट्स टेबल रहता जरूर है. अभी तक के लिए जो टीम यहाँ पर क्वालिफाई की हैं, उन टीम्स की क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर देखते हुए हम ये जरूर बता सकते हैं कि आज का जो सफर रहा है, या इन दो दिन का जो अभी तक के लिए सफर रहा है, स्टार्टिंग थी लेकिन एग्रेशन से भरपूर थी, और क्या ही बेहतरीन मजा आया. और अगर आप लोगों को मेरी कास्टिंग पसंद आ रही है तो मेक श्योर कर देना कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यू कैन फॉलो मी देयर. अदर देन दैट, all you have to do is like the stream, subscribe the channel, press the bell icon, and if you guys want to support me, just visit the descriptions, you can find the donation links and you can find the donation numbers. So till then, this is it for today, ladies and gentlemen, we will see you in another stream, maybe tomorrow, maybe the day after tomorrow, or maybe in the league stages. But till then, apna rakhiyega bahut zyada khayal, mujhe rakhiyega duaon mein yaad. This is your guy Cesar Plays signing out.